स्टार्ट कर रहे, चेक करना यूट्यूब में आ रहा है कि नहीं। साउंड आया, वो ठीक है, अभी आएगा। इज गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? यूट्यूब वालों, है ना? ओके, स्टार्ट कर दे। किसी डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन लेक्चर में देखो अपना प्लान क्या है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम टाइम में मैं सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करूं। ओके, और जिधर भी अमेंडमेंट्स आएंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि रिवीजन लेक्चर बैठने वाले कितने तो ऐसे होंगे जिन लोग ने नवंबर में एक बार अटेम्प्ट दिया है तो मई 24 में चेंजेस आए, तो चेंजेस हाईलाइट हो जाएंगे। और कहीं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में करेंगे तो प्रैक्टिकली कम टाइम में ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड फिर रेगुलर लेक्चर में तो क्या, मैं हर चीज़ का डिटेल लॉजिक बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई कोई चीज़ में जहाँ लॉजिक की ज़रूरत नहीं है ना, उतना डिटेल लॉजिक नहीं बताऊँगा, मतलब उसको समझा के आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि रेगुलर लेक्चर की तरह हर चीज़ का डिटेल लॉजिक बताऊँगा तो कम टाइम में ज़्यादा नहीं कवर हो पाएगा। ओके, तो ये सब माइंड में रखना। बाकी आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। ओके, तो ये देखो इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में बेसिकली अपने को ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कंप्यूटेशन अपने को आना चाहिए, ये कैलकुलेशन करने आ गया, मतलब इनकम टैक्स अपने को आता है। ओके, अब देखो सबसे पहले अपने को 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूट करना पड़ता है। उसमें पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये पांचों हेड की इनकम को कंप्यूट करने के लिए अलग से वर्किंग बनती है, अलग से स्टेटमेंट बनता है। सी, ये खुद एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए पांच अलग स्टेटमेंट बनते हैं पांचों हेड्स ऑफ इनकम के। ओके, एंड फिर ये देखो मैंने साइड में बना के रखा है, ये पांच अलग स्टेटमेंट्स है, और ये पांचों स्टेटमेंट्स का जो फाइनल आंसर आता है ना वो इधर इकट्ठा होना चाहिए, और ये सबको इकट्ठा करके बाद में क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और उसके बाद क्या आता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, एंड उसके बाद आएगा नेट टैक्सेबल इनकम, और इसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए सब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ फटाफट। ओके, तो सी अपना ये चीज हो गया, मतलब इनकम टैक्स खत्म। और इसके अलावा सिलेबस में है क्या, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, दीज आर अदर चैप्टर्स, और रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह, तो ये आ गया और ये अदर चैप्टर्स हो गए, तो अपना डायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाता है। ओके, तो सुनो एक अच्छे फ्लो के लिए ना सबसे पहले बच्चों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि माना के मेन हेड्स ऑफ इनकम सबको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेकिन बिजनेस और सैलरी के डिस्कशन में ना कई बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जिक्र होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आइडिया होना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट वी विल हैव टू स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फटाफट खत्म हो जाएगा, एंड फिर बाद में मैं मेन चैप्टर चालू करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो शुरू करने के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से चालू करते हैं। तो लुक हियर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चालू हो रहा है, तो ये देखो दुनिया में जितनी भी टाइप की इनकम्स हो सकती है ना, उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी को अलग कर दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन्स को अलग कर दो, उसके अलावा सब इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सैलरी सबको पता है जॉब करने से आता है,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट इनकम है, चार दीवार छत को भाड़े पे दिया तो रेंट इनकम आता है, लेकिन वो चार दीवार छत का भाड़ा होना चाहिए। भाड़ा तो मैं किसी से भी कमा सकता हूँ, लेकिन चार दीवार छत का भाड़ा होता है देन इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेंस, कैपिटल गेंस में कोई एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ है, ओके। इन चार के अलावा ऑल अदर इनकम्स आर कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सी ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मालूम है, स्टूडेंट शुड बी फेमिलियर विद कौन कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो उसका देखो मैंने लिस्ट बना के रखा है, उसका एक कीवर्ड है डी डब्ल्यू रामू फकीर जी और बाद में एटसेट्रा लिखा है। एटसेट्रा मतलब दुनिया में तो कई इनकम्स होती है, लेकिन दुनिया छोड़ो अपने को तो एग्जाम में इंटरेस्ट है, एग्जाम में तुमको अक्सर इन्हीं इनकम से पाला पड़ेगा। और ये सब इनकम अपने को इतना ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए ना कि ये लोग को देखते ही लगना, अरे ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। आई विल कॉल इट एज इफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओके। अब इन सब इनकम का खाली नाम पता नहीं होना चाहिए, हर इनकम में अपने को जानकारी होना चाहिए कि टैक्सेबल के एग्जाम, क्यों इनकम टैक्स की पढ़ाई में हम लोग पढ़ क्या रहे कि कोई इनकम पे टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, यही मेन पढ़ाई होती है। जैसे अकाउंट्स में अपने जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं ना, तो इधर अपने को इनकम को लेके मालूम होना चाहिए टैक्सेबल है के एग्जेम्प्ट है। तो सी ये जितनी भी इनकम्स इधर कीवर्ड में दिख रही है ना, सबका टैक्सेबल एग्जाम में फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला फेमस इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड, डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले, फॉरेन कंपनी से मिले, कभी इन लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, ऑल डिविडेंड इनकम्स आर टैक्सेबल, ओके। फिर डब्ल्यू स्टैंड्स ऑफ विनिंग्स, विनिंग्स भी बहुत फेमस इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो ये सब ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है और ये भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल एग्जाम उस पर ध्यान दो, कि वही तो मेन नॉलेज है, इनकम हमने सुनी हुई है लेकिन टैक्सेबल एग्जाम का जानकारी होना मतलब इनकम टैक्स आता है तेरे को। तो डिविडेंड टैक्सेबल है, फिर अगला क्या था, विनिंग्स भी टैक्सेबल है। फिर आर स्टैंड्स फॉर रेंट इनकम, सी ऐसे तो रेंट इनकम इधर आता है किधर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस का रेंट है, हाउस मतलब चार दीवार छत, लेकिन चार दीवार छत के अलावा कोई और चीज़ का रेंट होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। तो सी इधर मैंने आर लिखा ना, तो आर मतलब रेंट है, लेकिन रेंट हाउस का नहीं, अदर एसेट्स का, जैसे मशीनरी को भाड़े पे दिया है, कोई ज़मीन को भाड़े पे दिया, कंप्यूटर को भाड़े पे दिया है, फर्नीचर को भाड़े पे दिया है, ये सब अदर रेंट्स आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ओके। और वो भी टैक्सेबल है, मेन पॉइंट क्या है, ये इनकम है लेकिन वो टैक्सेबल है। और पता है टैक्सेबल होगा तो अपने को क्या करना होता है, अपने जब सम सॉल्व करते हैं ना तो उसका स्टेटमेंट बना के उसका अमाउंट डाल दो बस। ये देखो इधर मैंने सैंपल बताया, कोई भी इनकम ऐसे टैक्सेबल हुई ना, ये दो टी लिखा, टी फॉर टैक्सेबल, तो उसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख दो और उसका अमाउंट कॉपी कर दो। लेकिन अगर कोई चीज़ बोलूँ ना वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको स्टेटमेंट में उसका एंट्री पास करने का और बाद में उसको डैश कर देंगे, देखो डैश। और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टेटमेंट बना के सारी टैक्सेबल इनकम्स इकट्ठी करनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का जो टोटल होता है ना, टोटल ये टोटल आखिर कहाँ जाता है, ये टोटल इधर ऐड हो जाता है, इधर यहाँ पर आएगा और अंत में अपने को जाके टैक्स ही तो निकालना है। और जब टैक्स निकालना अपना मकसद है तो अपने स्टेटमेंट में खाली टैक्सेबल इनकम्स को इकट्ठा करेंगे और जो भी इनकम टैक्स से माफ़ है उसको एंट्री पास करेंगे लेकिन डैश कर देंगे, उसको टोटल में शामिल नहीं करेंगे, ओके। तो इन शॉर्ट सी बात ये हो रही थी कि जो भी इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम है, विनिंग्स इनकम है, रेंट इनकम है, ये सब टैक्सेबल है। मतलब क्वेश्चन में दिखा ना तो उसको खाली ये स्टेटमेंट के अंदर लिख के उसका अमाउंट डाल दो, और अमाउंट डाला मतलब टोटल में घुस जाएगा, और टोटल में घुसा मतलब अल्टीमेटली उसके ऊपर टैक्स आने वाला है, ओके। तो ये आर था, लेकिन सी रेंट में ना तीन तरह के रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। कैन यू सी आर थ्री लिखा है, पहला रेंट तो क्या है, हाउस के अलावा दूसरी चीज़ों का रेंट, एंड दूसरा क्या है, कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट भी इधर आता है, अगर सबलेटिंग हुआ तो, मतलब भाड़े का घर भाड़े पे दिया है, खुद का घर भाड़े पे दो ना, खुद का ओनरशिप वाला, तब बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन हाउस वर्ड कब बोलते हैं, ओनरशिप वाला घर हुआ तो, लेकिन मैं भाड़े के घर को लेके उसको फिर आगे भाड़े पे लगाता हूँ तो उसको बोलते हैं सबलेटिंग, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आएगा। माना उसमें भी मुझे हाउस से रेंट मिल रहा है लेकिन खुद का हाउस नहीं है ना, भाड़े का घर लेके भाड़े पे दिया, तो इट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके। दो रेंट बता दे, पहला रेंट तो क्या है, वो तो हाउस का है ही नहीं, दूसरी चीज़ों का है।
दूसरा क्या था, हाउस का है लेकिन अपना घर के पराया घर, पराया घर भाड़े का घर लेके भाड़े पे दिया तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन सब टैक्सेबल ही है। फिर एक और रेंट होता है, तीसरा रेंट है कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है उसके अंदर मशीन फर्नीचर सब घुसे हुए हैं। सी अकेली बिल्डिंग होती है ना तो बोलते हैं चार दीवार छत, उसका रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। सी इनकम टैक्स से बिल्डिंग बोला ना, बिल्डिंग मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि हाउस का मतलब क्या है, एनी चार दीवार छत, तो उसको बिल्डिंग बोलो, घर बोलो, बंगला बोलो, ऑफिस बोलो, चार दीवार छत का रेंट हमेशा इधर आता है। तो अकेली बिल्डिंग से रेंट आया तो इधर आएगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर मशीनरी फर्नीचर सब एक साथ मिक्स्ड है और उसको इकट्ठा भाड़े पे दिया है तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट मतलब कंबाइंड रेंट ऑफ बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर सब एक साथ है, तो वो कॉम्पोजिट रेंट भी इधर आता है। सी इधर क्या आएगा, प्योर चार दीवार छत का रेंट, प्योर चार दीवार छत, लेकिन चार दीवार छत के अंदर मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर सब घुस के बैठ गए और सबको इकट्ठा भाड़े पे दे दिया, जैसे कोई फैक्ट्री जैसा सेटअप इमेजिन कर लो, तो वो सब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इन शॉर्ट बी फेमिलियर विद तीन तरह के रेंट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। एक रेंट ऑफ अदर एसेट्स, दूसरा हो गया रेंट ऑफ सबलेटिंग, तीसरा हो गया कॉम्पोजिट रेंट और बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स का मिक्स्ड रेंट, सब टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ए फॉर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), क्योंकि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस देते हैं ना, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम हुई तो एग्जेम अंडर सेक्शन 10(1), तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या करेंगे, उसको ऐसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन लिख के उसका अमाउंट आएगा कि डैश कर देंगे, ओके, तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, लेकिन इंडिया में होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन कंट्री में तो टैक्सेबल, और टैक्सेबल है तो उसके लिए डैश करेंगे कि अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखना पड़ेगा, एक रूल बना दो, एग्जेम्प्ट है तो डैश, टैक्सेबल है तो अमाउंट। तो ये ए हो गया, ए फॉर एग्रीकल्चर इनकम। फिर अगला एम, एम स्टैंड्स फॉर एमपीज, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो इलेक्शन लड़के बाद में जो एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, तो उनको सैलरी मिलती है, और उनको भी जो सैलरी मिलती है ना वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सुनने में लगता है कि सैलरी है, सैलरी सुन के एक बार आता है कि मन में कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जाना चाहिए, लेकिन सी ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। कौन सी सैलरी, एमपी एमएलए लोग की, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉई नहीं है। कितने लोग को लगता है वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, अरे वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, वो लोग खुद गवर्नमेंट है। एमपी एमएलए मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये सब इकट्ठे हो जाते ना, दे फॉर्म गवर्नमेंट, दे देमसेल्फ आर गवर्नमेंट, तो दे आर नॉट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई। अगर हम लोग कहीं पे एम्प्लॉई बनते हैं ना, अपना कोई बॉस होता है, उसके इशारों पे नाचते हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है। लेकिन एमपीज एमएलए को कभी ये मत बोलो वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, तो गवर्नमेंट कौन है, वो लोग खुद ही तो गवर्नमेंट है। इसलिए माना कि उनको सैलरी बोल के पैसा मिलता है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन एमपीज एमएलए लोग को डेली अलाउंस मिलता है, उन लोग को क्या है, मीटिंग वीटिंग अटेंड करना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो उनका आने जाने का जो खर्चा होता है उसके लिए दे गेट डेली अलाउंस, बट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(17). एमपी एमएलए का डेली अलाउंस इज फुल्ली एग्जेम अंडर सेक्शन 10(17), ओके। तो देखो अपना एम तक हो चुका है, ये देखते हो ना एक बार, देखो पहले डी था डिविडेंड टैक्सेबल, फिर बाद में विनिंग्स था, विनिंग्स भी टैक्सेबल था, फिर रेंट इनकम में अदर एसेट्स का रेंट टैक्सेबल अदर देन चार दीवार छत, फिर सबलेटिंग है, भाड़े का घर भाड़े पे देना वो भी टैक्सेबल, कॉम्पोजिट रेंट ये भी टैक्सेबल, ये सब टैक्सेबल। इससे देखो मैंने अमाउंट डाला है, मीन्स ये अपना स्टेटमेंट मतलब अपना आंसर होता है, उसमें सब अमाउंट डाल के रख दिया है। फिर ए फॉर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का रूल क्या है, वो भी टैक्सेबल होती लेकिन फॉरेन से आई तो, लेकिन इंडिया में तो एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1), तो देखो मैं डैश को हाईलाइट कर रहा हूँ, जो एग्जेम्प्ट उसको डैश करना, सेक्शन याद कर दिया 10(1). फिर एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल, डेली अलाउंस एग्जेम अंडर सेक्शन 10(17). फिर रामू के अंदर दो एम है, डी डब्ल्यू रामू फकीर जी। सेकेंड एम क्या होता है, मैं माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है ना उस पर माँ बाप को टैक्स भरना पड़ता है, या माँ भरेगी या बाप भरेगा, हुजेवर इनकम इज हायर। अगर पापा की इनकम ज़्यादा है तो पापा टैक्स भरेंगे, मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो मम्मी टैक्स भरेगी, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो टैक्स भरेगा, किसकी इनकम पे, माइनर की इनकम पे। लेकिन माइनर की इनकम पे जब मम्मी पापा को टैक्स भरना पड़ता है ना, उनको 1500 की छूट है,
1500 पर चाइल्ड एग्जेम बैलेंस के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा कोई बच्चा है माइनर, मतलब 18 साल नहीं हुए उसके, तो अगर मेरे माइनर बच्चे हैं उनकी कुछ इनकम है तो उनकी इनकम पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा और मैं अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको घुसेड़ दूंगा और मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरी इनकम नहीं डालूंगा। हर बच्चे के पीछे 1500 रुपया माफ फिक्स्ड है, 1500 अंडर सेक्शन 1032 ओके। लेकिन सी इट्स नॉट नेसेसरी कि पापा ही भरेंगे, पापा या मम्मी हूएवर इनकम इज हायर ओके, बट जो भी भरेगा वो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके टैक्स भरेगा ओके। बट 1500 पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। तो रामू का एम हो गया, फिर रामू में यू क्या है, यू फॉर यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती है उससे अगर कोई इनकम आती है वो भी टैक्सेबल है। फिर फकीर, फकीर में एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली पेंशन, मींस अगर कोई एम्प्लॉय मर गया है और मरने के बाद उसके बीवी को पेंशन मिल रहा है तो बीवी को जो पेंशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फैमिली पेंशन, और वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सी अगर एम्प्लॉय मरता नहीं है ना, जिंदा है, जीते जी पेंशन मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय जिंदा है और उसी को पेंशन मिल रहा है, देन इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर एम्प्लॉय मर गया तो मरने के बाद उसकी बीवी को पेंशन मिल रहा है तो बीवी के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होता है, क्यों, बीवी थोड़ी ना जॉब कर रही थी, जॉब तो पति कर रहे थे, वो तो चल बसे, तो बीवी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। और ये भी बहुत फेमस इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, क्या नाम था, फैमिली पेंशन। लेकिन इसमें रूल है, अगर किसी बीवी को पति के मरने के बाद पेंशन मिला है, सी बीवी में बोल रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है कि पत्नी के मरने के बाद पति को घर बैठे पेंशन मिल रहा है, तो इन शॉर्ट इट कैन बी एनी वेज। तो अभी मैं कैजुअली बीवी बीवी बोल रहा हूँ, मतलब उल्टा भी हो सकता है ओके। अब सुनो, किसी बीवी को पेंशन मिल रहा है उसके पति के मरने के बाद, और उसका पति कब मरा मालूम है, आर्मी में काम करते करते मर गया, तो अगर आर्मी वाला कोई एम्प्लॉई है उसकी डेथ हुई थी उसके बाद अगर पत्नी को घर बैठे पेंशन मिल रहा है ना, तो पूरा टैक्स से माफ है अंडर सेक्शन 1019, अंडर सेक्शन 1019 इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। कंडीशन क्या है कि पत्नी को जो घर बैठे पेंशन मिल रहा है ना वो ऐसे एम्प्लॉय की डेथ के बाद होना चाहिए जो एम्प्लॉय आर्मी में जॉब करता था। लेकिन अगर आर्मी आर्मी में जॉब नहीं कर रहा था ना, तो फिर बीवी को पेंशन मिला तो इट विल बी टैक्सेबल। हाँ, उसको लेके कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, लेकिन वो बाद में करूँगा। लेकिन अभी इतना समझो, नॉर्मल फैमिली पेंशन टैक्सेबल, लेकिन अगर आर्मी वाला कोई मरा है उसकी बीवी को मिला है तो फुल्ली एग्जेम अंडर सेक्शन 1019। एक बार में दोनों रट डालो, पूरा सेक्शन क्या था, 1019। फिर फकीर में एफ हो गया, अगला अल्फाबेट ए, ए फॉर अवार्ड। कई बार अपने को अवार्ड मिलता है तो अवार्ड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन वो अगर अवार्ड गवर्नमेंट से मिला ना तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1017A। गवर्नमेंट से मिला तो फुल्ली एग्जेम अंडर सेक्शन 1017A। ये देखते हो इधर, ये देखो, अवार्ड अगर गवर्नमेंट से मिला तो एग्जेम अंडर सेक्शन 1017A। और फिर उसको क्वेश्चन में जब आया तो डैश करेंगे, उसका अमाउंट मत लिखना क्योंकि एग्जेम्प्ट है ना, और अगर दूसरा कोई अवार्ड हुआ तो उसका अमाउंट लिख देना, अमाउंट लिखा मतलब वो टैक्सेबल है ओके। तो ये अपना इधर तक हो चुका है फकीर का, ए तक। फिर नेक्स्ट अल्फाबेट है के, डी डब्ल्यू रामू फकीर, फकीर में के आ गया, के फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है मालूम है, अगर कोई बिजनेस को लगता है कि हमारा कोई खास आदमी मर गया तो धंधे का क्या होगा, कीमैन का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस को क्या चिंता होती है कि अगर बिजनेस का खास आदमी मर गया तो वो तो मर गया, वो तो चला गया, लेकिन धंधे का क्या होगा, तो धंधे की चिंता होती है, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है, डेट इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के लिए मुकेश अंबानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, की मैन का मतलब ही क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द बिजनेस। तो रिलायंस के बिजनेस के लिए हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मुकेश अंबानी। तो रिलायंस को पता दिन रात टेंशन क्या है, अगर मुकेश अंबानी मर गया तो उसके बीवी बच्चे रोएंगे, वो टेंशन नहीं है, धंधे का क्या होगा, रिलायंस को अपने धंधे की चिंता है, तो अपने धंधे की चिंता में वो लोग की मैन इंश्योरेंस निकालते हैं। और इससे पता क्या होता है, जब तक मुकेश अंबानी जिंदा है जीते जी रिलायंस वाले प्रीमियम भरेंगे, मुकेश अंबानी के जीते जी रिलायंस वाले प्रीमियम भरेंगे, एंड फिर अचानक अगर मुकेश अंबानी की डेथ हो गई ना तो रिलायंस को बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी, किससे, LIC वालों से ओके। तो ये कीमैन इंश्योरेंस होता है। लेकिन सी यूजुअली कीमैन इंश्योरेंस है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आता है, क्योंकि रिलायंस वालों ने कीमैन इंश्योरेंस क्यों निकाला था,
ये सोच के नहीं कि मुकेश अंबानी मर गया तो धंधे का क्या होगा, वो धंधे को प्रोटेक्ट करने के लिए था कि हमारे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिक्योर करना है। और अगर बिजनेस को सिक्योर करने के लिए आपने इंश्योरेंस निकाला है तो वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आना चाहिए, तो फिर डाउट क्या आएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या कर रहे हैं। तो सुनो, इधर देख के बताऊंगा, ये देखो लुक हियर, ये देखना, अज्यूम रिलायंस वालों ने मुकेश अंबानी का कीमैन इंश्योरेंस निकाला है, तो अभी क्या होगा, रिलायंस वाले मुकेश अंबानी के जीते जी प्रीमियम भरेंगे। ये देखो एरो देखो, कौन किसको प्रीमियम देगा, रिलायंस वाले प्रीमियम देंगे LIC वालों को, ओके। एंड फिर बाद में अचानक अगर अंबानी की डेथ हो गई तो LIC से पैसा मिलेगा ना। लेकिन सी, कभी कभी क्या है, जिस बात का डर होता है ना कि अंबानी मर जाएगा, लेकिन नहीं मरा। और अगर अंबानी जिंदा है तो पॉलिसी एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी पे क्या होता है, LIC वाले ये नहीं बोलेंगे अरे अंबानी तो मरा ही नहीं, अरे मरा नहीं तो क्या है, मरा तो मरने पे पैसा देने का, नहीं मरा तो मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है। और अगर मैच्योरिटी पे पैसा मिला ना रिलायंस वालों को, ये देखो एरो का मतलब रिलायंस को पैसा मिल रहा है, और मैंने अज्यूम किया है मुकेश अंबानी के नाम का 20 करोड़ का पॉलिसी निकाला था और अंबानी अभी भी जिंदा है, तो रिलायंस को जो 20 करोड़ मिलेंगे ना वो एक्चुअली रिलायंस के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, वो तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले। लेकिन बाई चांस रिलायंस वालों ने वो पैसा अंबानी को ट्रांसफर कर दिया, क्या बोल के, मुकेश जी आप तो अभी भी जिंदा, हमको तो डर था कि कहीं कुछ हो गया तो आपको, लेकिन हमारा डर तो ऐसे फालतू था, आप तो अभी भी जीवित हो। तो रिलायंस वालों ने क्या डिसाइड किया कि जो भी LIC से पैसा मिला है ना ऑन मैच्योरिटी, वो उन्होंने सोचा कि अंबानी को ट्रांसफर कर दो, और अगर अंबानी को ट्रांसफर हुआ ना देन फॉर अंबानी इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तब जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। इसमें तो क्या है, पहले तो अंबानी जिंदा रहना चाहिए, मैच्योरिटी हुई है, फिर उसमें भी रिलायंस वालों को जो पैसा मिला है ना उन लोगों ने डिसाइड किया होगा बोर्ड मीटिंग में कि लेट अस गिव दैट मनी टू मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी को पैसा ट्रांसफर कर दिया ना तब जाके उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। लेकिन सी, ये रेयर होता है, यूजुअली क्या होता है, रिलायंस ने प्रीमियम भरा था ना तो पैसा रिलायंस ही रखेगी, और रिलायंस ही पैसा रख ली ना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। क्यों, रिलायंस से इंश्योरेंस निकाला ही क्यों था, ये डर में कि अगर अंबानी मर गया तो धंधे का क्या होगा, तो मेनली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। एनीवेज क्वेश्चन में देख के समझ जाएगा, बट कभी भी प्रॉब्लम साइलेंट हो ना तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मेन जगह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना है ना तो वैसा माहौल बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है कि मैच्योरिटी पे पैसा आया और रिलायंस वाले ने अंबानी को दे दिया, तब जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। बट सी, चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आवे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है वो टैक्सेबल, ओके, कीमैन इंश्योरेंस है टैक्सेबल। बट सी, अगर मुकेश अंबानी को ये टेंशन हो तो मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या, वो कीमैन इंश्योरेंस नहीं होता है। सी, कीमैन में तो क्या है, रिलायंस को टेंशन है कि मुकेश मर गया तो धंधे का क्या, वो रिलायंस चिंता करेगी, लेकिन मुकेश को भी तो चिंता होगी ना कि मैं मर गया तो मेरे छोटे बड़े बच्चे, छोटे तो नहीं बड़े हो गए अभी, अगर मुकेश अंबानी को टेंशन मैं मर गया तो मेरी बीवी का क्या, मेरे बच्चों का क्या, वो लोग अकेले पड़ जाएंगे, उन लोगों के लिए कुछ करूँ, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। जिसको अपने बीवी बच्चों की चिंता होती है ना मरने के बाद, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, और वो चीज़ रिलायंस थोड़ी करेगी, वो तो मुकेश की पर्सनल बीवी है, उसके पर्सनल बच्चे, वो चिंता करेगा, तो डैड इंश्योरेंस विल बी टेकन बाय मुकेश अंबानी पर्सनली, और वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, और उसका पैसा तो टैक्स फ्री है, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, उसको गवर्नमेंट टैक्सेबल करेगी भी नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अगर लाइफ इंश्योरेंस निकाला है अपने बीवी बच्चों की परवाह करते हुए तो वो एक इमोशनल पॉलिसी है, तो बिकॉज वो इमोशन से निकाला है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं मारेगी, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ये देखो इधर लिखा है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, मतलब क्वेश्चन में स्पेलिंग देख के समझनेगा, लाइफ बोल के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, लेकिन कीमैन करके बोला है तो इट विल बी टैक्सेबल। तो ये अपना फकीर का के हो गया। ये देखो मैं लाइन से क्या करा रहा हूं, मालूम है, DW रामू फकीर में अपने K
के तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगला अल्फाबेट है आई, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम भी बहुत फेमस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाके बैठ जाती है। कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम। लेकिन सी इंटरेस्ट में ना चार इंटरेस्ट इनकम अपने को याद रखना जो टैक्स से माफ है, चार, बाकी सब टैक्सेबल है। तो सी वो कौन सी इनकम है ये देखो इधर। अगर इंटरेस्ट इनकम में अपने को ये चार इंटरेस्ट इनकम मिला ना, इसका कीवर्ड जीपीएस, जीपीएस तो वो एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट है तो अपने को स्टेटमेंट में अमाउंट लिखना है कि डैश डैश कर देंगे। लेकिन और कोई इंटरेस्ट इनकम हुई ना जीपीएस के अलावा तो इट विल बी टैक्सेबल। तो उसमें देखो जीपीएस में जी क्या है, गोल्ड बॉन्ड्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड्स एग्जेम, मतलब उसका एंट्री पास करना लेकिन अमाउंट कॉलम पे डैश कर देना। एग्जेम अंडर सेक्शन 1015 है, सेक्शन 1015 अगर गोल्ड बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है तो। फिर उसके बाद एक और चीज है पोस्बा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। इसका भी अगर इंटरेस्ट मिलता है ना वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, 3500 तक एग्जेम्प्ट है, 3500 तक एग्जेम्प्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्बा। लेकिन वो पोस्बा में अगर ज्वाइंट अकाउंट हुआ ना तो 7000 तक एग्जेम्प्ट है। अगर सिंगल पर्सन अकाउंट है पोस्बा में तो 3500 का एग्जेम्प्शन मिलेगा, लेकिन अगर वो जॉइंट अकाउंट है तो 7000 का एग्जेम्प्शन मिलेगा। बट ये फिक्स्ड अमाउंट है 3500 नॉर्मली, जॉइंट अकाउंट है तो 7000। सेक्शन भी इसका 1015 है, पहला गोल्ड बॉन्ड था, फिर पोस्बा था, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। फिर एक और पी दिख रहा है पीपीएफ, पीपीएफ का इंटरेस्ट भी एक टैक्स से माफ है, अंडर सेक्शन 1011 है। ये देखो 1011 दिख रहा है, 11 मैंने पीपीएफ के लिए लिखा है। फिर एक और चीज सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसका भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1011A। ओके, तो क्या क्या एग्जेम्प्ट हो गया? गोल्ड बॉन्ड्स, पोस्बा, पीपीएफ, सुकन्या। गोल्ड बॉन्ड्स, पोस्बा, पीपीएफ, सुकन्या, एक गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, दूसरा पोस्बा, फिर पीपीएफ, सुकन्या, ये रट लो, गोल्ड बॉन्ड्स, पोस्बा, पीपीएफ, सुकन्या, इसका इंटरेस्ट दिखा तो एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब उसको डैश कर देना, और बाकी कोई इंटरेस्ट इनकम हुआ तो इट विल बी टैक्सेबल। ऐसे तो कुछ भी डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन दिस दैट डूज दैट कुछ भी डाल देंगे, सब टैक्सेबल है। और टैक्सेबल मतलब क्या है? क्वेश्चन में आएगा, अपने को स्टेटमेंट में खाली लिख के उसका अमाउंट डालना है। एग्जेम्प्ट हुआ तो याद से उसको डैश करना, और खाली डैश नहीं उसका सेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट इनकम हो गया। फिर डी डब्ल्यू रामू फकीर, ये डी डब्ल्यू रामू फकीर कौन लोग है मालूम है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले लोग है, इनसे अपने को बहुत ज्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा। फिर फकीर में अगला अल्फाबेट क्या? आर, आर फॉर रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मिलती है, जैसे मैंने कोई बुक बुक लिख दी उससे मुझे रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो रॉयल्टी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। लेकिन से अगर मैं पेशे से राइटर हूँ, किताबें लिखना मेरा पेशा है, मेरा धंधा है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है, वो सब बातें कर रहे ठीक है, सब में तो अपने को रॉयल्टी दिखाना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो। बाकी कोई कोई लोग पेशे से राइटर होते हैं, किताबें लिखना है, उन्होंने धंधा बना दिया है, तो उनके लिए रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो रॉयल्टी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना, और वो भी टैक्सेबल है, और जो टैक्सेबल है उसमें कुछ नहीं, अमाउंट उसका डाल देना। फिर फकीर हो गया अपना। फिर जी, जी फॉर गिफ्ट इनकम, गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगता है। अब गिफ्ट का लंबा थियरी बताऊंगा, उसके बाद देखो एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब डी डब्ल्यू रामू फकीर जी के अलावा और भी कोई इनकम दिखे ना जिसके बारे में तुम्हें लगे कि सर ने इसके बारे में तो हमको कुछ सिखाया नहीं, टैक्सेबल है। जो चीज़ एग्जेम्प्ट है अपने को उसका टेंशन है ना कि एग्जेम्प्ट इनकम सब में आई तो उसको लिख के डैश करना है, डैश करना है, उधर याद रखना पड़ता है। लेकिन जो एग्जेम्प्ट है मैंने सब कवर कर ली है, अब और भी कोई इनकम अचानक से क्वेश्चन में दिख गई तो डरो मत ना, कुछ भी नई इनकम दिखे ना जिसके बारे में कभी सुना नहीं है तो टैक्सेबल, और टैक्सेबल ना स्टेटमेंट में लिख के उसका अमाउंट डाल दो। हाँ, जी वाला डिस्कशन बाकी है, मैं करता हूँ, लेकिन बाकी सब एक बार खत्म हो गया अपना। ओके, तो ये डी डब्ल्यू रामू फकीर जी था। अब है ना ये देखना, ये अपना लास्ट हुआ था गिफ्ट, गिफ्ट के लिए क्या लिखा? टू बी डिस्कस लेटर, लेटर मतलब थोड़े टाइम में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सी एक बार ऊपर है ना इस पे सेक्शन में नज़र घुमा लो, मैंने जो डी डब्ल्यू रामू फकीर जी का सफ़र करवाया उस सफ़र में सब लोग टैक्सेबल थे, एग्जाम लोग कौन थे उसकी समरी। सी याद ही ऐसे करो, डी डब्ल्यू रामू फकीर जी में इतनी चीज़ें
एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल। तो उसमें क्या था, 10-1 एग्रीकल्चर इनकम, 10-17 था एमपी एमएलए का डेली अलाउंस, फिर 10-17A गवर्नमेंट से मिला हुआ अवार्ड, फिर 10-19 था फैमिली पेंशन, आर्मी वाले की डेथ के बाद जो घर बैठी बीवी को मिलता है ना वो फैमिली पेंशन है, मतलब वो 10-19 में एग्जेम्प्ट है, सॉरी। फिर 10-32 इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ओके। फिर 10-10D लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, तो 10-15 इंटरेस्ट इनकम्स, 10-11 इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, और 10-11 है इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इतने 10s याद रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए। अगला चैप्टर आएगा ना सैलरी, उसमें भी कुछ 10s याद रखने पड़ते हैं। ये दो चैप्टर में ना सेक्शन 10 वाली इनकम ज्यादा आती, किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। और सी इसको तो याद करना टेक्निक भी है, 10-1 कैसे याद, 1 फॉर इंडिया में एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो 1। फिर ये 17 से क्या, 17 से खतरा, खतरा से गवर्नमेंट, तो ये देखो गवर्नमेंट के लोग है ना। फिर वापस 17 है, ये गवर्नमेंट का अवार्ड है, और 17 से लिंक बना, 17 से खतरा, खतरा से गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लोग, और नीचे गवर्नमेंट का अवार्ड, और अवार्ड तो कैसे पहचानने का, इधर ए लिखा है, ए फॉर अवार्ड, और 17 से कैसे समझेगा गवर्नमेंट का कुछ है। फिर 10-19 कैसे याद रखने का, 19 साल की अबला नारी, उसका पति आर्मी में गया मर गया, होता है ना पिक्चर में दिखाते आर्मी में कोई गया, 19 साल की तो लड़की थी, 19 साल की लड़की थी, नई नई शादी हुई, पति आर्मी में गया उधर ही मर गया, तो उसके बाद उसको पेंशन मिला, तो 10-19 ऐसे याद रखो, 10-19 फैमिली पेंशन आफ्टर आर्मी वालों की डेथ। फिर माइनर चाइल्ड, माइनर क्या होता है, जिसकी 32 ही नहीं आई है, 32 ही मतलब 32 दांत होते हैं ना, 32 पूरे दांत का बात है जब आदमी मेजर हो जाता है, लेकिन माइनर की तो 32 ही भी नहीं आई, तो 32 से याद रखो माइनर चिल्ड्रन। फिर 10-10D, डी फॉर डेथ, जिसको डेथ की टेंशन है वो लाइफ इंश्योरेंस निकालता है, 10-10D, डी फॉर डेथ, जिसको डेथ की टेंशन है वो लाइफ इंश्योरेंस निकालता है। इसलिए ये सब चीज़ मेन अपने को ऐसे खुद रिलेट करके रखो तो याद रहेगा। तो दीज आर एग्जेम्प्ट इनकम, रेस्ट ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। फिर सुनो, गिफ्ट का थियरी बाकी है मैं करता हूँ, फिर देखो इस चैप्टर में डिडक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है। सी देयर इज वन सेक्शन 57, ये क्या बोलता है, अगर किसी भी इनकम से संबंधित कोई खर्चा हो, किसी भी इनकम से संबंधित कोई खर्चा है तो खर्चा माइनस करो, और माइनस करके जो नेट अमाउंट है ना उस पर टैक्स भरो, ओके। तो ये रूल ही है, तो कभी भी सम सॉल्व करते टाइम कोई इनकम दिखी, फिर उससे संबंधित कोई खर्चा दिखा, तो क्या करोगे, पहले इनकम को इनर कॉलम में ले लो, फिर उसका जो खर्चा दिया लेस कर दो, और लेस करते टाइम क्या लिखोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। सी डिडक्शन वर्ड का इस्तेमाल कब करते, जब खर्चा होता है, ओके। और कोई इनकम ही टैक्स से माफ होती तो बोलते एग्जेम्प्ट, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना, वो इनकम माफ है, और इनकम ही टैक्स से माफ होगी तो क्या बोलना चाहिए, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कोई खर्चा है तो खर्चे के लिए एग्जेम्प्ट वर्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डिडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही देखो, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रेंट इनकम, तो रेंट मैंने बताया था DW रामू में रेंट टैक्सेबल होता है ना, एंड फिर बाद में इन लोग खर्चा दे देंगे ऐसे, देखो दिख रहा है एक्सपेंसिव ऑन रिपेयर, तो क्या करोगे, पहले जो भी रेंट दिया है उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, देखो 5000 × 12 × 12, क्योंकि सब 12 मंथ्स का है ना यार, फिर जो भी संबंधित खर्चा दिया उसको लेस कर दो। अब क्या लेस करना है वो रटना नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी एक्सपेंस दिया उसको लेस करके जो नेट अमाउंट आता है ना उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, ओके। लेकिन सी इसमें याद रखना, अगर कोई इनकम टैक्सेबल होगी ना तो ही उसके संबंधित खर्चे माइनस करो, और अगर कोई इनकम टैक्स में आता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, अरे कोई इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उसको तो हम लोग डैश ही कर देते, तो उसके खर्चे इग्नोर करना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्रीकल्चर इनकम मैंने बताया था इट इज एग्जेम, पढ़ा वो इंडिया में होना चाहिए, वो तो इन इंडिया विन इंडिया नहीं दिया तो ऑलवेज अज्यूम इंडिया में ही है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट होती है ना, और एग्जेम्प्ट है तो उसको डैश कर देते, फिर भी इन लोग जबरदस्ती का खर्चा दे देंगे, और बेचारे इनोसेंट बच्चे क्या करेंगे, वो खर्चा दिया तो माइनस तो करना पड़ेगा, अरे क्या माइनस करना है, जो इनकम ही टैक्स से माफ है उसको लेना ही नहीं है, ये तो एंट्री भी हम लोग खाली शो के लिए पास कर रहे हैं, दिखाने के लिए पेपर चेकर को कि हाँ ये इनकम थी, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ी ले रहा हूँ, अमाउंट ही डैश हो गया। इसलिए सी याद रखना, टैक्सेबल इनकम होगा तो ही खर्चा माइनस करना। जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था रेंट का, रेंट टैक्सेबल है
और बात रेंट की नहीं, ऐसा कोई भी टैक्सेबल इनकम है तो खर्चा माइनस करो, लेकिन अगर कोई इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उसको डैश कर दो और उसका खर्चा इग्नोर कर देना। फिर एक और चीज, विनिंग्स, विनिंग्स तो टैक्सेबल भी है तो उसका तो खर्चा माइनस होना चाहिए, लेकिन खास विनिंग्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, विनिंग्स में खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा, क्योंकि विनिंग्स जैसे लॉटरी लगती है तो लॉटरी खर्चा क्या इससे नहीं लगा, लॉटरी किस्मत से लगा है, लॉटरी का खर्चे से कनेक्शन नहीं, किस्मत कनेक्शन। अरे मतलब लॉ को क्या लगता है लॉटरी का खर्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ माना लॉटरी लगती है तो पहले लॉटरी खरीदते हैं हम लोग, लॉटरी खरीदने में खर्चा होता है, लेकिन लॉटरी तो हर कोई खरीदता है, सबको तो लगता नहीं है। लॉटरी किसको लगता है, जिसका नसीब है, तो उसका नसीब से कनेक्शन है, खर्चों से कनेक्शन नहीं है। इससे लॉ ने बोला है कि किसी को लॉटरी लगी है या फिर कोई भी टाइप का विनिंग्स हुआ है उसके संबंधित खर्चे हम लोग माइनस करने नहीं देंगे। तो सी यूजुअली कोई भी इनकम टैक्सेबल होती है ना, चुपचाप खर्चा माइनस कर दे, लेकिन विनिंग्स टैक्सेबल होते हुए भी उसका खर्चा माइनस मत करना। इन लोग तुमको बहकाएंगे, ये ले ले खर्चा ले खर्चा ले खर्चा ले, लेकिन अपने उसको सीधा इग्नोर मार देंगे। जितना भी लॉटरी लगा है ना, पूरा अमाउंट आउटर कॉलम में डाल के टैक्सेबल। ओके, तो सी टैक्सेबल इनकम में माइनस करना, बट विनिंग्स को छोड़ के। एग्जेम्प्ट इनकम में तो खर्चा माइनस ही नहीं मत करना। फिर एक और पॉइंट है, देखो डिविडेंड इनकम, खास डिविडेंड इनकम के लिए स्पेशल रूल है कि डिविडेंड से संबंधित जितने भी खर्चे दिए माइनस तो होने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बोला था, कोई भी इनकम टैक्सेबल हो तो उससे संबंधित खर्चे माइनस करो, और डिविडेंड भी टैक्सेबल है तो उसका संबंधित खर्चा माइनस करना चाहिए। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, डिविडेंड में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही खर्चा माइनस करने मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। शेयर्स की बात क्यों हो रही है, अरे शेयरों से ही तो डिविडेंड आया ना, तो जिन शेयरों से मुझे डिविडेंड आया है वो तो आया है, लेकिन वो शेयर मैंने उधार से खरीदे थे और उस उधारे पे ब्याज भर रहा हूँ, तो वो ब्याज भर रहा हूँ मतलब खर्चा है ना, तो वो इंटरेस्ट मुझे माइनस करने मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, और ये इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, सिर्फ यही चीज़ माइनस करने मिलेगी। और कोई डिविडेंड संबंधित खर्चा हुआ तो इग्नोर कर दो, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड अमीरों की इनकम है, और अमीरों को गवर्नमेंट क्या बोलती है, यार तू अमीर है ना यार, तेरे को क्या लेस वेस करने को चाहिए, भर देना पूरा टैक्स। लेकिन ठीक है, अमीर लोग क्या डिविडेंड बहुत छापते, लेकिन उन लोग बड़ा बड़ा लोन्स भी लेते हैं। अरे कितने लोग शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, अच्छा खासा लोन्स ले लेते, लोन्स लेने के बाद शेयर मार्केट में डालते हैं, तो हाँ लोन है तो मतलब सिर पे कर्जा है ना, तो उसका इंटरेस्ट पेड तू लेस कर सकता है, लेकिन और कोई खर्चा गवर्नमेंट माइनस करने नहीं देगी। लॉजिक वही है कि डिविडेंड अमीरों की इनकम होती है, एक मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास वाला आदमी डिविडेंड इनकम होता ही नहीं है, एंड बिकॉज ये अमीर लोग की इनकम है तो गवर्नमेंट को अमीरों से टैक्स चाहिए ना, इसे रूल बनाया है कि तुमको डिविडेंड से रिलेटेड कुछ माइनस नहीं करने मिलेगा। हाँ एक चीज करने मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखो इधर मैंने दिया है, तो क्वेश्चन में अगर डिविडेंड इनकम दिया है एंड फिर बाद में देखो इन लोग खर्चे में जानबूझ के चार पांच खर्चे बना के देंगे, जैसे बैंक चार्जेस दिए है, मतलब जिस बैंक में मेरा डिविडेंड जमा हो रहा है बैंक वाले को चार्जेस मारते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं ना वो, एंड फिर बाद में दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट, ये खर्चा है सब मेरा पे हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, खाली एक ही खर्चे को भाव देना, इंटरेस्ट ऑन लोन, और बाकी कोई भी खर्चा दिया उसको जस्ट इग्नोर कर दो। और इंटरेस्ट ऑन लोन में भी मैक्सिमम 20% दिया, मतलब जितना डिविडेंड तूने कमाया ना उसका मैक्सिमम 20% ही तू लेस कर सकता है, मतलब पहले तो सब कुछ माइनस नहीं करने मिलता, एक ही चीज माइनस कर, कौन सी चीज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, और वो भी कितना भी नहीं, एक लिमिट तक, मैक्सिमम 20% ऑफ योर डिविडेंड की कमाई। तो मेरे एग्जाम्पल में देखो मेरी डिविडेंड की कमाई कितनी है, डिविडेंड की कमाई मेरी 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 का 20% निकाल कितना होता है, 20,000, तो 20,000 ही माइनस करने मिलेगा। लेकिन इधर देखो सब में कितना दिया, 26,000, तो 26,000 नहीं चौलबे, ज़्यादा हो गया, इसको लिमिट में रखो, 20,000 तक ही माइनस करेंगे। ओके, हाँ अगर ये 26 नहीं होता ना, 5,000-6,000 है तो माइनस कर देते, लेकिन मैक्सिमम 20% ऑफ माई डिविडेंड इनकम। ये देखो मैंने प्रेजेंटेशन बताया इधर, लुक हियर, पहले डिविडेंड इनकम को इनर कॉलम में लिख दिया, देखते हैं जो दिखा रहा हूँ है ना, फिर बाद में ऐसा लिखने का लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। कभी भी खर्चा माइनस करेंगे ना तो शब्द क्या लिखोगे, डिडक्शन, कितने लोग क्या लिख देते, एग्जेम्पशन, अरे एग्जेम्पशन वर्ड
इनकम के लिए यूज होता है। इधर क्या लिखेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। और बैंक चार्जेस ऐसे मैंने खाली दिखाने के लिए लिखा है, लेकिन देखो काट दिया, ये लिखना ही मत। ओके, इसके लिए नोट लिख देना चाहिए कि इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन देखो मैंने लिया है, लेकिन कितना लिया है, 20,000 ही लिया है ना, वो कैसे आया था, 1,00,000 का 20% उतना ही माइनस किया, तो फिर आउटर कॉलम में 80,000 आ गया ना। लेकिन अगर 26,000 के जगह एक छोटी सी अमाउंट होती है ना, 5,000, कम हो तो कम ही लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो। रूल क्या है, कम हो तो कम ही लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो। एंड व्हाट इज द लिमिट, 20%। और सुनो, ये खाली डिविडेंड के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड इनकम के लिए भी है। क्वेश्चन में कभी दिया हो ना, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड, उधर भी सेम रूल है कि कुछ भी माइनस नहीं करने मिलेगा, सिर्फ एक चीज माइनस करने मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ योर कमाई। तो ये हो गया। फिर सुनो, फैमिली पेंशन मैं क्या पढ़ा रहा हूं ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, डिडक्शन की थियरी चल रही है। फैमिली पेंशन में एक रूल है कि जितना भी फैमिली पेंशन मिला घर बैठी बीवी को, उसका 1/3 या 15,000 विचर इज लोअर, इतना फिक्स्ड अमाउंट माफ है। ये फॉर्मूला ही बाहर कर लो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कर दिया है, एक फिक्स्ड अमाउंट है। ये भी क्यों, क्योंकि हमदर्दी है बीवी के साथ, बेचारे का पति चल बसा, अब घर बैठी बीवी को पेंशन मिल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट उसको ज़्यादा टैक्स नहीं मारना चाहती है, तो उसको थोड़ा अमाउंट माफ कर दिया। कितना, 1/3 ऑफ जो भी पेंशन मिला है। जैसे क्वेश्चन में बोला है 60,000 का पेंशन है, तो उसका 1/3 निकालो, 20,000। लेकिन कंपेयर दिस विद 15,000, दोनों में से विचर इज लेस। तो ये देखो, मैंने इधर वर्किंग करके दिखाई है, ये एरो दिख रहा है, ये एरो का मतलब क्या होता है, विचर इज लेस। तो सी, एक अमाउंट तो 1/3 है जो कि 20,000 आया मेरे एग्जांपल में, और दूसरा 15,000 फिक्स्ड है, बाय करो 15,000, फिर इन दोनों में से यू टू टेक विचर इज लोअर। तो वॉट इज लोअर, 15,000, वो माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो ये फैमिली पेंशन का रूल हो गया। लेकिन सी, अगर आर्मी वाला कोई मरा है ना, उसके मरने के बाद फैमिली पेंशन मिला है, तो टैक्स ही नहीं आता है, उसको तो डैश ही कर देंगे, उसमें तो ये सब मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अमाउंट कॉलम में डैश कर दो, डैश। लेकिन आर्मी वाला नहीं है तो ऐसा करना, ओके। तो ये फैमिली पेंशन का रूल हो गया। ये देखो समरी, मैंने तुमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 पढ़ा है, उसकी समरी देखो। कोई भी इनकम अगर टैक्सेबल होती है तो डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस। एग्जेम्प्ट इनकम है, इग्नोर ऑल एक्सपेंसेस। विनिंग्स है तो भी इग्नोर दी एक्सपेंस, विनिंग्स का बताया था ना। फिर डिविडेंड और यूनिट्स इनकम में डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। और फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 और 15,000, विच एवर इज लेस। मतलब इन शॉर्ट, सेक्शन 57 में बच्चों को 1, 2, 3, 4, 5 चीज याद रखनी चाहिए, ओके। तो ये 57 हो गया। तो सी, पहले मैंने DW रामू फकीर जी में एक एक करके सबका बताया, टैक्सेबल एग्जेम, टैक्सेबल एग्जेम, टैक्सेबल एग्जेम, फिर मैंने तुमको ये पढ़ाया। अब एक गिफ्ट की थियरी बची अपने, ओके। ये देखो, गिफ्ट की थियरी में ऐसा है ना, गिफ्ट अगर अपने को बॉस से मिलता है, बॉस से जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। और कस्टमर से मिलता है, देन इट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे मेरे लिए कस्टमर क्या, स्टूडेंट्स लोग है, स्टूडेंट्स लोग मुझे गिफ्ट दे दे के जाते हैं, तो फॉर मी इट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन एम्प्लॉयर और कस्टमर को छोड़ के जितने भी दूसरे गिफ्ट्स होते हैं ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं। लेकिन उसमें भी है ना, आई एम डॉक्टर LC, ये कीवर्ड है। यहाँ जो भी गिफ्ट आएंगे ना, सब टैक्स है माफ है। मतलब ये कीवर्ड ही है, आई एम डॉक्टर LC। मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कौन सा डॉक्टर, डॉक्टर LC। आई एम डॉक्टर LC वाला गिफ्ट टैक्स है माफ है। ऑल अदर गिफ्ट्स आर टैक्सेबल ही 50,000 के ऊपर हुआ, तो 50,000 के ऊपर हुआ ना, तो 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी गया ना, फुल्ली टैक्सेबल। ये देखो, मैंने फुल्ली को कुछ किया है, मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 निकाल के बैलेंस पे टैक्स आएगा, नहीं, 50,000 का 51,000 भी हुआ ना, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अदर गिफ्ट्स, हाँ अदर गिफ्ट्स, मतलब सी, पहले तो बॉस का गिफ्ट कस्टमर का तो निकाल ही दे, उसमें अदर से, उसमें भी आई एम डॉक्टर LC को निकाल, बाकी सब गिफ्ट में 50,000 तक है तो माफ, 50,000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल, ओके। अब अपने को इधर क्या क्या याद रखना, मैं आई एम डॉक्टर LC में क्या क्या आता है, तो I फॉर इनहेरिटेंस, मतलब पापा की डेथ के बाद बेटे को गिफ्ट मिला है,
गिफ्ट मतलब उसकी जायदाद मिली ना विरासत में, तो विरासत में आया तो सब फोकट में आया ना। सी गवर्नमेंट के लिए गिफ्ट मतलब क्या, कुछ भी फोकट में मिला तो गिफ्ट। तो पापा की डेथ क्या और इनहेरिटेंस में मिला तो इट्स लाइक अ गिफ्ट, बट उस पर टैक्स नहीं आया, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर इनहेरिटेंस के बाद मैरिज, शादी में गिफ्ट मिला वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मैरिज मैरिज याद रहना। फिर डेथ कॉन्टेम्पलेशन, डी दिख रहा, डी फॉर डेथ कॉन्टेम्पलेशन, गिफ्ट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब कोई आदमी मर रहा है, मरा नहीं है, मर गया उसके बाद मिला तो इनहेरिटेंस था ना, लेकिन कोई आदमी मरा नहीं है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया तू जाने वाला है अभी, तो जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है ना, सब लोगों को दोस्तों को बुलाया, दोस्त तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख ले, तू ये गाड़ी रख ले, तू ये बंगला रख ले, तू सोने की चेन रख ले। तो मरने वाला आदमी जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है उस वक्त गिफ्ट देता है, उसको कहते हैं गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कंटेम्पलेशन डेथ मतलब मरा नहीं है, कंटेम्पलेट कर रहा है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मरेगा, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। होता है ना बहुत बार डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, अभी तो जाने वाला है खत्म, तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो ऐसी गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट है। इन शॉर्ट मरने के बाद मिला वो तो एग्जेम्प्ट था ही इनहेरिटेंस वाला, और मरने के पहले भी मिला है इन कंटेम्पलेशन डेथ, वो भी एग्जेम्प्ट है। इन शॉर्ट डेथ संबंधित एग्जेम्प्ट, चाहे मरने के बाद मिला हो कि इन कंटेम्पलेशन डेथ मिला हो। फिर किधर पहुंचा, आई फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का विल भी है, कभी कभी विल लिखते हैं, विल मतलब वसीयत बनाते हैं ना, जो भी है वसीयत भी बनती है तो मरने के बाद वाला गिफ्ट होता है ना। तो आई क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ विल, फिर देखते हो इधर, फिर क्या था, मैरिज वाला गिफ्ट था, फिर डेथ कॉन्टेम्पलेशन, फिर रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, रिश्तेदारों से भी गिफ्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन रिश्तेदारों में कौन आता है मैं बताऊंगा। फिर बाद में लोकल अथॉरिटी से मिला है, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपालिटी वाले, जैसे कभी कभी कोई बारिश के कारण सबके घर उजड़ जाते हैं, ये होता है, तो म्यूनसिपालिटी वाले जिनका नुकसान हुआ उनको पैसा देते, और म्यूनसिपालिटी वाले फ्री में दे रहे, मतलब गिफ्ट ही हो गया ना, बट वो भी टैक्स से माफ है। तुम लोग सोच रहे हो म्यूनसिपल अथॉरिटी अपने को गिफ्ट क्यों देने लगी, होता है ना कभी कभी कोविड में कोई मर गया, या फिर कोई बोलते ना ये बारिश वारिश से पानी वानी भर गया, किसी का घर टूट गया, ये हो गया, कोई हादसा हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे में कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होती है तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ लोग अपने को पैसा देता है, तो वो पैसा भी एक तरह से गिफ्ट है, बट उसमें भी टैक्स नहीं आएगा, उसको बोलते गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट, तीन गवर्नमेंट होते, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये अपने को लोकल गवर्नमेंट से मिला है, और अपनी चिंता करने वाला लोकल गवर्नमेंट ही होता है। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट से गिफ्ट मिला है, चैरिटेबल ट्रस्ट का तो काम ही है वो चैरिटी, तो चैरिटी में तो फ्री में देना पड़ता है, तो आज मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ, किसी को मैंने फ्री में पैसा दिया, ये ले पढ़ सीए कर जा, सीए के लिए 5 लाख रुपया दिया, किसी को तेरे को एमबीए करना है ये 10 लाख रुपया रख एमबीए कर जा, तो चैरिटेबल ट्रस्ट लोग ऐसा बांटती है ना, तो वो भी गिफ्ट होता है और वो भी टैक्स से माफ है। और चैरिटेबल ट्रस्ट तो फ्री में बांटती भी, फ्री में लेती भी है, चैरिटेबल ट्रस्ट को तो लोग डोनेशन दे दे के आते हैं, जैसे मैंने ट्रस्ट खोल दिए मुझे आए दिन लोग डोनेशन देते हैं, तो मेरे को भी तो गिफ्ट मिलती है, और फिर समाज सेवा के चक्कर में अभी भी लोगों को देता हूँ। तो इन शॉर्ट सी चैरिटेबल ट्रस्ट को चाहे मिल रहा हो कि वो दे रही हो, दोनों केस में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उन लोगों के लिए मिलना भी जेन्यून है और उनका देना भी जेन्यून है। सो चैरिटेबल ट्रस्ट में कभी ये मत देखना कि उसको मिल रहा है कि उन्होंने दिया है, दोनों केस में एग्जेम्प्ट है, चाहे उन्हें मिल रहा हो कि उन्होंने दिया हो। तो सी फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट था, आई एम डॉक्टर एलसी है ना। फिर एक और सी कोविड वाला, मीन्स अगर किसी के कोविड के इलाज के लिए, जैसे मान लो मुझे कोविड हुआ है या फिर मेरे फैमिली को कोविड हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है, वो भी एग्जेम्प्ट है। बट किसको कोविड होना चाहिए, या मुझे या मेरे फैमिली वालों को, और मेरी फैमिली में कौन कौन आता है ये देखो, स्पाउस यानी कि मेरे केस है मेरी बीवी, मेरे बच्चे, फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, दिख रहे हैं डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, तो मतलब या तो मुझे कोविड हो या फिर स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, इनको किसी को कोविड हुआ उसके लिए कोई पैसा दिया, कौन दिया, कोई भी देवे, जिसने भी दिया फ्री में मिला ना, तो वो भी टैक्स से माफ है, क्योंकि जेन्यून केस है ना कोविड ट्रीटमेंट। फिर कोविड ट्रीटमेंट के साथ कोविड डेथ भी है, कोविड डेथ में से अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोविड हुआ, कोविड में डेथ हो गया, तो जो मर गया उसको तो पैसा नहीं मिलेगा ना, उसके घर वालों को मिलेगा, और घर वालों को मिला तो 10 लाख तक माफ है। सी डेथ होता है तो 10 लाख तक ही माफ है, 10 लाख तक हुआ तो एग्जेम, और 10 लाख के ऊपर गया तो फुली टैक्सेबल। गिफ्ट में ऐसा ही है, एक लिमिट तक है तो माफ,
और लिमिट से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। और ऐसे तो 50,000 की लिमिट है ना, ये केस में 10 लाख तक माफ है। खैर 10 लाख से ज्यादा देगा भी कौन, जैसे किसी की कोविड में डेथ हो गई है तो घर वालों पे दया आती है, तो घर वालों को 2-4-5 लाख रुपया देगा, 10 लाख तक दिया तो माफ है। सी अगर ट्रीटमेंट के लिए मिला तो कोई लिमिट नहीं है, डेथ में मिला तो 10 लाख तक, ट्रीटमेंट में जितना भी मिले पूरा माफ है, डेथ में मिले तो 10 लाख तक माफ है। तो ये आई एम डॉक्टर एलसी थे, ये गिफ्ट कभी सब में दिख गए ना, सीधा उसको स्टेटमेंट में लिख के डैश कर देना, क्योंकि वो टैक्स फ्री है टोटली। लेकिन आई एम डॉक्टर एलसी के अलावा बाकी सब गिफ्ट में रूल क्या है, 50,000 तक है तो माफ, 50 के ऊपर हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन सी ये 50,000 में बहुत किटपिट है अभी, इसकी किटपिट डिस्कस करने के लिए ना मैं ये वाले चार्ट को थोड़ा और बड़ा करके सिखाऊंगा। देखो यही चार्ट है ना, एक अलग रूप लेके आ रहा है तुम लोग के सामने, ध्यान देना। ये देखो यही चार्ट वापस आ रहा है, देखना। वेट पहले वो बाद में रुको, सॉरी। आई एम डॉक्टर एलसी में रिलेटिव का मीनिंग बताना रह गया ना, सी इसमें मैं बाद में घुसता हूँ, एक बार इसको साइड में रखो। अभी भी आई एम डॉक्टर एलसी हुआ नहीं है, आई एम डॉक्टर एलसी में आर क्या था, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, तो सी रिलेटिव का एक झाड़ है, इस झाड़ में जो भी बैठा है ये सब रिलेटिव है। जैसे झाड़ में तुम किसको बिठाओ, पहले अपने आप को बिठाओ, जैसे मैंने अपने आप को बिठाया, ये मैं हूँ, देखो दिख रहा है मैंने गोल किया अपने आप को, ये मैं हूँ। तो मेरे रिश्तेदारों में कौन कौन आता है, तो मेरी पत्नी है ना, और मेरे पत्नी की भाई लोग, उसके बहन लोग, अपने जीवन साथी के साथ। ये एसपी का मतलब क्या, स्पाउस, एसपी का मतलब स्पाउस, स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर। ओके, तो सी मेरे रिश्तेदारों में कौन है, मेरी बीवी, तो उससे मेरा गहरा रिश्ता है, एंड फिर बीवी के साथ साथ बीवी का भाई और बीवी की बहनें, मतलब मेरी साली और साले लोग, अलोंग विद देयर स्पाउस, वो भी मेरे रिलेटिव है। तो रिलेटिव है तो क्या करना है, इनसे कभी गिफ्ट मिले तो टैक्स नहीं आता है। फिर मेरे खुद के भी तो भाई बहन है, ये मैं हूँ, हाँ तो ये मेरा सगा भाई और सगी बहन, सगा भाई बहन है, कजिन वजिन नहीं, और मेरा भाई बहन है तो अपने जीवन साथी के साथ, मतलब मेरा भाई है तो मेरी भाभी भी आ गई, और मेरा बहन है तो मेरा जीजा भी आ गया। फिर मेरे माँ बाप, और मेरे माँ बाप तो रिलेटिव है ही, मेरे माँ बाप के भाई बहन भी आ गए, माँ के भी भाई बहन एंड बाप के भी भाई बहन, और मम्मी की तरफ से भाई बहन मतलब क्या हो गया, मामा मासी, अलोंग विद द जीवन साथी, मामा है तो मामी भी आ गया, मासी है तो मौसा भी आ गया, और पप्पा की साइड से चाचा बुआ, वो सब मेरे रिलेटिव है। मतलब मेरे लाइन में तो मेरे माँ बाप के साथ उनके भाई बहन भी कवर्ड है, लेकिन बीवी की लाइन में उसके खाली माँ बाप, उसके तो माँ बाप भी बहुत हो गए हैंडल करने के लिए, उससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मतलब उसके भी भाई बहन लोग मेरे रिलेटिव नहीं है, बस बीवी के माँ बाप ठीक है, मतलब मेरे सास ससुर, ये मेरे सास ससुर लोग दिख रहे झाड़ पे बैठे। फिर एले का मतलब लीनियल असेंडेंट, लीनियल असेंडेंट मतलब मेरी लाइन में ऊपर वाले सब, मेरी बिल्डिंग में नहीं, मेरे खानदान में, मेरी लाइन में ऊपर कौन है, मेरे माँ बाप तो है ही, उनके भी माँ बाप, उनके भी माँ बाप, उनके भी माँ बाप, ये सब मेरे रिलेटिव है। और मेरी लाइन के साथ बीवी की लाइन भी है, ये लोग कौन है, लीनियल असेंडेंट बीवी की लाइन में, मतलब बीवी के माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, सब आ गए। एक्चुअली पापा मम्मी भी लीनियल असेंडेंट ही होते, लेकिन इसको अलग से क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि पापा मम्मी में ब्रदर सिस्टर भी साथ में आ गए ना मेरी साइड वाले, इसलिए अलग से लिखा, नहीं तो टेक्निकली फादर एंड मदर भी लीनियल असेंडेंट है, क्यों अपनी लाइन में ऊपर आते हैं ना। इन शॉर्ट अपनी ऊपर की पूरी लाइन, और अपनी नहीं अपने जीवन साथी की भी, और हमारे बच्चे, सी ये कॉमन क्यों हो गया, बच्चे तो कॉमन है ना, माँ बाप तो मेरे अलग है और मेरे बीवी के अलग है, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, तो ये हम लोग के बच्चे और बच्चे भी उनके जीवन साथी के साथ। इस झाड़ में कोई भी अकेला नहीं बैठा है, हर इंसान अपने जोड़ीदार के साथ बैठा, स्पाउस के साथ। बस ये सीन दिमाग में छाप लो, इन लोगों से कभी गिफ्ट मिला तो एग्जेम्ड है, फुल्ली एग्जेम्ड, क्या बोलना चाहिए। अरे हाँ, ये तो आई एम डॉक्टर एलसी वाला हो गया, रिलेटिव है ना, रिलेटिव वाला गिफ्ट, तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्ड। तो सी आई एम डॉक्टर एलसी हो गया। अब इसके अलावा बाकी सब गिफ्ट में 50,000 का रूल है ना,
अब देखो ये अदर गिफ्ट्स के लिए ना मैंने थोड़ा डिटेल्ड चार्ट बनाया है। ये देखो सेम ही चार्ट है, लेकिन देखो मैंने अदर्स को थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया अभी। बाकी तुम लोग देखोगे, ये तो मैंने अभी पढ़ाया ना तुमको, एम्प्लॉयर का गिफ्ट होता है, कस्टमर का होता है, फिर अदर्स, इनकम फ्रॉम अदर्स, उसमें आई एम डॉक्टर एल सी, खत्म हो गया। अब अदर गिफ्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये देखो अदर गिफ्ट्स में ना अगर मुझे मनी मिला है तो पता है क्या देखना चाहिए, पूरे साल में जितने लोग ने भी मुझे मनी दिया उसका टोटल करना चाहिए। सिर्फ मुझे मान लो 50 लोगों ने गिफ्ट दिया होगा, सबका टोटल कर करके देखना चाहिए 50,000। ये पर पर्सन नहीं है, पर ईयर है। एक जन से मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, अरे हजारों से मिला होगा। सबका टोटल मार के दे पूरे साल में कितना मिला। अगर 50,000 तक है तो एग्जाम, 50 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। तो ये देखो मनी गिफ्ट का रूल क्या है, अगर एग्रीगेट अप टू 50,000 है तो एग्जाम। इधर गड़बड़ क्या होती है, लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार गिफ्ट मिला था मिस्टर एक्स से, फिर दूसरा गिफ्ट मिला था मिस्टर वाई से, ये तो अलग जन है। अरे अलग है तो क्या है, फिर भी ऐड करना पड़ता है। कंबाइन करके देखना चाहिए, फ्रॉम ऑल दी पर्सन टेकन टुगेदर इन अ ईयर 50,000 तक है तो एग्जाम। देखो मैंने एग्रीगेट वर्ड को इम्पोर्ट, एग्रीगेट करके देखना चाहिए टोटल करके। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, अरे मतलब पैसे के अलावा कोई चीज मिल गई, गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, ओके। तो अगर ऐसी चीज गिफ्ट में मिलती है तो उसका मार्केट वैल्यू देखो, अगर जितनी भी मूवेबल चीजें मुझे मिली है उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई तो उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। मतलब एक गोल्ड मिला एक जन से सिल्वर मिला, गोल्ड की मार्केट वैल्यू 40,000 है, सिल्वर की मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो 40 और 20 50 के ऊपर हो गया, 60 हो गया, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन सी मूवेबल प्रॉपर्टी में एक और चीज़ है, कभी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी टोटली फ्री में मिलता है और कभी कभी सस्ते में मिलता है। सस्ते में मिलता है तो भी गिफ्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है, इसका वैल्यू एक्चुअली 1 लाख है, लेकिन मुझे पड़ा 10,000 में। तो 1 लाख की चीज फ्री में मिलती तो गिफ्ट बोलते हैं ना। तो 1 लाख की चीज 90 में पड़ी, सॉरी 10,000 में पड़ी तो भी गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट का एलिमेंट थोड़ा कम हो गया, 1 लाख माइनस 10। इन शॉर्ट लॉ क्या बोलता है, तुझे मुफ्त में मिला ना 1 लाख का चीज तो पूरा 1 लाख ही गिफ्ट है, लेकिन 1 लाख की चीज अगर मुफ्त में नहीं मिली उसके लिए तूने 10,000 चुकाया है तो डिफरेंस इज द एलिमेंट ऑफ द गिफ्ट, तो उसको भी गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन सी जिनसे भी फ्री में मिला है ना उसका टोटल अलग कर देगा, और जिनसे सस्ते में मिला उनका टोटल अलग करना चाहिए। टोटल क्यों कर रहा हूं, 50,000 चेक करने के लिए। जैसे मान लो मुझे 10 लोगों ने टोटली फ्री में दिया है, चल फ्री में रख ले तो उसका टोटल करके देखूंगा 50,000 हो रहा है कि नहीं, और जिनसे सस्ते में मिला उसका टोटलिंग अलग करो। जैसे मुझे 15 लोग ने ना 1-1 लाख की चीज 5,000 में दी है, तो 1-1 लाख की चीज 5,000 में दी है, मतलब फायदा कितना 95 का है। तो ऐसी सस्ती जितनी भी चीजें उसका एग्रीगेट करो, मतलब फ्री वाली चीजों का और सस्ती वाली चीजों को मिक्स मत करना। ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये दोनों दुनिया ही अलग है, नो प्राइस वाली, लो प्राइस वाली। व्हाट डू मीन बाय नो प्राइस, प्राइस ही नहीं देना पड़ा, फ्री में मिल गया, मतलब गोल्ड 1 लाख का फ्री में मिल गया तो ये नो प्राइस हो गया, और लो प्राइस मतलब सस्ते में पड़ा। और ये दोनों का एग्रीगेशन साथ में रखना है कि अलग अलग रखना चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा दे देना, 3-4 लोग से फ्री में मिला था तो उसका टोटल अलग रखना, और 3-4 लोग से सस्ते में मिला था तो उन सस्ती चीजों का टोटल अलग रखना, और दोनों का टोटल पता देना 50 आ रहा है तो एग्जाम, लेकिन 50 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। और मनी का भी एग्रीगेशन अलग रखना, कितनी बार समय इन लोग देते हैं, 20,000 रुपया रोकड़ा गिफ्ट मिला था और 40,000 का गोल्ड मिला था, तो गोल्ड अलग है पैसा अलग है तो उसको मिक्स मत करना, नहीं तो ये नॉलेज नहीं तो लोग क्या करेंगे, हाँ 20,000 रोकड़ा है और 40,000 का गोल्ड है तो ऐड कर देते हैं। नहीं, मनी को अलग रख और मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अलग रख, और मूवेबल में भी फोकट में मिली हुई चीज को अलग रख और सस्ते में मिली हुई चीज को अलग रख, और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसको भी अलग रख। अरे कई बार अपने को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, जैसे कोई घर गिफ्ट में मिल गया, कोई जमीन गिफ्ट में मिल गई, तो उधर भी
टैक्स आता है, लेकिन उधर भी 50,000 का रूल है, बट पर प्रॉपर्टी है। सी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना, तो एग्रीगेट करना पड़ता है। जैसे मुझे गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, तो जितना भी गोल्ड सिल्वर मिला है सब टोटल मार के देखो, टोटल करके देखो 50 हो रहा है क्या नहीं। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोटल वोटल नहीं करने का, पर प्रॉपर्टी। मतलब एक फ्लैट मिला है, एक जमीन मिला है, तो दोनों अलग रख। तो एक फ्लैट मिला 40,000 का, एक जमीन मिला 40,000 का, तो दोनों अलग। और दोनों 40-40 का मतलब एक सेम। खैर इमूवेबल प्रॉपर्टी 40 के वैल्यू की होती नहीं है, लाखों करोड़ों की होती है। ये तो खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कभी भी एग्रीगेशन मत करना, पर प्रॉपर्टी चेक करते। एक एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली देखो, 50,000 तक है तो एग्जेम, 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल। तो ये देखो क्या लिखा है, पर प्रॉपर्टी, और इधर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मूवेबल प्रॉपर्टी तो मूवेबल, मूवेबल तो बोलते FMV, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की दुनिया में फेयर मार्केट वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की तरफ पुकारते हैं। ये ट्रेंड है मार्केट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कभी भी FMV बोलना होता है ना, तो लोग FMV ना बोल के क्या बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देंगे और देखना 50,000 तक है तो एग्जेम, 50 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। और सिस्टम वाले एग्जेम्प्ट है तो स्टेटमेंट में डैश कर दो, टैक्सेबल है तो उसका अमाउंट लिख दो, और इसमें तो 50 के ऊपर गया तो पूरा ही अमाउंट आ जाएगा टैक्सेबल। फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में मिली तो उधर देखो थोड़ा गड़बड़ वाला रूल है, थोड़ा अलग है। उसमें ऐसा रूल है, पहले तो HDB माइनस एक्चुअल प्राइस करो। ओके फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना मान लो मैंने एक घर खरीदा है, 90,00,000 का घर है, 90,00,000 उसका क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। लेकिन उसके लिए मुझे प्राइस कितनी चुकानी पड़ी मालूम है, 85 लाख चुकाना पड़ा। तो 90,00,000 का घर है, उसके लिए 90,00,000 क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ध्यान से सुनना, 90,00,000 उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, लेकिन मैंने चुकाया कितना है, 85 लाख। तो दिखने में क्या लगता है, 90,00,000 की चीज 85 में पड़ी, वाह तेरे को तो मजा है। कितने का मजा आया, 90 का 85 देना पड़ा, मतलब 5,00,000 का मजा है। और 5,00,000 दिखने में क्या लगता है, तो 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होती ही इतनी महंगी है। तो आज अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो उसमें बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत प्राइस कम करवा लूँगा ना, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा डिफरेंस होना तो स्वाभाविक है। सोच मैंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बार्गेनिंग नहीं करूँगा, थोड़ा कम कर दो ना, कम कर दो ना, कम कर दो ना, तो उसमें तो क्या 2-3 लाख तो ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ ही इतनी महंगी है। तो 2-3 लाख का डिफरेंस तो ऐसे ही आता है। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर 50,000 का डिफरेंस आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि चीज़ें ही इतनी महंगी है। इसलिए पता है इधर रूल क्या है, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसी कोई महंगी चीज़ तू ले रहा है, उसमें तुझे सस्तेपन का सुकून मिला, तो उधर 50,000 का रूल नहीं है, या 50,000 या 10% ऑफ द एक्चुअल प्राइस विच इज हायर, मतलब 10% तक भी डिफरेंस आया तो चलता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या समझती है, कोई कोई बड़ी बड़ी घर जमीन लेता है तो थोड़ा बार्गेनिंग करके 10% कम करवा लेता है। तो अगर 10% तक सस्तापन है तो उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे, वो बार्गेनिंग था। लेकिन 10% से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ओके 10% किसका निकालना है, मैं एक्चुअल प्राइस पे। हाँ ये देखो मैं करके बता दूँ, ये देखो लुक यार, मान लो ये देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना किसी प्रॉपर्टी का 93 लाख है, और उसका एक्चुअल प्राइस 90 लाख है। ट्राई करो, अरे मतलब एक प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 93 लाख, और उसके लिए एक्चुअली मैंने कितना चुकाया, 90 लाख। तो एक बार तो क्या लगता है यार, 93 का चीते को 90 में पड़ा, तो इसमें कोई चौकन्ना होने की बात नहीं है, थोड़ा तो बार्गेनिंग किया होगा, 90 लाख की चीज़ है यार, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके बार्गेन करूँगा ना। पर जो भी है, मुझे बार्गेन करके कितना मज़ा आया, 93 का 90 देना पड़ा, तो मज़ा कितना है, इधर मैंने मज़ा लिखा, देखो मज़ा कितने का, 3 लाख का मज़ा है। और अगर ये मामूली सा मज़ा है तो टैक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर मज़ा कुछ ज़्यादा ही मिल गया तो टैक्सेबल। अब चेक करो, मामूली मज़ा मतलब ये निकालो, अभी
10% ऑफ एक्चुअल निकालो, एक्चुअल प्राइस कितना है 90 लाख, देखो ना ध्यान से, 90 लाख का 10% 9 लाख, और सामने 50,000 से कंपेयर करो, फिर विचर इज हायर करना होता है, 9 लाख और 50,000, तो व्हाट इज हायर, 9 लाख, फिर ये 9 लाख से देखो 3 लाख को, अपने को तो खाली 3 लाख का सस्तापन मिला, मतलब मजा बड़ा मिला कि छोटा है, और छोटा मजा है तो एग्जाम, ये देखो क्या लिखा है, लेस देन साइन है ना, मतलब मजा अगर कम है तो इट विल बी एग्जाम, क्योंकि सी गवर्नमेंट बोलती है अभी इतनी महंगी चीज ले रहा है घर जमीन जैसी, तो थोड़ा बहुत बार्गेन करके ही डिफरेंस आ जाता है, और कितना डिफरेंस गवर्नमेंट को नॉर्मल लगता है 10%, लेकिन 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस, लेकिन साथ में 50,000 का भी इंपॉर्टेंस है, मीन्स अगर 10% के हिसाब से कुछ 20-25 हज़ार ही आ रहा है तो 50,000, ये 50,000 का तो गवर्नमेंट ने रूल ही बना के रखा है ना, तो 50,000 तो है ही, लेकिन 10% वाली अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो ले लो, मतलब इन दोनों में से यू टू टेक विचर इज हायर, गड़बड़ क्या होगी एग्जाम में, सिली मिस्टेक क्या होगा, अपने विचर इज लेस कर लेंगे, इधर विचर इज हायर करना है, और 10% में भी गड़बड़ होगा, अपने क्या 10% गलती से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ले लेंगे, लेकिन किस पे लेना है एक्चुअल पे, तो सी इसका एक सिस्टम ही बना दो, क्वेश्चन में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होगी वो और एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करो, फिर देखो अपने को सस्तेपन में कितना मजा आया है, सी पूरे सिचुएशन में कि अपने को चीज सस्ते में पड़ी है, सी फ्री में मिलता तो गिफ्ट है, सस्ते को भी गिफ्ट मानती है, तो फिर देखो कितना सस्तापन का मजा है, एंड फिर कंपेयर दैट मजा विद दिस फॉर्मूला, एंड द मजा इज स्मॉल एग्जाम, एंड द मजा इज बिग फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली हाँ फुल्ली, तो ये इसका रूल था, इमूवेबल प्रॉपर्टी लो प्राइस। सी अकॉर्डिंग टू मी है ना, 5 टाइप की गिफ्ट हो गए, कैसे मानो ये देखो, 5 मतलब अदर्स के अंदर भी 5 चीज है, मनी 1, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी फोकट में मिला, तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में मिला, चौथा इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिला, पांचवा इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में मिला, और ये पांचों को अलग रखना, क्वेश्चन में लोग पांचों चीज डाल देवे ना तो उसको खिचड़ी मत कर देना, मनी वाले जितने भी गिफ्ट दिखे ना उसको सेपरेटली इकट्ठा करके 50,000 चेक करना, एंड फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में भी फ्री वाली चीज़ें अलग और सस्ती वाली चीज़ें अलग, लेकिन ध्यान रखना फ्री वाले में तो पूरी FMV पे टैक्स आ जाता है, सस्ती वाली में FMV माइनस एक्चुअल प्राइस, और स्टैम्प इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखा तो उसको अलग, और उसमें तो पर प्रॉपर्टी चेक करना है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में मिला वो फिर अलग, और लफड़ा इधर ही होता है सस्ते वाले का, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में पड़ा तो ये टेक्निक से करना, ओके। फिर सुनो एक और पॉइंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कभी भी गिफ्ट में मिलती है तो टैक्स आता ही है, और गिफ्ट वाला चाहे फ्री में मिले कि सस्ते में मिले, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में ना खाली इतनी चीजें कवर्ड है, जस्ट वी खाली इन्हीं चीजों का गिफ्ट टैक्सेबल होता है, अरे मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी दुनिया है, और जसवी के अलावा कोई दूसरी चीज गिफ्ट में मिली है तो टैक्स आता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो, खाली जसवी वाली चीजों में 50,000 के ऊपर गया तो टैक्स आता है, जसवी क्या है, जे फॉर ज्वेलरी, जे फॉर ज्वेलरी हो गया, और ज्वेलरी बोला मतलब उसमें सोना चांदी बुलियन भी होता है, बुलियन कभी कभी आता है, बुलियन मतलब क्या, गोल्ड ही होता है लेकिन रॉ फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, ईट के फॉर्म में, तो बुलियन कभी दिखा, गोल्ड लिखा है, सिल्वर दिखा है, ऑर्नामेंट्स, डायमंड्स, कोई भी टाइप की सोना चांदी वाली चीज़ें को बोलते ज्वेलरी, तो ज्वेलरी हो गया, फिर आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी कलाकारी वाली चीज़ें, फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें, फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट, आजकल क्रिप्टो करेंसी का चला है ना, तो क्रिप्टो करेंसीज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब इन्हीं चीज़ों की गिफ्ट में टैक्स आता है, क्या कहता है, जसवी, जसवी में जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्टिस्टिक वर्क, दूसरा ए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, फिर एस फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, वी फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्रिप्टो करेंसी,
बिटकॉइन दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन बोला ही रिसीव्ड बिटकॉइन फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो आईफोन जस्वी में नहीं है ना, तो उस पर टैक्स ही नहीं आता है। खाली जस्वी वाली चीजों में ही 50,000 का मेजरमेंट करके टैक्सेबल करना है, ऑल अदर आइटम्स पे टैक्स आता ही नहीं है। लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मगज भरे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिनी चुनी चीजें तो घर है, जमीन है, उस पर तो हमेशा ही टैक्स आता है। फिर एक और चीज सुनो, अगर लुक मूवेबल प्रॉपर्टी हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मुझे अगर फ्री में मिली है या सस्ते में मिली है और वो चीज मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो भी टैक्स नहीं आता। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मेरा उसका धंधा ही है। जैसे मान लो मेरी ज्वेलरी की दुकान है, और ज्वेलरी की दुकान है मतलब उसके लिए ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है, और ज्वेलरी के दुकानदार को कहीं से सोना फ्री में मिल गया, कहीं से कोई नेकलेस फ्री में मिल गया, कोई डायमंड फ्री में मिल गया, टैक्स नहीं आता है। तो ज्वेलरी के दुकानदार को तो फ्री सैंपल मिलते रहता है, और उसका ज्वेलरी का धंधा है, उसके सप्लायर लोग फ्री सैंपल देते होंगे, तो बिकॉज उनके धंधे में फ्री में सैंपल मिलना, थोड़ा एकदम हैवी डिस्काउंट में मिलना बहुत कॉमन है। इससे गवर्नमेंट ने बोला है जिसके लिए वो वस्तु स्टॉक इन ट्रेड है ना, उसको गिफ्ट किया चमाट नहीं पड़ेगा, है ना। स्टॉक इन ट्रेड हुआ तो स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए, देने वाले के नहीं मिलने वाले के लिए। अरे जिसे मिला है ना, मिला है ना, जिसको रिसीव हुआ है, रिसीवर को, रिसीवर के लिए वो चीज स्टॉक इन ट्रेड है। ओके, और ये स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट तो दोनों में है। जैसे मान लो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही धंधा करता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इनको भी अगर सस्ते में मिल गया ना कोई प्रॉपर्टी, या फ्री में मिल गया तो चलता है, क्योंकि जिनका धंधा होता है ना उनको तो फ्री में सैंपल्स आता है, कभी हैवी डिस्काउंट पे चीज मिल जाती है, तो उनके लिए नॉर्मल है। तो स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट याद रखना। ओके, तो गिफ्ट का चप्पा चप्पा खत्म हो गया। ओके, ये था सेक्शन 56-10। सो दिस कंप्लीट्स अवर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म हो गया है। हाँ, इसमें कुछ डीम डिविडेंड करके होता है, लेकिन डीम डिविडेंड में अपने रेगुलर लेक्चर में भी अलग से पढ़ाता हूँ। डीम डिविडेंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जुड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, एज ऑफ नाउ इतना सफिशिएंट है। तो सी, मैंने तुमको क्या पढ़ाया मालूम, ये देखो, DW किधर गया, DW रामू फकीर जी पढ़ा है ना, उसमें लास्ट अभी जी का डिस्कशन चल रहा था, और इसमें मैंने क्या बताया, सब कुछ टैक्सेबल है सिवाय इसके, इनके अलावा सब कुछ टैक्सेबल है। ये लिस्ट अपने को रट्टा होना चाहिए, ये सब एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल। एंड फिर मैंने तुमको ये थियरी बताया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, और उसका क्या मेन समरी था, ये कि अगर इनकम टैक्सेबल है तो खर्चा माइनस करो, एग्जेम्प्ट इनकम इग्नोर दी खर्चा, विनिंग्स में इग्नोर दी खर्चा, डिविडेंड में डिडक्ट ओनली वन खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ऑल ओवर 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम, और फैमिली पेंशन में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेकिन आर्मी वाली बीवी का नहीं, आर्मी वाली बीवी का तो एग्जेम्प्ट ही है, अदर बीवियों के लिए 1/3 और 15% विच इज लेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म हो गया। ओके, फिर अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये देखो, टेल मी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो टोटल आता है उसको करते क्या है, इधर अपने ना सब इनकम को कैलकुलेट करके इधर इकट्ठा कर रहे हैं, और अपना अल्टीमेट मिशन क्या है, सब इनकमों को जोड़ के अंत में अपने को टैक्स कंप्यूट करना। ओके, तो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करना सीख लिए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई फॉर्मेट नहीं है। सी, बाकी चैप्टर्स तुम लोग देखोगे ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फॉर्मेट है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई बोले सर इसका कुछ फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी DW रामू फकीर की चीज दिख रही है ना उसको स्टेटमेंट में डाल दो, लेकिन अगर संबंधित खर्चा दिया तो माइनस कर दो, और जो जो क्वेश्चन में दिख रहा लाइन से डालो, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ओके, जो सम में दिखेगा सम में जो दिखा डालते जाओ एक स्टेटमेंट में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के। अब देखो अपना अगला टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। थकने का नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, एकदम फुल एनर्जी रखने का, एकदम एग्रेशन, आग लगनी चाहिए, अभी पास होना है, मे एग्जाम नजदीक आ रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी सबको पता है, जब दो जन के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता होता है ना, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, तब होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो सैलरी का चैप्टर अपने को कैसे पढ़ना है, लुक हियर, ये मैंने स्टेटमेंट बनाया है, इनकम फ्रॉम सैलरी का
फॉर्मेट जैसा तो नहीं, बट यू कैन से काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर ऐसा ही है। सैलरी में क्या होता है, जितनी भी चीजें क्वेश्चन में दी उसकी लिस्ट बना दो, फिर टोटल होता है ग्रॉस सैलरी। अरे ऊपर क्या क्या डालना वो तो सम में देंगे, तो ऊपर जो भी लिखना है ना वो तो सम से देख देख के लिखते जाओ, एंड फिर टोटल होगा ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आता है, उसमें क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 फिक्स्ड है, फिर एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसके बारे में सिखाऊंगा मैं, फिर एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। ये तीन फिक्स चीजें माइनस करने का रिवाज है। मतलब फॉर्मेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहले क्वेश्चन में जो भी दिया सब भर्ती कर दो। हाँ, टोटल करने के बाद फॉर्मेट फिक्स्ड हो गया है, टोटल को बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड 50,000 याद कर लो, 50,000, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस इसके बारे में सिखाऊंगा मैं, प्रोफेशनल टैक्स तो जो सब में दिया माइनस कर दो, एंड फिर आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब मुझे देखो तुमको पढ़ाना क्या मालूम है, ये दिख रही चीज है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये सब चीज मैं तुमको लाइन से एक एक करके पढ़ाऊंगा। और पढ़ाना क्या, यही कि क्या ये चीजें टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। इनकम टैक्स में मेन यही पढ़ते, जब भी इनकमों के बारे में पढ़ रहे होते ना, इनकमों के बारे में, तो बच्चों को यही जानना होता है कि हाँ इनकम तो है लेकिन टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। तो जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में DW रामू फकीर में सबका बताया टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, वैसे इस चैप्टर में पढ़ने का तरीका सेम है, लेकिन इधर इनकम की चीजें थोड़ी अलग है, नौकरी में जो चीजें मिलती है वो। लेकिन इधर भी मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट हुआ तो सेक्शन 10 जैसा कुछ आएगा। ओके, तो सी पहला पॉइंट बेसिक सैलरी, हर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी देंगे, और ऐसा नहीं कि बेसिक लिख के देंगे, खाली सैलरी सम में दिया मतलब बेसिक है वो, और वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब उसको स्टेटमेंट में उसका अमाउंट डाल देना। हाँ, क्वेश्चन में अगर बेसिक सैलरी नेट दिया हो ना तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन लोग बोलेंगे उसके पगार में से ये काटा था वो काटा था, क्या काटा था उसमें कभी मत घुसना। कितने लोग उसमें उलझ जाते हैं कि उसकी पगार में से क्या काटा था, छोड़ ना जो भी काटा था, उसकी पगार में से जो कुछ भी काटा था ना उसको वापस से एडबैक करके ग्रॉस लो। तो बेसिक सैलरी का एक नियम याद रखना, हमेशा मैं ग्रॉस अमाउंट लिखूंगा, क्या ग्रॉस, और अगर नेट दिया है तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर देना सब चीजें एडबैक करके। अगला पॉइंट क्या है, बेसिक सैलरी खत्म, नेक्स्ट पॉइंट क्या, अलाउंसेस। सी अलाउंसेस का मतलब क्या होता है ना, मैं ये देखो, जब एम्प्लॉय को खर्चों के लिए हर महीने फिक्स्ड अमाउंट मिलता है तो उसको बोलते हैं अलाउंस। ओके, अलाउंस का डेफिनेशन क्या है, खर्चों के लिए हर महीने फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे मान लो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए महीने का फिक्स्ड 500। सी अलाउंस की खूबी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्योंकि पता है अलाउंस भले मैं तुमको पढ़ा अलग से रहा हूं लेकिन मिलता अलग से नहीं है, अपने महीने की पगार का चेक होता है ना उसमें घुसा हुआ रहता है, और अपनी महीने की पगार का चेक कैसे फिक्स्ड होता है, कहीं पर भी जॉब करते अपनी महीने की पगार का चेक तो फिक्स्ड होता है ना, और अलाउंस उसके अंदर ही शामिल होता है। और जब अपनी मंथली सैलरी का ही फिक्स्ड अमाउंट होता है तो अलाउंसेस का भी फिक्स्ड अमाउंट ही होता है। इससे देखो मैंने इस पे स्ट्रेस किया, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो मंथ टू मंथ मिलता है, लेकिन किसी एक्सपेंडिचर के लिए मिलता है वो। ओके, और एक चीज है, कभी कभी अलाउंसेस कॉम्पेंसेटरी भी होते हैं। कॉम्पेंसेटरी मतलब तुम्हें जॉब में कुछ तकलीफ उठानी पड़ रही है तो बॉस को हमदर्दी होती है, तुझे कितनी तकलीफों में काम करना पड़ रहा है, चल इस तकलीफ के लिए मैं तुझे अलाउंस देता हूँ। अरे अलाउंसेस दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई खर्चे के लिए दिया होगा, ट्रैवलिंग वैवलिंग का खर्चा उसके लिए, या फिर कोई तकलीफ के लिए मिलता है, तकलीफ के लिए मिलता है उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। पर जो भी है मिलता अलग से नहीं है, अपने महीने की पगार के अंदर ही घुसा हुआ रहता है, और अपनी महीने की पगार फिक्स्ड होती है तो ये भी फिक्स्ड होता है, और महीने की पगार मंथली मंथली मिलती है ये भी मंथली मंथली मिलता है। ओके, अब सुनो, और बाय द वे क्या है, तुम लोग आगे जाके परक्यूजिट्स में पढ़ाऊंगा ना, थोड़े टाइम में देखोगे अलाउंस और परक्यूजिट में कोई कोई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सिंस ये रिविजन लेक्चर में डायरेक्ट बात भी कर सकता हूँ, कितने लोगों को अलाउंस और परक्यूजिट में ही मिक्सअप हो जाता है, लेकिन सी अलाउंस के लिए एकदम कॉन्फिडेंट रहना, अलाउंस वर्ड लिखा हुआ आएगा तो ही अलाउंस होता है। जब तक अलाउंस वर्ड नहीं है ना वो अलाउंस हो ही नहीं सकता, दे विल हैव टू राइट दी वर्ड अलाउंस। ओके, तो मतलब जिसको भी अलाउंस परक्यूजिट का कन्फ्यूजन होता है ना, बी कॉन्फिडेंट, अलाउंस हुआ तो अलाउंस वर्ड आएगा।
हाँ परक्यूजिट को कैसे पहचानते हैं, वो परक्यूजिट आएगा तब पढ़ाऊंगा, और वैसे भी मेरा प्लान क्या, परक्यूजिट एकदम लास्ट में लूंगा मैं। ओके अब सुनो, अलाउंसेस में अपने को ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया ना तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, लेकिन एक बार इसको साइड में रखो। बाकी अलाउंस में ना ये लिस्ट याद रखो, टीसी हट टीसी उधर, ये सब अलाउंस एग्जेम्प्ट है, और टीसी हट टीसी उधर इसके अलावा रिमेनिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। तो बच्चों को टीसी हट टीसी उधर याद रखना है, तो उसमें देखो टी फॉर ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस टैक्स से माफ है, कितना 200 रुपया पर मंथ, याद करते जाओ 200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ओके फिर टीसी हट में कैन यू सी तीन सी है, देखते जाओ टी क्या था, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट है, फिर सी वन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल क्या है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है। लेकिन सी कभी भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया ना तो उसका एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है, वो देखो बताता हूँ तुमको मैं, इसका प्रेजेंटेशन देखो ऐसा होना चाहिए, एक बार सम दिखा दो, सॉल्व किया हुआ तुमको एक, ये देखो ये दिख रहा है तुम लोग, एक्चुअली ये कोई सॉल्व किया हुआ सम है, इसमें मत घुसो तुम लोग, मैं तुमको जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये देखो ये दिख रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो मुझे ये बताना है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो सी कैसा प्रेजेंटेशन करोगे, पहले अपने को एक्चुअल अमाउंट लिखनी है, फिर गवर्नमेंट जितना एग्जाम करी है वो लेस करेंगे, लेकिन उसको पेश कैसे करेंगे, ये देखो डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ्स इंटू डैश चिल्ड्रन, एंड फिर बाद में लेस करते हैं वही ढांचा, डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ्स इंटू डैश चिल्ड्रन। लेकिन ऊपर जो मैं लिखूंगा ना वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा, और नीचे जब लेस करूंगा वो अपने नॉलेज के हिसाब से, और अपना नॉलेज क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 100 रुपया माफ है, और भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ओके लेकिन अपना नॉलेज बाद में दिखा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया लिख, तो देखो मान लो इस क्वेश्चन में दिया था 90 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मिला था उसको, तो लिख दो क्वेश्चन में 90 दिया था, 90 लिखूंगा ना यार, फिर इंटू 12 महीना। लेकिन बी केयरफुल, महीने लिखते टाइम है ना कभी कभी एम्प्लॉय के साल के बीच में रिटायर हो जाता है, तो अगर रिटायर हो गया तो 12 महीना मत लिख, अगर उसका सर्विस पूरे साल चला है तो 12 महीना। लेकिन अगर कभी कभी सब में तुम लोगों ने देखा रिविजन लेक्चर देखा हुआ तो है ना कि कभी कभी एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, तो रिटायर हुआ है तो देखना कितना महीना काम किया था, उतना महीना ही पकड़ने का। ओके तो इधर इस सब में तो 12 मंथ्स पूरा काम किया था, फिर ये 5 क्या उसके 5 बच्चे, और 5ों बच्चों के लिए मिला है, और सी कितने लोग क्या बोलते हैं, नहीं 2 बच्चे, अरे पहले तो जो सब में दिया लिखेंगे ना, क्वेश्चन में जो दिया लिख दो, 5, 10 जितने बच्चे भी है वो, फिर बाद में लेस करते टाइम क्या करेंगे, ये अमाउंट माइनस कर दे, अपने को नॉलेज लगाना चाहिए। और अपना रूल क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम का मतलब 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, ये हमेशा याद रखना। कभी भी गवर्नमेंट लिमिट बनाती है, लिमिट का मतलब उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो इधर कम हो 90 मतलब कम हो तो कम ही लो, 90 ही लूंगा। हाँ ऊपर अगर 140 होता ना तो नीचे 100 ही लेता। ओके फिर चिल्ड्रन में भी 5-5 बच्चे ज्यादा हो तो लिमिट में रहो तो 2 ही लेंगे। लेकिन सी इसको पहले ऐसे अरेंज करना। ओके जैसे मान लो इन लोगों ने क्वेश्चन में 90 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं दिया था, डायरेक्टली 5,400 दिया था क्वेश्चन में, दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 5,400 5 बच्चों के लिए, तो अपने को क्या करना चाहिए, मैं ये 90 रुपीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन में पर मंथ पर चाइल्ड नहीं दिया रहेगा, लेकिन अपने को पर मंथ पर चाइल्ड वाला ये अमाउंट चाहिए ही, क्योंकि लॉ ने क्या बोला, 100 से ज्यादा ना हो, कम हो तो कम लो ना, तो अपने को देखना तो पड़ेगा कम है कि ज्यादा है। तो इन लोग कई बार क्या करते हैं, ये 90 रुपीज है ना देते नहीं है, इन लोग क्या टोटल फिगर देते, जैसे इमेजिन करो इस सम में
5400 दिया होता, हाँ ये बोलेंगे कितने बच्चों का, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, रिवर्स वर्किंग करना, रिवर्स, ये 5400 पांच बच्चों का है तो डिवाइड बाय पांच कर दो, डिवाइड बाय 12 भी कर दो तो पर मंथ पर चाइल्ड आएगा। सिर्फ पर मंथ है तो डिवाइड बाय मंथ भी करना पड़ेगा, पर चाइल्ड है तो डिवाइड बाय चिल्ड्रन भी करना, लेकिन डिवाइड कर करके निकालना, मतलब अपने को इतना जिद्दी होना चाहिए ये अमाउंट मेरे को चाहिए ही, नहीं तो क्या होगा, ये अमाउंट नहीं निकाला ना, अपने गलती से नीचे 100 माइनस कर देंगे अंधाधुंध, हाँ 100 का रूल था 100 माइनस कर दो, अरे लेकिन क्वेश्चन में उसको मिला ही 90 है, कम हो तो कम ही लो ना। इसे सी खास मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन में सम क्यों दिखा दिया, क्योंकि इसको लेके बच्चे को एकदम कट्टर होना चाहिए। क्वेश्चन में एजुकेशन अलाउंस आया ना तो उसका प्रेजेंटेशन रट लो, डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ्स इंटू डैश चिल्ड्रन, फिर लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-14, उधर भी डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ्स इंटू डैश चिल्ड्रन, ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से लिखना और नीचे रूल के हिसाब से, और रूल क्या है, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, कम हो तो कम लो, और चिल्ड्रन भी मैक्सिमम 2, कम हो तो कम लो। जैसे इधर उसका एक ही बच्चा होता ना ऊपर, ये तो नीचे एक ही लिखता ना मैं, ये खास किधर ध्यान देना है अपने को, चिल्ड्रन एजुकेशन हाउस में यहाँ से बात निकली थी, लेकिन कभी कभी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आता है ना तो सेम है, लेकिन 300 पर मंथ पर चाइल्ड हो जाएगा, सब कुछ सेम, लेकिन एजुकेशन वर्ड लिखा तो 100, हॉस्टल लिखा है तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड आएगा। ओके, फिर अगला सी देखो, कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन अलाउंस का मतलब क्या होता है ना, मैं ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने का खर्चा, मतलब हम लोग रोज घर से ऑफिस जाते फिर ऑफिस से घर आते, तो ये रोज का जो आने जाने का होता है ना बिटवीन ऑफिस से रेसिडेंस, उसको बोलते हैं कम्यूटिंग, उसके लिए मिलता है कम्यूटेशन अलाउंस। और वो कम्यूटेशन अलाउंस अगर किसी हैंडीकैप को मिला ना, फिजिकली हैंडीकैप, तो एग्जेम्प्ट है, 3200 पर मंथ। लेकिन हैंडीकैप को मिलेगा तो ये देखो, लुक हियर, पढ़ो क्या लिखा है, कम्यूटेशन अलाउंस ब्रैकेट में क्या लिखा, ओआर मतलब ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने के लिए किसी फिजिकली हैंडीकैप बंदे को मिला है तो 3200 पर मंथ तो एग्जेम्प्ट है। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, क्वेश्चन में जो भी दिया पहले अंदर के कॉलम में लिख देना, इनर कॉलम में, फिर लिखेंगे लेस एग्जेम अंडर सेक्शन 10-14, ये देखो सबका सेक्शन 10-14 ही है, खाली हाउस रेंट अलाउंस आएगा ना उसका अलग है, 10-13 है, HRA 10-13A, HRA में A है ना तो 10-13A, बाकी सबका सेक्शन 10-14 ही है। तो कम्यूटेशन अलाउंस, बट याद रहे हैंडीकैप्ट हुआ तो, कितनी बार क्वेश्चन में हैंडीकैप नहीं होता है तो फुल्ली टैक्सेबल, और फुल्ली टैक्सेबल मतलब सीधा आउटर कॉलम में लिख देना वो। फिर टीसी हट में अगला अल्फाबेट क्या, एच फॉर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का एक फॉर्मूला है, ये देखो क्या लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला देखो क्या है, लुक हियर, 50% ऑफ सैलरी, ओके, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से अपने को विचर इज लोअर पकड़ना होगा। लेकिन सी फॉर्मूला क्या, ज्ञान बाद में लगाने का, पहले क्वेश्चन में जो भी हाउस रेंट अलाउंस दिया ना उसको इनर कॉलम में बिठाओ इज्जत पूर्वक, फिर लेस करते टाइम अपना ये ज्ञान दिखाओ, ओके। और सी उसमें भी 50% जब निकालोगे, बी केयरफुल, 50% ओनली फॉर मेट्रो सिटी, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई, अगर इन शहरों में बंदा रेंट भर रहा है तो 50%, लेकिन अगर छोटा मोटा शहर है तो 40% लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में बोलेंगे प्रॉब्लम साइलेंट है तो अज्यूम कर लो मुंबई का बंदा है, मेट्रो सिटी वाला, तो 50% ले लो, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो सूरत में रेंट भर रहा है अहमदाबाद में तो 40% लेना पड़ेगा। लेकिन 50 और 40 डिपेंडिंग अपॉन मेट्रो सिटी है कि नॉन मेट्रो सिटी, लेकिन किस पे निकालोगे, सैलरी मतलब क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और टर्नओवर कमीशन, ये तीन चीज क्वेश्चन में ढूंढना, फील कर, तुम लोग सम सॉल्व कर रहे हो तो सम में बेसिक सैलरी ढूंढना, डियरनेस अलाउंस ढूंढना और टर्नओवर कमीशन, इसको ऐड करके फिर निकालना। लिखने में सैलरी लिखा, लेकिन इस एक अमाउंट के अंदर
तीन अमाउंट घुसे बड़े बेसिक डियरनेस अलाउंस और टर्नओवर कमीशन। और डियरनेस अलाउंस भी तुमको पता है दो तरह के होते हैं, डीए इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स। तो इन टर्म्स वाला ही लेने का एक रूल याद रहे इस चैप्टर में, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही तो है, तो इस फॉर्मूले में कौन सा डीए आएगा? इन टर्म्स। और क्वेश्चन में डीए के बाजू में ना कभी कभी इन लोग इन टर्म्स नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इन टर्म्स। और ऐसा बोले नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट इन टर्म्स। फिर कभी लिखते डीए एंट्रिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कभी लिखते डीए नॉट एंट्रिंग इनटू, ऐसा नॉट नॉट डीए तो नॉट इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला, ओके, बट इन टर्म्स है तो इन फॉर्मूला। तो बताओ इधर सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन मतलब कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कुछ कमीशन मिला होगा। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये किसका अमाउंट? एचआरए का, एक्चुअली कंपनी से कितना एचआरए मिल रहा है। फिर रेंट पेड, और रेंट पेड क्वेश्चन में देंगे माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब सिर्फ वापस वही बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो सी अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, देखो ये सम है, ऐसा सम दिया है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो तो उसमें देखो एचआरए कितना दिया लास्ट में, 72,000 है, तो पहले एचआरए को इनर कॉलम में लिख दिया 72,000। अरे खाली मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कैसे करोगे। फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है, और चाहिए तो तुम लोग इधर का इधर भी वर्किंग कर सकते हो, या फिर तुमको इधर बहुत ऐसा लगे खिचड़ी हो जाएगा तो वर्किंग नोट बना दो, लेकिन पहले एचआरए को इनर कॉलम में लिखना। लेकिन हाँ इधर भी केयरफुल, हाँ अगर एम्प्लॉई खुद के घर में रहता है, रेंट वेंट भर नहीं रहे, फिर भी एचआरए मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन में चेक करना वो रेंट भर रहा है कि नहीं, अगर क्वेश्चन ने बोला नहीं वो रेंट तो नहीं भरा, उसका अपना घर है, अरे तो ये मगजमारी मत करना। ये फिर एचआरए का अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में चिपका डालना, टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल, तो ही शुड बी पेइंग रेंट। एक और चीज क्वेश्चन में ऐसा बोला है सिर्फ एचआरए, रेंट पेड का इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो टैक्सेबल है ना। अरे जब तक इन लोग सब में चला के नहीं बोलेंगे रेंट पेड, तब तक ये फॉर्मूला चालू मत करना, क्योंकि इस फॉर्मूला की जरूरत क्या है? रेंट पेड चाहिए, और अगर रेंट पेड सब में नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी डालेगा, रेंट पेड होना चाहिए। इसे कई सब में तुम लोग देखो खाली एचआरए दिया है, और स्टूडेंट लोग क्या है फॉर्मूला रट्टा मारे होते हैं ना, फॉर्मूला तो यूज करके रहूंगा, अरे क्या करेगा, क्वेश्चन में रेंट पेड ही नहीं है, तो सिर्फ एचआरए दिया हो ना तो क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल। ये देखो सम में कई बार ऐसा देते हैं, देखो सम का हुलिया देखो ऐसे, देखो इस सम में कैसे दिया है पढ़ना, एचआरए दिया लेकिन ब्रैकेट में रेंट पेड दिया है ना, हाँ तो फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन अगर ब्रैकेट में ये नहीं दिया होता, खाली बोला होता एचआरए, तो फुल्ली टैक्सेबल, याद रखना ये पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे यूज करना है, ये देखो पहले इनर कॉलम में लिख दिया, फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है, फिर 50% किसका निकालेंगे, ये देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, बेसिक सैलरी लिया है और डीए, टर्नओवर कमीशन क्वेश्चन में नहीं था, दिख रहा है देखो ये बेसिक सैलरी कितना है 2,00,000 है ना, और डियरनेस अलाउंस कितना है 4,00,000, तो इन दोनों का टोटल करके कितना आ गया 6,00,000, और टर्नओवर कमीशन भी लेना चाहिए लेकिन सब में नहीं है, ओके। हाँ डीए के लिए कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लो इन टर्म्स है, व्हेन एवर प्रॉब्लम इज साइलेंट मेक पॉजिटिव अजम्पशन, तो ये 6,00,000 हो गया, 6,00,000 का 50% कितना हो गया 3,00,000, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव 72,000, देखो एचआरए उसको 72,000 मिला है, फिर रेंट पेड क्वेश्चन में रेंट पेड देंगे, मान लो 96,000 दिया है वो तो देंगे ना, फिर 10% ऑफ वॉट सैलरी, ये देखो अपने सब में सैलरी कितना है, बेसिक प्लस डीए 6,00,000 आ रहा है ना, तो उसका 10% कितना हो गया 60,000, फिर 1, 2, 3 विच एवर इज लेस, और विच एवर इज लेस जो है उसको मैंने डब्बे में डाला है वो लेस कर दो, आउटर कॉलम में बैलेंस आ जाएगा। सी रेगुलर लेक्चर में तो इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ, लेकिन रिविजन लेक्चर में उतना टाइम नहीं होता है, खाली समझ लो कैसे सॉल्व करना, ओके। तो एचआरए हो गया, तो सी मैं किधर था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ
कौन कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, तो उसमें अपने क्या क्या हो गया है, ट्राइबल एरिया अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, कम्यूटेशन अलाउंस, फिर अभी हाउस रेंट अलाउंस, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा था तुम लोगों के, ये हो गया। फिर कोडवर्ड क्या था, टीसी हट टीसी उधर। फिर एच तक हो गया यू, अंडरग्राउंड अलाउंस, मीन्स अगर एम्प्लॉय को अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है कोयले की खान में, कैसा माइन होना चाहिए, कोल माइंस, कोयले की खान में काम करना मतलब बेचारा एम्प्लॉय अंदर बैठे बैठे काला काला हो जाएगा, उसका स्किन भी खराब हो जाएगा, तो ऐसे वातावरण में काम करना बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए कंपनी वाले उसको अलाउंस देते। मैंने बोला अलाउंसेस कई बार कॉम्पेंसेटरी नेचर भी होते, तो बेचारे को कोयले की खान में काम करना तकलीफ होता है, तो उसके लिए कोल माइंस वालों को अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट है। ये देखो, इवन दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू 800 रुपया पर मंथ, फिक्स्ड है 800 रुपया पर मंथ, लेकिन चेक करना कोल माइंस हुआ तो। हाँ, अगर ऐसा बोला अंडरग्राउंड अलाउंस और कोई कोल माइन नहीं, कोई अलग ही टाइप का माइन है, तो टैक्सेबल। इट इज ओनली फॉर कोल माइंस, एग्जेम्प्ट अप टू 800 पर मंथ। फिर लुक हियर, टी दिख रहा है, टी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करने वाले जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक वर्क बस चलाते हैं ना, उनको एक विशेष अलाउंस मिलता है। क्यों मिलता है, फॉर देयर खर्चा ड्यूरिंग देयर ड्राइविंग जर्नी। जैसे मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, तो यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ, बीच में मुझे टोल नाका भरना पड़ता है, टोल चार्जेस, फिर डीजल भरवाना पड़ता है, और ड्राइवर बेचारा गाड़ी चलाते थक जाता है, तो उसको खुद को खाने पीने को चाहिए, तो इनके लिए अलाउंस होता है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर ही नहीं, कंडक्टर भी, जैसे कोई बस का ड्राइवर है तो बस के ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर भी होगा ना, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो ड्राइवर हो के कंडक्टर, उनको कुछ अलाउंस मिलता है, और वो अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन कितना, जितना भी मिला उसका 70%, जितना भी मिला उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, ये फिक्स्ड अमाउंट याद कर लो, 70% ऑफ जो उसे मिला, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, इतना अमाउंट माफ है। लेकिन क्वेश्चन मालूम कैसे पड़ेगा, ये नॉलेज यूज करूँ, बोलेंगे कि एम्प्लॉय कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब कर रहा है, देख के हिंट मिल जाएगा, वो ड्राइवर है या कंडक्टर है, या फिर ड्राइवर के साथ हेल्पर की तरह काम करता है, ऐसा कुछ दिया मतलब ये फॉर्मूला यूज कर लो, 70% ऑफ जो भी उसको मिला है, या फिर 10,000 पर मंथ, दोनों में से विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट माइनस करेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन वाला अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, लेस कर देने में इतना आएगा, ये हो गया। फिर एक और चीज़, हाँ, ये जो कम्यूटेशन अलाउंस है ना, कई बार इन लोग क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका नाम याद रखना, कम्यूटेशन अलाउंस को इन लोग बहुत बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। सी एम ए नहीं बता, तुम लोग क्या सोचते हैं, ये वाला समझ लेते हैं। सी इधर में ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज किया है, लेकिन ये क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करने वाला ड्राइवर वाइवर उसका है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ना, एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, मतलब ट्रक का ड्राइवर वाइवर नहीं है, नॉर्मल है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब कम्यूटेशन ही है, क्योंकि सी मैं तुमको कम्यूटेशन बोल के सिखा रहा हूँ ना, लेकिन कानून खोल के देखोगे ना, कानून में कम्यूटेशन वर्ड नहीं लिखा है, इन लोग ने बोला ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप पीपल इज एग्जेम्प्ट अप टू 3,200 पर मंथ, तो कानून में जब ऐसा वर्ड लिखा है ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो क्वेश्चन में कभी ट्रांसपोर्ट बोल के अलाउंस आवे ना, तो अपने को यही रूल अपनाना चाहिए, कौन सा वाला, 3,200 पर मंथ। सी बाकी अलाउंस तो जो नाम मैंने बोले वैसे ही आएंगे, लेकिन खास करके इसका मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने पढ़ाते टाइम कम्यूटेशन बहुत बोलता हूँ, और सही है वो, कम्यूटेशन मतलब ऑफिस टू रेसिडेंट, रोज का आना जाना, वो सही नाम है, लेकिन कानून में कम्यूटेशन नहीं लिखा ना, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट, तो क्वेश्चन में कभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आ गया ना, तो भी वही होता है, याद रखना, लिख के रख दो ये सब पॉइंट। तो ये क्या था, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं, इन लोग बोलेंगे कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करने वाला ड्राइवर वाइवर है, ऐसा कुछ वो देख के समझेगा। फिर ये टीसी हट हो गया, फिर ये देखो टीसी हट टीसी उधर
अब टीसी उधर में जितने भी अलाउंस है ना उसमें कुछ अमाउंट याद नहीं रखना है। जैसे अभी तक तो क्या था, हर अलाउंस में कुछ ना कुछ अमाउंट या फॉर्मूला था, लेकिन अब जो अलाउंस आएंगे ना उसका रूल क्या है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। ये देखो टीसी उधर का रूल है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में बोलेंगे उसको अलाउंस इतना मिला है और उसमें से खर्च उसका इतना हुआ है, तो ठीक है जो मिला इनर कॉलम में लिख दो, फिर जितना स्पेंड उतना लेस कर दो, तो जितना स्पेंड उतना एग्जाम। ये रूल किधर है, टीसी उधर एंड नॉट इधर। इधर तो क्या था, फिक्स अमाउंट था ना, लेकिन टीसी उधर में जितना स्पेंड उतना एग्जाम। उससे पहला क्या था, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग के बोले कभी कभी लोग ऐसा बोलते टूर अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, मतलब ये क्या, ऑफिस के काम से आउटस्टेशन जाता है और आउटस्टेशन ट्रैवलिंग का, प्लेन का, फ्लाइट का, ट्रेन का, टिकट का खर्चा है ना, उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस है। लेकिन सी हर एम्प्लॉय ऑफिस के काम से आउटस्टेशन नहीं जाता है, कोई कोई लोग ऑफिस के काम से शहर के अंदर ही घूमते हैं, और जो शहर के अंदर भटकता है उसके लिए कन्वेंस होता है। पता है कन्वेंस और ट्रैवलिंग में बड़ा फर्क क्या है, ट्रैवलिंग वर्ड कब बोलते हैं, जब आउटस्टेशन जाना होता है, लेकिन अगर लोकल ट्रैवलिंग करते तो क्या बोलते हैं, कन्वेंस। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तू आउटस्टेशन जा के शहर के अंदर ही भटक, ऑफिस के काम से जा रहा है ना, रूल सेम है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। जैसे बॉस ने उसको दिया 12,000 था, खर्च हुआ 5,000, तो 12,000 इनर कॉलम में लिखो, 5,000 माइनस। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस जिनको, जैसे एरोप्लेन चला उन्होंने पायलट होता है, एयर होस्टेस है, तो उन लोगों की यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म के खर्चे के लिए अलाउंस मिलता है, तो इसका भी रूल है जितना स्पेंड उतना एग्जाम। फिर डेली अलाउंस पता है क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय को बार बार आउटस्टेशन जाना पड़ता है, तो आउटस्टेशन जाते तो ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है या फिर फ्लाइट की टिकट, लेकिन जब वो आउटस्टेशन जाएगा तो वहाँ होटल में रहने का, वहाँ खाना पीना, उसके लिए डेली अलाउंस है। तो सी जो लोग को आउटस्टेशन जाना पड़ता है ना ऑफिस के काम से बार बार, उनको दो दो अलाउंस मिलते हैं, टिकटों के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, और जब आउटस्टेशन जाएगा वहाँ होटल वोटल में रहना 10-15 दिन खाना पीना, वो सब के लिए डेली अलाउंस। डेली मतलब डे टू डे खर्चा व्हेन यू आर आउटस्टेशन, डेली का मतलब योर डे टू डे खर्चा व्हेन यू आर आउटस्टेशन। पर सी इन सब अलाउंस में कॉमन चीज क्या मालूम है, ऑफिस के काम के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, इससे रूल भी सेम है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। फिर हेल्पर अलाउंस मतलब एम्प्लॉय को ऑफिस में बहुत काम है, तो बॉस ने उसको बोला तू हेल्पर रख ले, असिस्टेंट रख ले, तो असिस्टेंट रखने का खर्चा लग रहा है, उसके लिए हेल्पर अलाउंस है। फिर रिसर्च अलाउंस, एक एम्प्लॉय को दिन रात रिसर्च करना पड़ता है, अब रिसर्च में दिमाग के अलावा पैसा भी तो लगता है ना, तो रिसर्च के खर्चों के लिए कंपनी वाले उसको अलाउंस दे रही है। कंपनी क्या बोल रही है, तेरे पास दिमाग है ना, तू रिसर्च कर, पैसों की चिंता ना कर, तेरे रिसर्च के जो खर्चे उसके लिए हम अलाउंस देंगे, तो वो रिसर्च अलाउंस है। लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है, सभी अलाउंस कोई ना कोई ऑफिस के काम के लिए मिल रहा है। तभी तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जब सब ऑफिस के पर्पस के लिए मिल रहा है तो हमारी नज़रों में तो सब एक बराबर है, इसे सबका रूल भी एक समान है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। लेकिन सी इसमें कई बार इन लोग अमाउंट स्पेंड देते नहीं है, जैसे ये देखो मान लो ऐसा दिया कन्वेंस अलाउंस, और ऐसा बोला उसको 2,000 पर मंथ मिला था, कितना मिला था बोला है, स्पेंड नहीं दिया, अज्यूम फुल्ली स्पेंट। टीसी उधर में अगर स्पेंट अमाउंट नहीं दिया ना, फुल्ली स्पेंट, क्योंकि सी टीसी उधर वाले अलाउंस रियल लाइफ में जब मिलते हैं ना तो फालतू में नहीं मिलते, खर्च होने वाला होता है तो ही कंपनी वाले देते। अब कितना खर्च हुआ बोला नहीं, तो खर्च तो हुआ पक्का है, अब कुछ बोला नहीं तो पूरा स्पेंट। और रियल लाइफ में लोग वही बताते हैं, जिन एम्प्लॉय को ये सब अलाउंस मिलते हैं ना वो थोड़ी कोई इज्जत से बताता है कि मेरे को 12,000 मिला था लेकिन स्पेंड तो खाली 4,000 हुआ है, कौन इतना शराफत से बताता है, लोग भी पूरा स्पेंड ही बताते क्योंकि कोई चेक थोड़ी करने वाला इतना डिटेल में। इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा था, अगर अमाउंट स्पेंट नहीं दिया है तो फुल्ली स्पेंड अज्यूम करके फुल्ली एग्जाम कर दो। HRA में ऐसा मत करना, HRA में अगर रेंट पेड नहीं दिया है तो टैक्सेबल, दो चीज का ध्यान रखना। HRA में क्या करना है, TC उधर में क्या करना है, बोल के खत्म करो। HRA में अगर रेंट पेड नहीं दिया ना तो अपने फॉर्मूला में अटक जाएंगे, रेंट पेड के बगैर HRA का
कैलकुलेशन ही नहीं बढ़ेगा ना, तो एचआरए में रेंट पेड नहीं दिया तो टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में डाल दो। टीसी उधर में अगर क्या स्पेंड नहीं दिया तो अज्यूम करो पूरा स्पेंड है, पूरा माइनस करके आउटर कॉलम में नील कर दो, जीरो कर दो। ओके, तो ये अलाउंस हो गए। तो ये देखो, ये सब अलाउंस एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसके बाहर से कोई और अलाउंस देखा तो फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन में कुछ भी आ, जैसे ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस अपने कोडवर्ड में था नहीं तो टैक्सेबल, ज्यादा दिमाग मत लड़ाना। मेडिकल अलाउंस अपने कोडवर्ड में नहीं है तो टैक्सेबल। लंच अलाउंस अपने कोडवर्ड में नहीं है तो टैक्सेबल। ओके, कोडवर्ड के बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, वो सब फुल्ली टैक्सेबल। और फुल्ली टैक्सेबल मतलब सीधा आउटर कॉलम में लिख देना। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या मालूम है? क्लाइंट्स एंड कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए अलाउंस मिलता है। जैसे बॉस ने एम्प्लॉय को बोला है कि अपना कोई बाहर गांव से कोई क्लाइंट आता है तो उसको वेलकम करो, उसको होटल में रुकाओ, उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान दो। मतलब फॉरेन का कोई कस्टमर आया, फॉरेन से कोई विजिटर आया, उसकी देखभाल करना एम्प्लॉय का काम है, उसको बोलते हैं उसको एंटरटेन करना। तो उसके लिए मिलता है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का है ना ट्रीटमेंट थोड़ा वियर्ड ही है। मतलब इधर तुम लोग देखोगे एकदम फनी ट्रीटमेंट है, लेकिन छोड़ो ना, अपने को एग्जाम के लिए याद क्या करना है बता रहा हूँ। क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया ना, चेक करो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना तो उसको स्टेटमेंट में ऊपर डालो, फिर लास्ट में उसका फॉर्मूला से माइनस करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ही, तो पहले ऊपर डाल देना, फिर नीचे नीचे मतलब मालूम किधर, ये देखो लास्ट में, लास्ट में एंटरटेनमेंट अलाउंस की खास जगह है, लेकिन पहले ऊपर भी डालना। ये देखो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो। ऊपर कितना आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, नीचे कितना आएगा फॉर्मूला के हिसाब से। और इसका फॉर्मूला मालूम है क्या है? 1/5 इंटू बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक। नहीं तो बाकी सब फॉर्मूला में मालूम है, बेसिक डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन सब आता है, ये 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5,000 विच एवर इज लेस। ओके, तो ये फॉर्मूला किधर यूज करोगे? नीचे। तो ये सीन देखो, मैं जो हाईलाइट करके बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम होना चाहिए, पहले वॉर्न कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम है तो पहले ऊपर लिखो फिर नीचे भी लिखो। ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन का दिया हुआ अमाउंट, नीचे लिखेंगे फॉर्मूला से निकाला हुआ अमाउंट। फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, 1/5 इंटू बेसिक सैलरी, बस डीए मत लेना इधर, 1/5 इंटू बेसिक एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5,000 विचर इज लेस। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ना, लेकिन टेल मी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिर्फ ऊपर लिखना क्वेश्चन में दिया अमाउंट और नीचे कुछ नहीं, जीरो आएगा, जीरो। मतलब चाहिए तो लिख देना, लेकिन उसको जीरो या डैश कर देना नीचे। तो सीन याद रखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम है तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर क्वेश्चन वाला, नीचे फॉर्मूला वाला। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिर्फ ऊपर, ऊपर मतलब ये लिस्ट में इसको डाल देना, लेकिन लास्ट में जब एंटरटेनमेंट अलाउंस की बारी आएगी ना तब उधर डैश करना, अगर नॉन गवर्नमेंट हुआ तो। ओके, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का स्पेशल ट्रीटमेंट था। फिर लुक हियर, एक बार एंटरटेनमेंट अलाउंस का सीन एक से ना किधर, एंटरटेनमेंट अलाउंस ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं दिखा, मैंने ओरली बोला ना, 1/5 इंटू बेसिक और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 5,000 विच इज लेस। ये देखो, अपने बेसिक सैलरी खत्म कर दिए, फिर क्या खत्म हुआ? अलाउंसेस खत्म हुआ। अलाउंसेस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट आना चाहिए, टीसी हट टीसी उधर की जानकारी होनी चाहिए, बाकी सब टैक्सेबल। अगली थियरी क्या है? प्रोविडेंट फंड। अब देखो प्रोविडेंट फंड का ये ड्रॉइंग देखो, प्रोविडेंट फंड कैसे ऑपरेट होता है। देखो प्रोविडेंट फंड में ना थोड़ा तो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है। ये देखो इधर मैंने क्या दिखाया, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 5,00,000 है, उसमें से 60,000 प्रोविडेंट फंड का कटा है,
तो प्रोविडेंट फंड में तो रिवाज है, थोड़ा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और थोड़ा, ये देखो बॉस भी अपनी जेब से जमा करता है, और जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो बॉस अपनी जेब से जमा करता है वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और उस पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी मिलता है, और इसको ऐसा समझो ये पिगी बैंक की तरह है, और इस पिगी बैंक में जितने साल सर्विस करेगा पैसा जमा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, फिर एक दिन ये पिगी बैंक फूट जाएगा, और वो कौन सा दिन होगा, रिटायरमेंट। लेकिन रिटायर होने के पहले मर गया तो मरने पे पिगी बैंक फोड़ देते हैं, और पिगी बैंक फोड़ के सब पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है, जिंदा है तो उसको मिलेगा, मर गया तो घर वालों को मिलेगा, लेकिन ये लास्ट में रिटायरमेंट डेथ पे मिलेगा। अब अपने को ना इधर पढ़ना क्या होता है, मैं क्वेश्चन में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट दिया तो क्या करेंगे, और लास्ट में लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट पे तो उसका क्या करेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों चीज का इफेक्ट आना चाहिए। ये चार चीज का इफेक्ट आ गया ना, मतलब सब में आया तो क्या करना है, उसका इफेक्ट आ गया तो प्रोविडेंट फंड खत्म। लेकिन सी सुनने में लगता है ये चार ही चीज़ें क्या, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये चार चीज के लिए तीन टाइप के प्रोविडेंट फंड होते। पहले तीन प्रोविडेंट फंड में ये चारों का ट्रीटमेंट अलग है। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड बताओ, रिवीजन लेक्चर है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। ये देखो फर्क क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट जॉब में होता है, और स्टैट्यूटरी क्यों बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी है, और सरकारी नौकरी में प्रोविडेंट फंड होना ही चाहिए, और जब कोई चीज कंपल्सरी होती तो बोलते हैं स्टैट्यूटरी। फिर गवर्नमेंट जॉब में प्रोविडेंट फंड कंपल्सरी होता है ना, लेकिन प्राइवेट में तो क्या है, प्रोविडेंट फंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं है तो जाने दो, और अगर हुआ तो दो टाइप का होता है, आरपीएफ और यूपीएफ। आरपीएफ मतलब रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यूपीएफ मतलब अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और रेकग्नाइज कब बोलते हैं उनमें, जब ये प्राइवेट वाले प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट के नक्शे कदम से इन्वेस्ट करते हैं। सी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हो रहा है ना, ये पैसा मैंने तो मजाक में बोल दिया पिगी बैंक में पड़ा है, लेकिन असली जिंदगी में ऐसे कोई पिगी बैंक में थोड़ी पड़ा होता है, ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है, क्यों, एम्प्लॉय को तो रिटायरमेंट के टाइम देना है, रिटायरमेंट को तो भी वक्त है, तब तक पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट होता है वही तो मैंने, इफ मनी इज इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट के नक्शे कदम तो रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। लेकिन बॉस अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा अपनी मनमानी से कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो वो अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। गवर्नमेंट को डर क्या मालूम है, बॉस प्रोविडेंट फंड का पैसा अपनी मनमानी से कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, पता चला शेयर मार्केट में डाल दिया, पैसा डुबा दिया, तो एम्प्लॉय के पैसे तो गए ना। इससे गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई भी प्रोविडेंट फंड होता है ना उसका पैसा हम जैसे कहते वैसे इन्वेस्ट करो, और हमें क्या चाहिए, स्टाफ का पैसा सेफ रहना चाहिए। इससे सी रूल है, अगर प्राइवेट वाले अपना प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के नक्शे कदम से इन्वेस्ट करते तो बोलते रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर प्राइवेट वाले अपनी मनमानी से प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करते तो अनरेकग्नाइज। लेकिन प्राइवेट में ही होता है रेकग्नाइज अनरेकग्नाइज, सरकारी नौकरी में तो क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब सुनो, इनकम टैक्स का कानून इससे तो बहुत खुश है, क्यों, गवर्नमेंट नौकरी का है ना, और गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का है, तो इससे गवर्नमेंट पूरी खुश है। लेकिन इससे गवर्नमेंट थोड़ी खुश है, थोड़ी नाराज है। थोड़ी खुश क्यों है, क्यों, गवर्नमेंट के नक्शे कदम से फंड इन्वेस्ट हो रहा है, और नाराज क्यों है, क्योंकि ये प्राइवेट वाले हैं ना, और प्राइवेट वालों में अपनापन नहीं लगता, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल किया है। सी इसको तो फुल्ली एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को बेहद पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी वाला ही प्रोविडेंट फंड है, और इनकम टैक्स का रूल कौन बनाता है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो इनको बेहद पसंद करती है, तो बेहद मतलब बेहद फुल्ली एग्जाम, कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इनको गवर्नमेंट बेहद पसंद करती है कि थोड़ा थोड़ा करती है, थोड़ा थोड़ा ना पसंद क्यों, क्योंकि प्राइवेट वाले गवर्नमेंट के अपने के पराए लोग हैं, पराए तो थोड़ा टैक्सेबल करने का मन हो रहा है, और थोड़ा एग्जाम क्योंकि गवर्नमेंट के नक्शे कदम से प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट हो रहा है ना, इससे ये पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल होगा।
लेकिन इनसे तो गवर्नमेंट को सख्त नफरत है। एक तो प्राइवेट वाले और प्रोविडेंट फंड का पैसा अपनी मनमानी से कैसे भी इन्वेस्ट करते, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अरे मतलब मोटा मोटी याद रखो, ये फुल्ली एग्जेम, ये पार्टली पार्टली, ये फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन सी इधर सुनो कैसा, लुक हियर, मैं 3 सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना, लुक हियर, एक्शन देखना। मैं ऐसे कर रहा हूं, मतलब प्रोविडेंट फंड ऊपर करूंगा, मतलब पैसा जमा हो रहा है, और फिर ऐसे करूंगा, मतलब पैसा मिल रहा है। ये देखो, ये ड्रॉइंग बना रहा हूं, ये ड्रॉइंग को मैं हाथों से एक्शन करके बता रहा हूं। ये ऊपर वाले एरो के लिए मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और जो लास्ट में एरो दिख रहा है ना, ये उसके लिए मैं ऐसे करूंगा। ओके, तो ये देखो एक एक करके देखना। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जब पैसा जमा होता है तब भी एग्जेम, और जब जमा होके लास्ट में मिलता है तब भी एग्जेम, फुल्ली एग्जेम। ओके, आरपीएफ में देखो क्या है, आरपीएफ में जब पैसा जमा होता है तब पार्टली एग्जेम, पार्टली टैक्सेबल, लेकिन जब अंत में मिलता है फुल्ली एग्जेम, क्योंकि पहले टैक्स लग चुका है ना। तो आरपीएफ में क्या, जब पैसे जमा होते हैं, इसका मतलब क्या समझा कि नहीं, ये ऊपर वाले एरो, ये 3 और ये लास्ट में होता है। तो सी आरपीएफ में क्या था, जब पैसा जमा होता है तो पार्टली एग्जेम, पार्टली टैक्सेबल, लेकिन अंत में जब मिलता है टैक्स फ्री। और यूपीएफ में जब पैसा जमा होता है तभी टैक्स नहीं होता, लेकिन जमा हो के अंत में जब रोकड़ा होता है ना, फुल्ली टैक्सेबल, उस वक्त टैक्सेबल होता है। अरे मतलब मैं तुमको बता रहा हूं कि टैक्सेबिलिटी कब अराइज होती है। तो सी इसमें तो टैक्स आता ही नहीं है, जब पैसे जमा होते तभी भी एग्जेम, और जब अंत में मिलेगा तभी भी एग्जेम, लेकिन ये तो पार्टली पार्टली है ना। लेकिन ये पार्टली पार्टली भी कब होगा, ड्यूरिंग दी सर्विस, जब पैसा जमा हो रहा होता है ना, उस वक्त थोड़ा एग्जेम तो थोड़ा टैक्सेबल। अब थोड़ा मतलब कितना बताऊंगा, लेकिन यूपीएफ में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, इसको तो टैक्स लास्ट में मारेंगे, जब पैसा जमा हो रहा है जमा होने दो, लास्ट में टैक्स मारेंगे। अब सी एग्जैक्टली कैसे होगा, मैं तुमको है ना आने वाली स्लाइड में 3 ड्राइंग दिखाने वाला हूं। एक ड्राइंग में एसपीएफ की दिखाऊंगा, दूसरी आरपीएफ की दिखाऊंगा, फिर यूपीएफ की दिखाऊंगा। 3 ड्राइंग दिखाने वाला हूं, फोकस करना। ये देखो ये ड्राइंग किसकी है, एसपीएफ की। एसपीएफ में मैंने क्या बोला, जब पैसा जमा हो रहा है तभी भी एग्जेम, और लास्ट में जब मिलता है तभी भी एग्जेम। वेट, ये क्या लिखा मैंने, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इग्नोर कर देना। क्वेश्चन में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा ना, प्लीज उसकी एंट्री मत पास करना, क्योंकि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में से कट के आता है। और अपने जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो सैलरी तो अपने ग्रॉस लिखते हैं ना, अरे सैलरी में से कट के आता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सुनो क्या बोले, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी तो हम लोग स्टेटमेंट में पहले ही डाल देते हैं, और वो भी ग्रॉस डालते हैं, तो उसके अंदर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तुम लोग अलग से मत लिख देना क्वेश्चन में। तो देखो ये देखो क्वेश्चन में तो इन लोग क्या करेंगे, ये देखो क्वेश्चन में ये लोग अलग से देंगे, देखना प्लीज इधर, ये क्या लिखा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में अलग से देंगे, लेकिन तुम लोग उसको अलग से स्टेटमेंट में लिख मत देना कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी से कट के आया है। और ये बेसिक सैलरी कुछ नहीं दिया तो ऑलरेडी ग्रॉस है, और उसी का एक टुकड़ा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह कट के आया है। तो सी इन लोग तो क्या एक अलग पॉइंट दे देंगे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का, और बेचारा स्टूडेंट इनोसेंटली क्या करेगा, क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट आया है तो उसका अलग एंट्री पास कर देगा, मत करना। इसलिए सी अकाउंट्स में भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं नो एंट्री नो एंट्री, तो इसका भी नो एंट्री, किसका, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का एंट्री मत पास करना, क्योंकि वो बेसिक सैलरी में शामिल है। हाँ, बेसिक सैलरी नेट दिया होगा ना, तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए वो तो जो भी पगार में से काटा है उसे ऐड बैक करे, ग्रॉस करने में काम आएगा। लेकिन नेट दिया हो तो ना, अगर बेसिक सैलरी ऑलरेडी ग्रॉस है तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ इग्नोर कर दो। फिर ये इग्नोर हो गया तो क्या आया, फिर इन तीनों की एंट्री पास करना, क्योंकि सी ये बेसिक सैलरी से कटता है कि बॉस अलग से जमा करता है, ये बॉस अलग से जमा कर रहा है, इंटरेस्ट भी अलग से मिल रहा है,
तो इन सब की अलग से एंट्री पास करना, लेकिन एग्जेम्प्ट है तो डैश हो जाएगा। ये देखो इसका सीन कुछ ऐसा जान दो, चलो जो भी, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इसका सेक्शन है 10-11। 10-11 मतलब पीपीएफ का भी सेक्शन 10-11 है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ भी 10-11 है, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी सेक्शन 10-11 है, क्योंकि पीपीएफ और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दोनों गवर्नमेंट का ही अकाउंट है। फर्क इतना है, पीपीएफ एक आम जनता का बैंक अकाउंट है, लेकिन एसपीएफ जॉब में होता है। फर्क क्या, पीपीएफ का नाम ही क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब जनरल पब्लिक का नॉर्मल बैंक अकाउंट है, लेकिन एसपीएफ तो नौकरी करने वालों का होता है। लेकिन एसपीएफ और पीपीएफ की खासियत क्या है, दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में अकाउंट रहता है। फर्क इतना है, एक जॉब वालों का, एक जनरल पब्लिक का, सेक्शन दोनों का कॉमन है 10-11। फिर मैंने आरपीएफ का क्या बताया था, आरपीएफ पे जब पैसे जमा होते हैं तो पार्टली एग्जेम पार्टली टैक्सेबल, लेकिन जब अंत में मिलेगा फुल्ली एग्जेम। तो ये देखो आरपीएफ का ड्राइंग देखो, क्वेश्चन में आरपीएफ दिया है, तो पहले एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, इग्नोर। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि एम्प्लॉयर तेरे लिए जमा कर रहा है, मतलब तेरे को एक अच्छी नई चीज मिल रही है बॉस के थ्रू, तो उसकी एंट्री पास करोगे। कैसे करोगे ये देखो, पहले एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को इनर कॉलम में लिख देना, एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो इग्नोर हो जाएगा, तो पहले उसको इनर कॉलम में लिख दो। फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है 12% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन। तो ये मेरे एग्जाम्पल में क्या होगा, 3 लाख क्या होगा बेसिक सैलरी, फिर ये क्या होगा डीए इन टर्म्स, और ये नील क्यों लिखा है, क्यों टर्न ओवर कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, अज्यूम करो नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, जे जीरो कर देंगे। फिर ये तीनों को टोटल करके एक अमाउंट आएगा, वो लेस कर दो। ओके, तो ये तो क्वेश्चन में दिया होगा 90,000, लेकिन माइनस करते टाइम ये फॉर्मूला का कमाल दिखाना पड़ेगा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी याद होने के बाद भी किधर लगाना है वो भी मालूम होना चाहिए, आरपीएफ पे लगाने का। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता ना है, तो मैं ये मच-मच करता नहीं, सीधा डैश कर देता, सीधा डैश आउटर कॉलम, क्योंकि फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसे प्रोविडेंट फंड के सब में ना, पहले तो चेक करो कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिखा तो सीधा डैश 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 करके खत्म कर देना। ओके, और आरपीएफ है तो ये फॉर्मूला यूज करना। लेकिन सी ये भी फॉर्मूला किसके लिए मालूम है, एम्प्लॉयर जो तेरे लिए जमा करा उसके लिए, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना उसका अलग रूल है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। कितने लोग बोलते हैं सर 9.5% ऑफ व्हाट, अरे 9.5% ऑफ व्हाट, वो ऑफ व्हाट नहीं होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे मेरे प्रोविडेंट फंड के खाते में अगर ब्याज जमा हो रहा है तो उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता होगा ना, हाँ असल जिंदगी में 10% होता होगा, 11% होता होगा, लेकिन गवर्नमेंट यही तो बोल रही है तेरे को भले 10% ब्याज मिल रहा है, 11% ब्याज मिल रहा है, लेकिन माफ होगा 9.5%। मतलब 9.5% इसका ये मत करना बेसिक सैलरी का 9.5 निकाल लेते, सी 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर लगाना भी है ना तो फंड में कितने पैसे पड़े उस पर लगाते हैं, और इन लोग कभी भी ये नहीं बताएंगे फंड में कितने पैसे पड़े। इन लोग पता क्या करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, देखो क्वेश्चन बोलेंगे उसको 10% ब्याज मिलता है और 10% के हिसाब से 20,000 मिलता है। अब तू हिसाब लगा ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना कि अगर 10% से 20,000 मिल रहा है तो 9.5 से कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी एक्चुअली 9.5 निकालना हो ना तो प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा पड़ा है उस पर निकालना है, लेकिन वो जिंदगी में इन लोग सब में देते नहीं है, इन लोग कभी बताएंगे नहीं कि उसके प्रोविडेंट फंड में 25 लाख रुपए पड़े। हाँ वो पता हो तो निकाल सकता हो, लेकिन वो नहीं बताते। इन लोग है ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और उस रेट से बना हुआ इंटरेस्ट देंगे, और कितने लोग क्या करते हैं, जो 20,000 है ना उसी पे 9.5 लगा देते हैं। अरे 20,000 खुद इंटरेस्ट है और तू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे निकाल रहा है, सी 20,000 खुद इंटरेस्ट है लेकिन वो 10% के हिसाब से ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10% इतना तो 9.5 कितना, इसको तो मैं याद ही कैसे करा तो बच्चों को, 9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा राइमिंग होता है ना तो याद रहता है,
9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इधर 12% क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, बस इन दोनों में ही फॉर्मूला लगाना है। फिर बाद में अंत में जब पैसा मिलता है ना, इट इज फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12, क्योंकि सी जो गवर्नमेंट को टैक्स मारना था वो जमा करते रहे मार चुकी है। जैसे इंटरेस्ट भी 9.5% तक माफ है ना, ऊपर का तो टैक्सेबल हो गया। और पता है ये टैक्स जो आ रहा है ना, ये देखो, ये जैसे इंटरेस्ट में 1000 रुपया टैक्सेबल बना और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में 42,000, ये अपनी जब सर्विस चल रही थी ना, जब पैसे जमा हो रहे थे तभी टैक्स लग गया, ये पैसे मेरे हाथ में भी नहीं आए थे। सी रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का तो कैसा होता है, अपना जब सर्विस चल रहा होता है ना, जब अपने खाते में जमा हो रहा होता है ना, उसी का टैक्स लग जाता है, जबकि मेरे हाथ में पैसा आया नहीं है। बट चिंता मत करो, जब मिलेगा तब टैक्स नहीं आएगा। ये देखो, जब लास्ट में इकट्ठा लमसम अमाउंट मिलेगा तभी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10-12। तो ये आरपीएफ का हो गया, ओके। लेकिन सी आरपीएफ पे गवर्नमेंट क्या करी, देख आरपीएफ में जब पैसा जमा होता है ना तभी थोड़ा एग्जेम थोड़ा टैक्सेबल होता है ना, लेकिन अंत में मिलता तो पूरा टैक्स फ्री। लेकिन यूपीएफ पे क्या मैं उल्टा है, यूपीएफ पे जब भी पैसा जमा होता है ना तभी टैक्स नहीं मारती है, लेकिन जमा हो के अंत में जब आता है ना भारी अमाउंट, तब एक साथ में टैक्स लगता है। ये यूपीएफ का है। तो ये देखो, मैंने तुमको एसपीएफ की पहले ड्राइंग दी, तुम लोग बंदे में रहो, देखो मेरे को थोड़ा फास्ट स्पीड में आना, इससे बंदे में रहो। एसपीएफ की ड्राइंग थी, फिर ये आरपीएफ की ड्राइंग है, अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ यूपीएफ की ड्राइंग। एक सेकंड, ये देखो यूपीएफ पे देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझोगे तो ही समझेगा। मान लो किसी बंदे ने 20 साल सर्विस की थी और हर साल उसकी पगार में से 10,000 कटता था, और जो पगार से कटता उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड बॉस भी उसके लिए 10,000 जमा करता था, और टाइम टू टाइम इंटरेस्ट तो मिलता ही है। तो सी मेरे को बता, 20 साल की नौकरी में कितना इकट्ठा हुआ होगा, हर साल अगर एम्प्लॉय की पगार से 10,000 कटा है, पूरे साल का है, हर साल 10,000 कटा है हर साल, तो एक साल में 10,000 जमा हुआ तो 20 सालों में कितना, अरे हिसाब लगा ना, इंटू 20 2,00,000, 10,000 सालाना है, तो 20 सालों का 20 × 10,000 2,00,000। फिर एम्प्लॉयर भी तेरे लिए हर साल 10,000 जमा कर रहा है, तो हर साल 10,000 तो 20 साल में 2,00,000, तो मतलब एम्प्लॉय की तरफ से 2,00,000 आया, बॉस की तरफ से 2,00,000 आया, तो 2 और 2 तो 4 होना चाहिए, लेकिन उसको अंत में मिला 5,00,000, इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना। अरे मैंने बनावट कैसे किया अमाउंट की, समझा, तो 10,000 × 20 2,00,000, और ये 10,000 × 20 2,00,000, और 2 और 2 4,00,000, लेकिन उसको मिला 5,00,000 क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी मिलता है ना एक्स्ट्रा। अब है ना, ये देखो, ये सब का इफेक्ट क्या आएगा बताओ, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का तो एंट्री का भी पास ही नहीं करते, और इसको एग्जेम कर दो, इसको भी एग्जेम, क्योंकि उसको लास्ट में टैक्स मारना है ना। मैंने बोला यूपीएफ में जब पैसा जमा होता है तभी माफ है, लेकिन जमा हो के जाएगा कहाँ, लास्ट में जब हाथ में आएगा तब टैक्सेबल। तो ये देखो, मैंने इधर फुल्ली एग्जेम रखा है, लेकिन अब देखो लमसम अमाउंट जब मिलता है ना, उसके 4 टुकड़े करने पड़ते हैं। ये देखो 4 टुकड़े मैंने कैसे किए, कि 5,00,000 रुपये में एम्प्लॉय ने कितना जमा किया, एम्प्लॉयर ने कितना जमा किया, बताओ मेरे एग्जाम्पल बताया ना, एम्प्लॉय ने 2,00,000 जमा किया, एम्प्लॉयर ने 2,00,000 जमा किया, और दोनों के 2-2,00,000 पे 50-50 का इंटरेस्ट, दोनों के 2-2,00,000 पे 50-50 का इंटरेस्ट, टोटल करके देख जादू 5,00,000 आ रहा है, आया कि नहीं। 2-2,00,000 एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ने जमा किया था, ये एक साल में नहीं, हर साल तो 10,000 ही जमा हो रहा था, लेकिन इसने 2,00,000 जमा किया 20 साल में, इसने 2,00,000, और दोनों ने जो 2-2,00,000 जमा किया है, दोनों के 2-2,00,000 पे 50-50,000 का इंटरेस्ट आया है। ये मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ मेरे एग्जाम्पल में, तो टोटल 5,00,000 आ गया। अब देखो सबका इफेक्ट क्या है, ये जो 5,00,000 में एम्प्लॉय ने जो जमा किया था ना, उसको इग्नोर कर दो। ये देखो
एम्प्लॉय कितना जमा किया था ये देखो, ये वाला हर साल 10,000 था लेकिन 20 सालों में 2,00,000 हुआ ना, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय जमा करता है वो बेसिक सैलरी से कटता है, और बेसिक सैलरी पे तो हर साल टैक्स लगता ही है, और वो भी ऐसा नहीं कि बेसिक सैलरी के नेट अमाउंट पे लगता है, ग्रॉस अमाउंट पे। भले उसको प्रोविडेंट फंड काट पीट के नेट मिलता है लेकिन टैक्स तो बेचारा ग्रॉस पे भरता है। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोलना चाहिए, भाई ये तो बेसिक सैलरी से टूट टूट के आया है, और बेसिक सैलरी तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो चुका है। 20 साल की नौकरी में 20 बार टैक्स भर दिया होगा बेसिक सैलरी पे, तो अब उस पर दोबारा टैक्स नहीं आएगा। फिर ये तीनों पे टैक्स आएगा, ये तीन क्या है, एम्प्लॉयर का जमा किया हुआ 2,00,000 और ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट। लेकिन सी, ये वाले इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते हैं। सी, जो एम्प्लॉय की पगार से कट के इंटरेस्ट जमा हुआ था ना उस पर, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मेरी पगार तो मैं कटवा के प्रोविडेंट फंड में नहीं भी डलवाता, बैंक में भी रखता तो ब्याज मिलता ना, तो उसका इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन जो पैसा बॉस ने जमा किया और उस पर जो इंटरेस्ट कमा के मिला, वो सब बॉस की मेहरबानी से, बॉस का जमा करना वो बॉस की मेहरबानी, उस पर इंटरेस्ट पैदा होना वो भी बॉस की मेहरबानी। तो बॉस की मेहरबानी से कितना मिला अपने को, 2,50,000, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट यूपीएफ में ना ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सी, ये चार अमाउंट है ना क्वेश्चन में देंगे, चारों अमाउंट क्वेश्चन में देंगे, अपने को इफेक्ट पता होना चाहिए, इसको इग्नोर कर देना, और ये भी सैलरी के स्टेटमेंट में तो इग्नोर ही हो जाएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालना है, और ये दोनों इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल हो जाएंगे। ओके, ये देखो ऐसा, एनीवे सब देख के नहीं समझेगा है ना। तो सी, तीन प्रोविडेंट फंड मैंने बताया, तीनों का देखो शॉर्ट में कैसे बोलता है, देखो एसपीएफ में मेरा एक्शन से देखो, याद हो एसपीएफ में जब पैसा जमा होता है तब भी एग्जाम, जब मिलता है तभी भी एग्जाम 10-11, आरपीएफ में जब पैसा जमा हो रहा है तो पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल, लेकिन जब अंत में मिलेगा फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12, यूपीएफ में जब पैसा जमा होता है तभी एग्जाम डे, लेकिन जमा हो के जब अंत में मिलता है टैक्सेबल, और उसमें चार पार्ट करते हैं, ठाक 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 ठाक, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और एम्प्लॉयर का जमा किया हुआ उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो ये प्रोविडेंट फंड की थियरी थी, हिम्मत रखो। प्रोविडेंट फंड के बाद क्या आता है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में मिलता है, ओके, और वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10-10। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम दिया ना, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ होगा तो हाँ, फिर तो सम सिंपल हो गया। ग्रेचुटी क्वेश्चन में दिया है, सीधा अमाउंट कॉलम में डैश, या फिर इनर कॉलम में लिखे पूरा माइनस कर दो, सेक्शन क्या है 10-10। फिर ग्रेचुटी में ना एक पोगा एम्प्लॉय भी होता है, पोगा का मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सी, कुछ एम्प्लॉय लोग को है ना पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का सहारा है, और ये एक्ट क्या करता है, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दिलवा के रहेगा, नहीं तो कितने कंपनी वाले हैं ना रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी नहीं देते, तो उसके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है ना, कुछ कंपनियों को बोलता है कि आपको रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी देना ही पड़ेगा। भले ये एक्ट का पर्पज ही क्या है, सर्टन कंपनीज के लिए ग्रेचुटी देना कंपल्सरी है, और अगर तू वैसी कंपनी में जॉब करता है तो तू पोगा एम्प्लॉय है। अपने को ये नहीं पढ़ना है कि कौन सी कंपनी में ग्रेचुटी देना कंपल्सरी होता है, वो सब थोड़ी पढ़ने का होता हो, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पूरा पढ़ना पड़ता है। तुम लोग खाली इतना याद रखो, सर्टन कंपनीज में ग्रेचुटी देना कंपल्सरी है, और तेरी जॉब वहाँ है तो तेरे को लोग बोलेंगे पोगा एम्प्लॉय है। लेकिन अगर कुछ कंपनियों में ग्रेचुटी देना ज़रूरी नहीं है, तो अगर तू ऐसी जगह जॉब करता है तो अदर एम्प्लॉय, यू आर नॉन पोगा। और क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा, कि पोगा है कि अदर एम्प्लॉय है, क्योंकि पोगा होगा तो लिखा होगा, पोगा होगा तो लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, ऐसा लिखेंगे। और सी, क्यों बात हो रही है, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला अलग है ना। सी, इधर तो कोई फॉर्मूला का मगजमारी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है,
लेकिन पोगा एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय में फॉर्मूला है। ये देखो फॉर्मूला क्या है, पोगा एम्प्लॉय का क्या है, पहले वेट फॉर्मूला में घुसो उसके पहले याद रखना, क्वेश्चन में जो ग्रेचुटी देंगे पहले उसको इनर कॉलम में लिखना। कितने लोग फॉर्मूला में इतने एक्साइटेड होते ना, सीधा फॉर्मूला चालू, अरे फॉर्मूला बाद में लिखने का, पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया वो इनर कॉलम में लिखो, फिर लेस करते टाइम यूज दी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। अब 15/26 का लॉजिक क्या है, बिकॉज ये रिविजन लेक्चर है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, रेगुलर लेक्चर में इसका लॉजिक बताता हूँ, लेकिन अभी जो भी याद तो करना ही है, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 20 लाख, ये तीन अमाउंट कैलकुलेट करना, तीनों में से जो छोटा है उसको ले लो, विच एवर इज लेस। लेकिन 15/26 तो फिक्स्ड है ना, सैलरी क्या लेंगे, सैलरी सैलरी में बेसिक सैलरी और डीए, बस टर्नओवर कमीशन नहीं आएगा इधर, बेसिक और डीए, और डीए इन टर्म्स वाला भी लेना है, नॉट इन टर्म्स वाला भी लेना है, इन टर्म्स भी लो नॉट इन टर्म्स भी लो, दोनों लो, ओके। और क्या क्या लेंगे, बेसिक और डीए, और उसमें भी सुनो, अगर एम्प्लॉय का सैलरी चेंज हो रहा है तो अपने को लेटेस्ट सैलरी लेना है, लेटेस्ट मतलब जब वो रिटायर हुआ था वो टाइम का। जैसे उदाहरण के तौर पे ही देख लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, देखो क्वेश्चन ये देखो ना, ये सब देखना जल्दी जल्दी देखना, एक एम्प्लॉई है वो रिटायर हुआ है और उसका ऐसे तो सैलरी 10,000 था, लेकिन वो सितंबर तक था, अक्टूबर से उसका पगार बढ़ गया, तो जो बड़ी हुई पगार होती है उसको मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट। तो अपने पोगा एम्प्लॉय का सम हुआ ना, तो कौन सी वाली सैलरी को देखेंगे, 10,000 वाली के 12 वाली को, 12 लेटेस्ट। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक है भाई, डीए भी लेना है, लेकिन इधर देखो क्या लेगा, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट, ओ तो भी चलेगा, पोगा में सब होगा, पोगा में सब होगा, इन टर्म्स भी लेंगे नॉट इन टर्म्स भी लेंगे, ओके। तो मुझे बताओ क्या आ गया फिर, ये 12,000 आ गया और ये भी ले लो, ले लेना ले ना, टोटल मार्क कितना हो गया, 18,000। इसको करूंगा क्या, 15/26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15/26 मल्टीप्लाई वा व्हाट, इस सम में 18,000। वो कैसे निकाला, लेटेस्ट बेसिक, डीए भी लेटेस्ट है ना भाई, चाहे डीए भी ऐसा दिया हो ना कि पहले उसका 6,000 था, बाद में बढ़ के 7 हो गया, तो 7,000 देना। तो ये देखो पढ़ क्या लिखा है, लेटेस्ट बेसिक पर मंथ वाला फिगर लेना, क्योंकि अपने जब स्टेटमेंट बनाते तो इनटू 12 करके रखते ना, तो इधर पर मंथ वाला फिगर, ये देखो इधर मैंने सम दिखाया था ना, ये पर मंथ ही तो था और ये भी पर मंथ, बस इसको पर मंथ वाले को टोटल करना। तो ये देखो लेटेस्ट बेसिक और लेटेस्ट डीए पर मंथ और बोथ इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स बोथ, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 20 लाख विच एयर इज लेस। अदर एम्प्लॉय हुआ ना, अदर एम्प्लॉय में देखो सब सेम है, जहां 15/26 था उसकी जगह पे हाफ आ जाएगा, उसकी जगह पे हाफ, और इधर सैलरी पर मंथ का मतलब अलग है, इधर एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, और प्रीसीडिंग मतलब जिस महीने में रिटायर हुआ ना वो महीना छोड़ दे, प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग जो महीने में रिटायर हुआ है, चाहे वो महीने के बीच में रिटायर हुआ कि महीने के एंड में, वो महीना छोड़ उसके पहले का 10 महीना, और 10 महीने का एवरेज लेने का रूल फिक्स्ड है, फिक्स्ड 10 मंथ्स का एवरेज निकालना है, ओके। और एवरेज में कौन कौन लोग शामिल होंगे आने में, बेसिक डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन, कैसे निकालना है मैं सीन बताऊंगा तुमको इसका, लेकिन एक बार ये वाला नजरिया देख लो, एवरेज बेसिक पर मंथ, एवरेज डीए इन टर्म्स पर मंथ, और एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ। सिर्फ पूरे चैप्टर में ना एक नारा लगा के रखना, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला, खाली पोगा एक्सेप्शन है, पोगा में तो इन टर्म्स भी लेंगे नॉट इन टर्म्स, पोगा में तो सभी होगा, ऐसा याद रखो। अब देखो ये एवरेज कैसे निकालते मालूम है, ये देखो
जैसे मान लो ये सम है, मेरे को बताओ ये सम देख के बताओ ये पोगा एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय कैसे मालूम पड़ेगा, ये सामने सॉल्व करो। अरे मैंने बोला पोगा होगा तो लिखा होगा, कहीं लिखा है पोगा विगा को दिख रहा है नहीं तो अदर एम्प्लॉय, तो अदर एम्प्लॉय में लेटेस्ट वाला सिस्टम नहीं चलता है, एवरेज निकालना पड़ेगा एवरेज। और पता है एवरेज निकालना पड़ेगा ना, तो ये देखो एक वर्किंग नोट बनाने का पैटर्न है अपना, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसे एक वर्किंग नोट बना देने का। सी वर्किंग नोट से जो आंसर आएगा ना इसको फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था बताओ, हाफ इंटू सैलरी ना, तो हाफ तो पता है लेकिन ये इंटू वाली चीज के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अभी मैं जो वर्किंग नोट बता रहा हूं ना वो ये इंटू करने के लिए, हाफ इंटू वॉट। तो सी वर्किंग नोट कैसे बनती है ये देखो, सबसे पहले ना 11वीं लाइन में ना रिटायरमेंट का महीना लिख दो। क्यों 11वीं? क्योंकि अपने को उसको छोड़ के 10 महीना ही चाहिए ना। और अपने ये देखो मैंने एरो बनाया ना, ये उल्टा गिनती करके लिखना पड़ेगा। ये एरो का मतलब है रिवर्स करो, जैसे इस सम में ऐसा दिया वो रिटायर हुआ था नवंबर में, ये देखो इधर इसका सम भी बना हुआ है, देखो ये देखो आदमी रिटायर कब हुआ था नवंबर में। अब एक्चुअली तो 30 नवंबर मतलब पूरा नवंबर काम करके गया है, और नवंबर काम किया पगार तो मिलेगा उसको, लेकिन एवरेज की गिनती में नवंबर को मत ले। तो कानून में क्या लिखा, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, तो इधर रिटायरमेंट का महीना मत लेना। लेकिन एवरेज के लिए कितने लोग क्या करते, उसको नवंबर का पगार भी नहीं देते। क्यों पगार क्यों नहीं मिलेगा, अपने पे लेके नवंबर की लास्ट तारीख तक काम करके गया है तो पगार तो पूरी नवंबर तक ही मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग एवरेज की वर्किंग कर रहे हैं ना, तो उस पर नवंबर को स्किप कर देना। ओके तो स्किप नवंबर, ये देखो स्किप किया है, देखो किधर गया मेरा, हाँ ये रहा, नवंबर को स्किप कर दे। देखो मैंने लिख के काट दिया ना, अब उसको काट दिया और ये मैंने 11वीं लाइन में लिखा था, ऐसे एग्जाम में 11वीं लाइन में लिख देना और उसको कट कर देना। अब मेरे पास देखो एग्जैक्ट 10 लाइन बची है। अब उल्टी गिनती करके जा, नवंबर के पहले क्या था, अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल मार्च फेब जैन, ऐसे लिखते मत रहो, 10 ही महीना लेना है फिक्स्ड, 10 फिक्स्ड है प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। एंड फिर कॉलम क्या बनाऊंगा, बेसिक डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन। ओके फिर ये अमाउंट कहाँ से आया बताओ, ये देखो मैं क्वेश्चन दिखाऊँ, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सम है इधर, बेसिक सैलरी कितना है, कब तक है 30 जून तक, तो 30 जून तक 10,000 लिखते जाओ, फिर बाद में 12,000, 30 जून याद रहना, मैं दिखा रहा हूँ 30 जून, ये देखो 30 जून तक 10,000 से डिटो मार्क किया, फिर बाद में 12,000 आ गया। फिर डीए ना सम में देखो, ये सम किधर गया मेरा, ये ना सम, डीए के ब्रैकेट में कुछ बोला नहीं था तो इन टर्म्स अज्यूम कर लो, प्रॉब्लम साइलेंट है, अज्यूम पॉजिटिवली इन टर्म्स होगा, लेकिन 8,000 है ना, तो बस 8,000 पूरा डेकोरेट कर दो इधर, 8,000 पूरा 8,000, फिर टर्न ओवर कमीशन नील, फिर क्या करेंगे इसका टोटल मारो, फिर डिवाइडेड बाय 10 करो। एवरेज कैसे निकालते, 10 आंकड़ों को जोड़ के डिवाइड बाय 12। तो ये देखो ये हो गया एवरेज बेसिक, ये हो गया एवरेज डीए, ये एवरेज टर्न ओवर कमीशन, फिर ये जो आएगा ना ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से। यही अगर पोगा एम्प्लॉय होता तो लेटेस्ट क्या था, इधर देखो बेसिक 12,000 है और डीए 8 है, करना एक बार बेसिक लेटेस्ट बेसिक 12 है ना उसका, और ये 8, तो 12 और 8 20,000 लेता, वो 15/26 है, तो 15/26 में तो लेटेस्ट बेसिक लेटेस्ट डीए, टर्न ओवर कमीशन मत लेना और डीए भी दोनों। और जो हाफ वाला फॉर्मूला लेते हैं ना तो उसमें ऐसा वर्किंग बनाना पड़ता है। ओके और वर्किंग बना के जो आंसर आया वो, तो ये देखो मैंने इधर सॉल्व भी किया, इधर देखो ये 18,800 आया ना, ये देखो इसको इधर डाल दिया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, और ये उसने जितने साल सर्विस की उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वर्किंग नोट क्यों बनाई है, क्योंकि सी मेन आंसर में क्या खिचड़ी हो जाता ना इधर,
जो ग्रेचुटी पहले 14 लाख क्वेश्चन में दिया था, फिर ये लेस करने वाली चीज मैंने वर्किंग नोट से निकाली है। ये देखो 2,35,000 पता है कहां से आया होगा, यहां से वर्किंग नोट से 1, 2, 3 विच एवर इज लेस। ओके, तो ये देखो किधर थे हम लोग, ये तो ये सैलरी पर। हाँ, एक और चीज, नंबर ऑफ इयर्स दिख रहा है इधर, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। और अगर सर्विस क्वेश्चन है फ्रैक्शन में दी हो, फ्रैक्शन है मतलब ऐसा दिया है 20 साल 8 महीना, 21 साल 3 महीना, ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो, देख ही लो, देखा हुआ लगे अच्छा लगे। देखो इधर 24 साल 9 महीना दिया है, तो उसी देखने का, अगर ये फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है, एक से दिख नहीं रहा होगा तुम लोग, देखो दिख रहा है ये 24 साल 9 महीना है ना, तो ये देखो अगर ये 9 महीने वाला फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा होगा ना, 6 भी नहीं ज्यादा होना चाहिए, तो राउंड ऑफ कर लो, तो 24 साल को हम लोग 25 साल कर लेंगे, लेकिन ये पोगा एम्प्लॉय में होगा। लेकिन अगर पोगा एम्प्लॉय नहीं है ना, तो फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो। 24 साल के बाजू में 8, 9, 11 महीना भी लिखा है तो इग्नोर इट, लेकिन पोगा में फ्रैक्शन को देखना, और वो भी फ्रैक्शन भी 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे ये वाले में ट्राई करो, ये 28 साल 9 महीना है, तो अगर ये पोगा एम्प्लॉय हुआ तो 28 को 29 कर देंगे, लेकिन पोगा एम्प्लॉय नहीं है तो इग्नोर दी फ्रैक्शन। कैसे याद रहे, पोगा राउंड ऑफ होगा, लेकिन पोगा में भी कब होगा, फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा होगा तब होगा, लेकिन पोगा राउंड ऑफ होगा, बट इफ इज नॉट पोगा राउंड ऑफ नहीं होगा। ये मैं किस चीज के लिए बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स में। सी, दिखने में फॉर्मूला सेम लग रहा है, लेकिन दोनों फॉर्मूला में क्या क्या फर्क है, 3 फर्क है। पहला 15/26 इधर हाफ, दूसरा इधर सैलरी लेटेस्ट होता है, इधर एवरेज है, इधर नंबर ऑफ ईयर्स में फ्रैक्शन है तो पोगा राउंड ऑफ होगा, इधर राउंड ऑफ नहीं होगा, फिर बाकी सब सेम है, तो ये ग्रेचुटी हो गया। ओके, फिर ग्रेचुटी के बाद देखना पेंशन, पेंशन एम्प्लॉय को कब मिलता है, रिटायरमेंट के बाद। ओके, पेंशन में पता है आधे लोग का धोखा क्या होता है, ये देखो, जैसे कोई सम में ऐसा दिया होता है ना, ये देखो ना, ये सम देखो, एक से 30 नवंबर को रिटायर हुआ है। ओके, तो पेंशन है ना रिटायरमेंट के बाद वाले पीरियड का लेने का होता है, लोग लफड़ा क्या करते हैं, ये वाले पीरियड का पेंशन ले लेते हैं। सी, क्वेश्चन में जो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस वगैरह वगैरह दिया होगा ना, वो रिटायरमेंट तक के पीरियड का लेना है ना, ये रिटायरमेंट, ये आर क्या लिखा, रिटायर। लेकिन पेंशन में सिली मिस्टेक मत करना कि गलती से हम लोग पेंशन भी ये वाले पीरियड का ले लिए, हमेशा याद रखना पेंशन रिटायरमेंट के बाद आता है। तो अगर क्वेश्चन ने बोला है कि 30 नवंबर को रिटायर हुआ है, तो उसके बाद वाले पीरियड का ही पेंशन पकड़ना। ओके, अब सुनो, पेंशन में एक रूल है, दो तरह के पेंशन होते हैं, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब महीने महीने जो पेंशन मिलता है, हर महीने मंथ टू मंथ मिलेगा, बार बार लगातार सालों साल मरते दम तक मिलता है। लेकिन सी, ये रिटायरमेंट वाला पेंशन है, डेथ वाला पेंशन तो बीवी को मिलता है, बीवी के लिए फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ओके, लेकिन इधर आदमी मरा नहीं है, जीवित है, एक जिंदा एम्प्लॉय को जीते जी पेंशन मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद वो, और उसको महीने महीने मिलेगा तो अनकम्यूटेड। लेकिन एम्प्लॉय को चॉइस होता है, बॉस को बोल सकता है कि मुझे हर महीने देने के बदले एक साथ दे दो। तो अगर मंथली मंथली पेंशन को तू लमसम में कन्वर्ट करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। होता है ना कभी कभी एम्प्लॉय को क्या रिटायरमेंट के बाद पैसों की जरूरत है, बेटी की शादी करवानी है, घर में कोई बड़ा फंक्शन है, तो बॉस को रिक्वेस्ट करके बोलता है कि सर मेरे को जो हर महीने थोड़ा थोड़ा देने वाले हो ना, उसकी जगह एक साथ दे दो बड़ी अमाउंट, जो देना है दो लेकिन एक साथ दे दो, और एक साथ मिलता है बड़ा अमाउंट मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। ओके, तो सी रूल के अनु में अगर पेंशन अनकम्यूटेड हुआ ना, अनकम्यूटेड मतलब तूने कम्यूट नहीं करवाया, कम्यूट नहीं करवाया मतलब जैसा है वैसा ही लिया, और पेंशन का असली स्वभाव क्या होता है, मंथली, और मंथली को तूने वैसे ही रहने दिया मतलब तूने कम्यूट नहीं करवाया, तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। और इधर मानो धोखा क्या होता है स्टूडेंट से,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम आता है ना तो स्टूडेंट लल्लू बन जाता है, एग्जाम करना एग्जाम नहीं, अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल, चाहे तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो के प्राइवेट वाला एम्प्लॉय, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन हुआ तो, याद रखना अनकम्यूटेड। फिर कम्यूटेड हुआ देन इट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 1010A, ग्रेचुटी क्या था 1010 था, ये 1010A है और उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो फुल्ली एग्जाम, लेकिन अदर एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम नहीं होगा। ये देख इन लोग के लिए फुल्ली एग्जाम है ना, लेकिन अदर एम्प्लॉय के लिए इट विल बी पार्टली एग्जाम। अब पार्टली का मतलब क्या मालूम है, ये मैं तुमको सम के थ्रू बताऊंगा, ये छोटा सा सम तुम लोग के सामने सॉल्व कर रहा, तुमको कुछ नहीं करना देखते जाओ, सम के थ्रू बताऊंगा कि पार्टली मतलब कितना। अभी कल इतना समझो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जाम और अदर एम्प्लॉय को मिलता है तो पार्टली एग्जाम, और ये मैं ऐसे थियरी बोल के आगे बढ़ा दूँ ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसका तो सैंपल लेके सिखाना पड़ता है, सैंपल मतलब सम लेके। ये देखो सम मैंने तैयार रखा इधर, ये देख सम, इस सम में क्या लिखा है फटवर्ड मैं खाली सॉल्व कर रहा हूँ। एक आदमी है जो रिटायर हो गया, कभी रिटायर हुआ 31 अक्टूबर 2023 में रिटायर हुआ है, और कभी भी एम्प्लॉय रिटायर होता है ना ऐसा टाइमलाइन बनाने की आदत रखो, नहीं तो पता है अपने से गड़बड़ क्या होती है, अपने अंधाधुन के कुछ भी पर मंथ दिया इंटू 12 कर लेते, अरे होता है मिस्टेक यार, सिली मिस्टेक ऐसे ही है, बच्चा बोंदू नहीं है, बच्चा होशियार है, लेकिन सिली मिस्टेक डेंजरस होती है ना। तो अगर कभी भी रिटायर हो रहा है ना क्वेश्चन में तो अपने को ऐसा टाइमलाइन ड्रॉ करने का, और ये देखो मैंने इधर 31 अक्टूबर क्यों लिखा है, क्वेश्चन में बोला है ना रिटायर हुआ था अभी तो वो लिख दिया, फिर आर फॉर रिटायर, तो फिर अप्रैल से अक्टूबर कितने हो गए 7 महीने। बाय द वे मई 2024 में अपना ईयर 2023-24 होगा, जो लोग नवंबर 2023 में एग्जाम दिए थे उसके बाद मई 2024 में अपीयर करे, याद रखना अपना ईयर चेंज हुआ है तो अवर ईयर विल बी 2023-24, तभी देखो मैंने 2023-24 लिखा है। ओके फिर ये देखना, ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है ना, अब देखो सबका इफेक्ट बता दे, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है तो ये देखो लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन देखते आओ कितना अमाउंट है, 26,000 पर मंथ है ना, तो इसको इंटू 7 मंथ्स कर दूंगा है ना, तो 7 मंथ्स कितना आ गया 1,82,000 लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने। फिर DA नॉट इन टर्म्स, सी नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स का फॉर्मूलों में फर्क पड़ता है, ये जो बोला इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला में स्टेटमेंट में तो लिखना ही पड़ेगा, अरे DA कैसा भी हो स्टेटमेंट में उसको इज्जत पूर्वक एंट्री देना, कितने लोग तो क्या करते हैं नॉट इन टर्म्स इसका एंट्री नहीं आएगा, पागल है, मेन स्टेटमेंट में उसको लिखना है। हाँ जब कभी भी फॉर्मूले यूज करते हैं ना उस वक्त अपने नारे लगाओ इन टर्म्स इन फॉर्मूला नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला, लेकिन मेन स्टेटमेंट में तो DA को पेश करेंगे ना, तो ये देखो DA नॉट इन टर्म्स भी है लेकिन 4,000 × 7 मंथ्स कितना हो गया 28,000, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो पेंशन की बारी है, मुझे मेन पेंशन दिखाना है, करो ट्राई करो, क्या लिखा है His pension was 1500 per month, out of which he commuted 60% for a lump sum amount of 4,20,000। इसका मतलब क्या मालूम है, बॉस ने रिटायरमेंट के टाइम बोला ये देखो तेरा 1500 का पेंशन बनता है, बोल क्या करूँ दे दूँ ऐसे ही, और अगर दे दूँ ऐसे ही मतलब वो अनकम्यूटेड रहेगा अनचेंज्ड, लेकिन एम्प्लॉय बोला नहीं नहीं रुको 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 मैं सोचते दो सोचते दो, तो उसने क्या सोचा मालूम है, सर एक काम करो 1500 में से, ये देखो आउट ऑफ विच मतलब उसमें से, इंग्लिश समझते है ना, आउट ऑफ विच मतलब उसमें से, तो बॉस ने जब 1500 उसके सामने रखा उसने क्या बोला, सर एक काम करो 1500 में से 60% मुझे एक साथ दे दो और बाकी का मुझे महीने महीने दे दो। तो सी बच्चे लोग है ना ये चीज ध्यान से पढ़ते नहीं, देखो क्या लिखा इधर आउट ऑफ विच, तो आउट ऑफ विच मतलब 1500 में से ही, तो ये देखो इसकी वर्किंग ऐसे बनानी चाहिए, देखो 1500 तो उसको बॉस ने ऑफर किया था, अब आउट ऑफ विच मतलब उसमें से, तो 1500 में से एक सेकंड क्या लिखा था 60% ना, तो 1500 का 60% निकाल, 15 मैं निकाल तो तुम लोगों को नहीं आता, मैं निकाल 900 रुपया निकाल के रखा, देखो
1500 का 60% कितना है 900। तो ये देखो मैंने कैंसिल क्यों किया मालूम है, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या बोला, वो मुझे कम्यूट करवाना है, और कम्यूट करवाया मतलब मंथली पेंशन अब मंथली नहीं रहा, वो चौकड़ी मार के लमसम हो गया, कैंसिल हो गया वो। तो उसका 900 पर मंथ था वो, लेकिन कैंसिल होके लमसम 4,20,000 मिला। ओके, क्योंकि उसने 60% अपना हक कम्यूट करवा दिया, लेकिन 60 था तो बचा कितना 40, और 40 भी उसी में से निकालना है, तो 1500 में से 40 कितना आया 600। अब ये अनकम्यूटेड का मतलब ये 600 रुपया पर मंथ है, पर मंथ ही रहेगा, महीने महीने ही मिलेगा। अनकम्यूटेड मतलब वो महीने महीने है और महीने महीने ही रहेगा। ओके, फिर देखो अनकम्यूटेड वाले का मैंने क्या किया, इंटू 5 महीना क्यों किया मालूम है, क्योंकि मेरे सब में रिटायर हुआ तो अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद वाला पीरियड गिन के देख लो ना, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीना। सी ऐसे तो अनकम्यूटेड पेंशन तो सालों साल मिलेगा, लेकिन अपने तो स्टेटमेंट खाली मार्च तक का बना रहे ना, तो मार्च तक कितना महीना, 5 महीना, तो 5 महीने का कितना आया, एक सेकंड, 600 × 5 = 3000, 600 पर मंथ इंटू 5 महीना कितना हो गया 3000, और अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल है। तो देखो मैंने इसकी एंट्री कैसे पास की है, 600 × 5 months फुल्ली टैक्सेबल। सी ये सब बता रहे हैं सिंपल लगता है, लेकिन लोग ब्लंडर क्या करते हैं, उसको इंटू 7 कर लेते हैं। अरे क्या 7, अरे लोग 1500 को कर लेते हैं। अरे 1500 में आउट ऑफ विच लिखा है ना, उसमें से कुछ अमाउंट तो लमसम बन गया, तो कौन सा अमाउंट लमसम नहीं है, 40% वाला, तो वो अपने को ये वाले पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरे केस में कितना आ गया 600 × 5 = 3000, और सीधा आउटर कॉलम में लिखा है क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अब सुनो, कम्यूटेड पेंशन के लिए मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल्ली एग्जेम, वरना पार्टली एग्जेम। तो ये देखो, ये आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चेक करो, नहीं ना गवर्नमेंट होता तो लिखते है, कहीं भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा, ज्यादा मत देख, मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर दिमाग लड़ाना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो बाय चांस फिर तो उसको ये जो 4,20,000 लमसम मिला ना, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता। इनर कॉलम में लिखो पूरा माइनस करके आउटर कॉलम में डैश, सेक्शन 10(10)(a) था, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, तो इसको देखो लॉ क्या बोलता है। ये देख भाई, तूने 60% कम्यूट करवाया, तो एम्प्लॉय बोला मेरा मर्जी, पेंशन मेरे हक का है, और मेरे को 60% लमसम में चाहिए था, तो ठीक है, लेकिन अगर तू 50% कम्यूट करवाता ना, तो हम तेरे को माफ कर देते। फिर एम्प्लॉय बोला नहीं बट मेरे को 60% करवाना था। करवाना भाई, तेरे को कोई रोक थोड़ी रहे, समझता नहीं तेरे को, तो 60 करवा, 70 करवा, जो करवाना करवा, तेरा पेंशन है, तेरे को जितना कम्यूट करवाना करवाना। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि अगर 50% तक कम्यूट करवाता ना, तो हम तेरे को माफ भी कर देते। लेकिन तूने 50 तक करवाया कि 60 करवाया, तो तूने ज़्यादा कम्यूट करवाया, और ज़्यादा कम्यूट करवाया मतलब पैसा भी ज़्यादा मिला, तो वो ज़्यादा वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो पता है क्या करना चाहिए, इधर देखो, इधर 50% का रूल फिक्स्ड है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तू 50% तक कम्यूट करवाएगा ना, मतलब एक्चुअली इन लोग क्या सोचते हैं, देखो 1500 बॉस से बोला था ना, आधा कम्यूट करवा लेता। अरे कन्फ्यूजन होता है ना, महीने महीने लूँ कि एक साथ लूँ, महीने महीने एक साथ, तो गवर्नमेंट क्या होती, आधा ले ले महीने महीने, आधा लमसम ले ले, मतलब ये गवर्नमेंट की सोच है। लेकिन इसकी इच्छा क्या थी, आधा आधा के 60-40, 60-40। तो ठीक है, हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा ना इनकम टैक्स। तो फिर देखो, अगर उसने 60% कम्यूट करवाया तो बॉस ने 4,20,000 दिया, तो अगर वो 50% कम्यूट करवाता तो बॉस कितना देता, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये 50% रूल फिक्स्ड है। 60% तो क्वेश्चन में था ना, तो क्या बोला, अगर 60% तू लमसम मांगता है तो तुझे बॉस 4,20,000
20,000 देता है, तो मान ले अगर तूने 50% कम्यूट करवाया होता तो कितना मिलता, क्रॉस मल्टीप्लाई उतना हम तेरे को माफ कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, मैंने इधर करके दिखा, देखो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, 60% में 4,20,000 मिला है, इनर कॉलम में क्यों लिखा, एग्जेम्प्ट है ना, तो 60% करवाने पे 4,20,000 मिला है, तो 50% पे कितना, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर आया है, तो 3,50,000 आ गया। लोग क्या करते हैं, ये देखो इसका 50% ले लेते हैं, 4,20,000, अरे 4,20,000 तो खुद 60% के हिसाब से बना है, तो 60% से बना हुआ 4,20,000 तो 50% से कितना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 50% फिक्स्ड याद कर लो। लेकिन 50% भी कब मालूम है, अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली हो तो। अपने क्वेश्चन में देख, ये आदमी ग्रेचुटी लेके रिटायर हुआ था कि ग्रेचुटी के बिगर, ग्रेचुटी के बिगर, तो ग्रेचुटी के बिगर रिटायर हुआ मतलब थोड़ा निराश होकर रिटायर हुआ था, बॉस को गाली देके रिटायर हुआ था, खड़ूस बॉस, ग्रेचुटी नहीं दिया तो बेचारा उदास था, तो उसको खुश करने के लिए 50, और अगर वो ग्रेचुटी लेके रिटायर हुआ तो 33.33%। याद कैसे करते, अगर एम्प्लॉय निराश होकर रिटायर हुआ था, निराश मतलब ग्रेचुटी के बिगर, तो उसको 50% तक एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन अगर ग्रेचुटी ले लेवा के रिटायर हुआ था, हैप्पी हैप्पी रिटायरिंग, तो 33.33, मतलब इस समय अगर ग्रेचुटी डाल दूँ ना मैं, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ जो मैंने 50% लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह क्या करूँगा, 33.33%, लेकिन कैलसी पे ना 33.33333333 पूरा कैलकुलेटर 33.333 भर दो, और 33 का पॉइंट डालना मत भूलना, 33 पूरा 333 भर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी। इन शॉर्ट पेंशन का रूल क्या है बताओ, अनकम्यूटेड हुआ तो टैक्सेबल, कम्यूटेड हुआ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, चाहे वो 60% कम्यूट करवावे के 70%, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो लिमिट है कि तू 60% 70% करवा ले, लेकिन एग्जाम तो 50% के हिसाब से होगा, वो 50 भी कब, अगर तुझे ग्रेचुटी न मिली हुई हो, तू उदास होकर रिटायर हुआ था तो, लेकिन अगर तू ग्रेचुटी रिसीव करके रिटायर हुआ था तो 33.33%। इस सब में बताओ क्या हुआ था, ये सब में पेंशन है, चेक करो इसको ग्रेचुटी मिला था, ये देख ग्रेचुटी है इस सब में यार, तो इसको तो ग्रेचुटी मिली थी, तो इस सब में क्या करेंगे, 33.33% करके करेंगे, और कैसा करेंगे, देखो 1,40,000 70% के हिसाब से मिला है ना, तो 70% का 1,40,000 तो 33.33 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, ओके। लेकिन अनकम्यूटेड कितना होगा, 900 में से आउट ऑफ विच 70% कम्यूट करवाया, तो अनकम्यूटेड कितना हो गया, 70% कम्यूट करवाया, तो 30% अनकम्यूटेड, तो 30% 900 का कितना आता है, 270 पर मंथ, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद के पीरियड से लेना, और रिटायरमेंट कब हुआ, 30 नवंबर को हुआ है ना इसका, तो इसके बाद वाला पीरियड लेना। इन शॉर्ट पेंशन में पहला केयर लेना अनकम्यूटेड वाला है ना, ये पूरा मत उठा लेना, वो परसेंटेज से निकाल, इन लोग बोलेंगे ना कि इसमें 70% कम्यूट किया, वो तो कम्यूट हो गया, फिर कैंसिल कर दो, बचा हुआ लेना, और वो भी पीरियड रिटायरमेंट के बाद का लेना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना कम्यूटेड के लिए, 50 अगर ग्रेचुटी सब में नहीं हो तो, और सब में ग्रेचुटी है तो 33.33%, ओके। अब है ना ये वाला ट्राई करना, हिम्मत है तो, ये वाला सम देखो टिपिकल, एक ये देखो, ये वाले में देखो कैसा दिया है, ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, पेंशन 2,000 पर मंथ है, आउट ऑफ विच ही कम्यूटेड 40%, क्वेश्चन में ऐसा परसेंटेज देते हैं 40 कुछ देते हैं,
और अपने माइंड में भी बैठा हुआ आएगा, ग्रेचुटी जिसे नहीं मिला उसका 50, जिसको मिला उसका 33.33, एक माइंड में बैठा हुआ और एक क्वेश्चन में बैठा हुआ रहेगा। इधर क्वेश्चन में 40% कम्यूट करवा है, लेकिन पता है इस सब में लपड़ा गया है, देखो ही कम्यूटेड। वो तो ठीक है, सब में ग्रेचुटी मिला है ना उसको, तो ग्रेचुटी जिनको मिला है उसका 33.33, लेकिन ये देखो इससे 1 जैन से कम्यूट करवाया, जबकि ये आदमी मालूम है रिटायर कब हुआ था, एक से अक्टूबर में। तो सी सम स्पेशल कब बनता है मालूम है, जब भाई एम्प्लॉय ना रिटायरमेंट के वक्त तुरंत डिसाइड नहीं करता है। सी नॉर्मली क्या होता है, रिटायर होते टाइम ही एम्प्लॉय बोल देता है, बॉस एक काम करो मेरे हक में 1000 रुपया महीने का आ रहा है ना, उसमें से इतना लमसम दे दो और बाकी का महीने महीने दे दो, उसने तुरंत डिसीजन लिया तो। लेकिन कोई कोई एम्प्लॉय क्या करते हैं मालूम है, रिटायर हो गए अक्टूबर में ये देख, और अक्टूबर के बाद उसने ना महीने महीने पेंशन भी लेना चालू कर दिया, फिर अचानक उसका मूड बदला, यार एक काम करता हूँ मैं बॉस को रिक्वेस्ट करके 1 साल लमसम मांग लेता हूँ, लेकिन उसने डिसीजन थोड़ा लेट लिया तो उस पर गड़बड़ हो सकती है ना। इस समय यही हुआ है, ऐसा 100 में से 1 सम मिलेगा और वो एग्जाम में वैसा ही सम आता है। तो इधर देखो क्या हुआ है, रिटायर हुआ था अक्टूबर और उसने कम्यूट करने का फैसला कब किया, 1 जैन को। तो टेल मी फिर कैसा होगा, मतलब 1 जैन को उसने बोला कि सर मेरे को एक काम करो लमसम दे दो, लेकिन जैन तक तो बॉस से कुछ बोला भी नहीं, और बॉस लोग को तुम कुछ नहीं बोलोगे ना, वो तो तेरा जो 2000 है ना महीने महीने तेरे घर पहुंचा देगा, हर महीने 2000 2000 2000, जब तक नहीं बोलोगे वो तेरा जो फुल पेंशन है देते आएगा। तो बताओ इधर दिमाग लड़ा कैसे आएगा, एक सेकंड मेरे पास जगह सॉल्व करने का, तुम लोग ये डेटा देख, इधर इधर कर रहा हूँ, देखो देखो इधर मैं टाइमलाइन ड्रॉ किया है, देखो रिटायर कभी हुआ था वो अक्टूबर 31 अक्टूबर, ओके। एंड उसके बाद क्या पीरियड बचता है, एक सेकंड और देख नहीं रहा, ओके अक्टूबर के बाद नवंबर महीने में क्या हुआ था, उसको 2000 मिला होगा, दिसंबर में भी 2000 मिला था, नवंबर दिसंबर तक उसको 2000 मिला था और अनकमिटेड ही है। सी जब तो हम चला के नहीं बोलते मुझे लमसम चाहिए तब तो वो अनकमिटेड ही रहता है, तो नवंबर महीने में कितना मिला होगा उसको 2000, दिसंबर में भी 2000, लेकिन 1 जनवरी से बदलाव आया। क्या बदलाव आया, हमने बॉस को बोला एक काम करो मेरा 40% कैंसल करके लमसम दे दो, और कम्यूट करने का मतलब सोचो कैंसिल हो गया, अभी वो महीने महीने नहीं मिलेगा, लेकिन 40% कैंसिल हुआ तो बचा कितना 60%, तो 2000 का जो 60% है वो अभी महीने महीने मिलेगा, तो 2000 का 60% कितना होता है 1200। तो ये देखो यहाँ पर ये देखो जैन फेब मार्च, मतलब इधर ड्राइंग देख के बताओ ना, नवंबर दिसंबर में कितना मिलेगा उसको 2000 2000, मतलब 4000, फिर जैन फेब मार्च में उसको कितना मिलेगा 2000 में से 400 कैंसिल तो बचा 1200, तो 1200 1200 1200 करके मिलेगा। तो ऐसे निकालना पड़ता है अनकम्यूटेड पेंशन। सी कम्यूटेड को फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेड तो तू रिटायरमेंट के बाद तुरंत ले कि 1-2 महीने बाद ले, वो तो लमसम अमाउंट है ना, उधर तो मंथ्स का रोल भी नहीं है, वो तो लमसम फिगर है। लेकिन अनकम्यूटेड में क्या है, मंथ वाइज होता है ना, और जिधर मंथ की गिनती होती है गड़बड़ हो सकता है। इसे कभी भी सब में ऐसा बोला ना रिटायर ये डेट को हुआ है फिर कम्यूट थोड़ा लेट किया, तो उस पीरियड में फुल पेंशन ले लो। फिर जब उसने बोला मुझे कम्यूट करवाना है उसके बाद मंथली पेंशन छोटा हो जाएगा, छोटा क्योंकि उसने कुछ पोर्शन कम्यूट करवा लिया ना,
तो मेरे एग्जाम्पल में फाइनली बताओ, ये सब महीनों का पेंशन बताओ। नवंबर महीने में 2000 मिला, दिसंबर में भी 2000 मिला, फिर जैन से 1200, फेब में 1200, मार्च में 1200, तो कितना हो गया 2000 2000 1200 1200 1200, 7600 उसका अनकम्यूटेड पेंशन हो गया। और लिखना कहा है स्टेटमेंट में सीधा आउटर कॉलम, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, और 1200 में क्यों बोल रहा हूं कि 2000 में से 40 तो कम्यूट हो गया, तो अनकम्यूटेड तो 60% है, तो 2000 का 60% 1200। लेकिन 1200 इफेक्टिव कब होगा? फर्स्ट ऑफ जैन से। ओके, तो ये सब बहुत केयरफुल है, इससे मतलब केयरफुल रहने ऐसा है कि पेंशन के सम में कभी भी कम्यूटिंग का बोलेंगे ना, डेट देख लेना। हाँ, कुछ नहीं बोला होता तो मगजमारी नहीं है, जैसे डेट नहीं दी होती ना तो नॉर्मल था, तो उसका स्टार्टिंग से ही पेंशन क्या हो जाता, 1200 1200 1200 1200 1200। ओके, तो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सी, मैं रिविजन के अंदर है ना, जो भी टेढ़े मेढ़े पॉइंट इधर स्टूडेंट अटक सकता है वो सब मैं रिकैप करवा रहा हूँ। तो ये अपने पेंशन की थियरी खत्म हुई। ओके, पेंशन हो गया, फिर लुक हियर, इसके बाद है ना, सुनो, पेंशन के बाद एक्चुअली लीव सैलरी आता है, लेकिन लीव सैलरी को मैं बाद में लेके दूसरी चीज कर रहा हूँ। एक से तुम लोग लिंक ना टूटे ना, उसके लिए एक चीज देखो, ये अपने सैलरी के चैप्टर में जा कैसे रहे हो तुम लोग, रास्ता मेरा समझो बराबर। ये देखो अपना प्लान क्या है, लाइन से एक एक करके चीजें सब चीजें खत्म करनी है, समझा। तो अपने प्लान के अनुसार पहले मैंने बेसिक सैलरी करवाया, अलाउंसेस करवाया, प्रोविडेंट फंड करवाया, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया। अब लीव सैलरी की थियरी को मैं थोड़ा बाद में रखता हूँ, पहले मैं छोटी छोटी चीज खत्म कर देता हूँ, कंसिडरिंग जो टाइम बचा है अपने पास अभी, है ना। तो उसी लीव सैलरी को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन अगर एम्प्लॉय को मिलता है ना तो वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला है 1 2 3 4 विच एवर इज लेस, चार अमाउंट में से विच एवर इज लेस करना है। ओके, और इधर चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए फॉर्मूला एक समान है। नहीं तो कैसे, ग्रेचुटी में कैसा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम, पेंशन में भी क्या था, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड तो सबके लिए टैक्सेबल है, कम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम, हर जगह गवर्नमेंट तो। लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट में चाहे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि कोई इधर लफड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख के क्या करता है, फुल्ली एग्जेम। लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट का जो मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा ना, वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबके लिए फॉर्मूला वाइज जाना है, इट इज नेवर फुल्ली एग्जेम। तो सी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये देखो। पहले वीआरएस कंपनी क्यों निकालती है ना, स्टाफ को कम करने के लिए। कंपनी के पास बहुत ज्यादा स्टाफ होता है ना, तो कंपनी सबको पैसे का लालच देके बोलती है पैसा मिलेगा जाएगा, तो पैसा देके सबको फुटाती है। और वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर एम्प्लॉय को जॉब छोड़ना कोई कंपल्सरी नहीं है। कंपनी क्या बोलती, देख जाना है तो जा, नहीं जाना मत जा, तेरी मर्जी, वॉलेंट्री है, लेकिन जाएगा तो पैसे मिलेंगे। अब पैसे का लालच ही इतना दे देते हैं ना कि लालची एम्प्लॉय लोग छोड़ देते हैं, और एम्प्लॉय छोड़ेगा तो कंपनी का स्टाफ कम। ये स्टाफ कम करने की तरकीब होती है वीआरएस। अब जो भी है, क्वेश्चन में अगर ये दिया ना, तो पहले तो इसका सेक्शन याद रखो, 10 10 सी 10 10 सी, तो पहले इनर कॉलम में लिख देना। अपने आंसर में हमेशा स्टेटमेंट ही बनता है, याद रखो। तो स्टेटमेंट के इनर कॉलम में लिख देना कितना मिला है, फिर बाद में देखो फॉर्मूला क्या है इसका। फर्स्ट अमाउंट विल बी सैलरी पर मंथ इंटू फिक्स्ड 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। अभी 3 मंथ्स का लॉजिक मैं बोला ना, अभी रिवीजन लेक्चर में मैं लॉजिक में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज में टाइम बहुत चला जाए। ओके, अपने को थोड़े दिन के अंदर पूरा टैक्स खत्म करना है। 3 मंथ्स फिक्स्ड है, सैलरी इंटू 3 मंथ्स, और इधर सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, टर्नओवर कमीशन, वो भी लेटेस्ट वाला, एवरेज एवरेज नहीं है इधर। ग्रेचुटी में कैसा था, पोगा में लेटेस्ट था,
नॉन पोगा में एवरेज था, इधर लेटेस्ट लेना है, लेटेस्ट बेसिक, लेटेस्ट डीए इन टर्म्स, लेटेस्ट टर्नओवर कमीशन, ओके, फिर इनटू थ्री मंथ्स फिक्स्ड है, ये तो पर मंथ है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री मंथ्स, फिर इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, और वो भी फ्रैक्शन इग्नोर करके। सी फ्रैक्शन देके राउंड ऑफ करना वो पोगा में ही होता है, पोगा राउंड ऑफ होगा, और कहीं पर भी फ्रैक्शन इग्नोर करना पड़ता है, मतलब रूल को जनरलाइज ही कर लो, कुछ चीजें याद कर लो। पूरे सैलरी के चैप्टर में जब भी सैलरी मतलब बेसिक डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन, और सर्विस में फ्रैक्शन इग्नोर करने का। हाँ, पोगा में थोड़ा विचित्र था, पोगा में बेसिक और डीए दो चीजें लेते और इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स दोनों लेते, फ्रैक्शन को भी राउंड ऑफ करते, खाली पोगा एम्प्लॉय का थोड़ा विचित्र है। बाकी पूरे चैप्टर में क्या है, कभी भी कंफ्यूजन होना, एक ही रूल याद रहो, बेसिक डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन लेना होता है और फ्रैक्शन को हमेशा इग्नोर ही करना होता है। तो सी बात यहाँ से निकली थी, अगर सर्विस ऐसा दिया 20 साल 11 महीना 20 ही लेंगे, इग्नोर दी फ्रैक्शन। फिर दूसरी अमाउंट, चार अमाउंट है, दूसरे अमाउंट में सब कुछ सेम है, देखो सैलरी पर मंथ, लेकिन ऊपर थ्री मंथ्स था, नीचे वन मंथ है, ऊपर कंप्लीटेड सर्विस था, नीचे बची हुई सर्विस है। इन लोग बोलेंगे एम्प्लॉय ने तो क्या वीआरएस में छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ता ना तो उसकी 11 महीने की नौकरी बची थी अभी। सी वीआरएस में क्या होता है, तुमको वक्त के पहले कंपनी छोड़ने का बोलती है, लेकिन उसका पैसा भी दे रही है, लेकिन वक्त के पहले छोड़ा मतलब अगर वक्त के पहले नहीं छोड़ता तो उसकी कितनी नौकरी बची थी वो सब में देते, तो रिमेनिंग सर्विस लेना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन ने बोला उसका रिमेनिंग सर्विस तीन साल था, तो तीन साल था ना तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर, कि इधर मुझे मंथ्स में चाहिए। सो क्वेश्चन ने बोला उसकी तीन साल की नौकरी बची थी, लेकिन उसने तो अभी छोड़ दिया, तो तीन साल की नौकरी बची थी वो तीन साल है तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करो। तीन साल को मंथ्स में करेंगे तो इंटू 12 महीना तो 36 महीना, मुझे इधर महीना चाहिए, ऊपर इयर्स चाहिए था और ऊपर कंप्लीटेड सर्विस चाहिए, नीचे बची हुई सर्विस चाहिए, ऊपर तीन महीना है नीचे एक महीना, रट ऐसा, ऊपर भी सैलरी नीचे भी सैलरी, ऊपर तीन महीना नीचे एक महीना, ऊपर कंप्लीटेड नीचे बचा हुआ सर्विस, ऊपर कंप्लीटेड इयर्स, इधर बचे हुए महीने, और फ्रैक्शन इग्नोर करना है, बचे हुए महीने भी एग्जैक्ट मंथ्स और ऊपर भी एग्जैक्ट इयर्स, ओके। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख विचर इज लेस, 5 लाख फिक्स्ड है, ग्रेचुटी के फॉर्मूला में कैसे 20 लाख था, वैसे इधर 5 लाख फिक्स्ड है। तो ये 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार नहीं, 1 2 3 4 फिर विच एवर इज लेस, वो अमाउंट लेस करके माइनस करना, ओके। और ये क्या था, सैलरी का मीनिंग इधर लिखा है बेसिक, और ये डीए इन टर्म्स है, जब भी डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेटेस्ट वाला, ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन आया, तो मेन इधर गड़बड़ हो सकती है वो मैंने याद करवा दिया, ऊपर तीन महीना नीचे एक महीना, ऊपर कंप्लीटेड इयर्स नीचे रिमेनिंग मंथ्स, और सैलरी तो दोनों में ऊपर नीचे में आता ही है। ये फॉर्मूला है ना, लेस करते रहे यूज करना है, पहले इनर कॉलम में लिखो फिर माइनस करते रहे फॉर्मूला, और माइनस ऐसे ही मत चालू कर दो, ऐसे इनॉग्रेशन करना पड़ता है, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-10C, फिर फॉर्मूला हो सके तो उधर ही कर दो या फिर वर्किंग नोट में बनाओ फॉर्मूला। फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, जब कंपनी बंद होती है ना सबको निकाल देते, रिट्रेंच मतलब कंपनी शट डाउन, सबको निकाल दिया। सी वॉलेंट्री में तो क्या है, कंपनी चल रही है, जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा, हम लोग चालू है अभी, नहीं जाना तो मत जा, जाना है तो जा, वॉलेंट्री होता है ना। लेकिन रिट्रेंचमेंट तो कंपनी बंद पड़ गया, कंपनी बोले हम लोग बंद हो गए, जाना है तो जा, नहीं जाना है तो भी जा, जाना ही पड़ेगा, करेगा क्या, कंपनी शटडाउन। तो कंपनी शटडाउन होती है, सबको नौकरी से निकाल देता तो क्या बोलते हैं, रिट्रेंच कर दिया, रिट्रेंच करना मतलब सबको नौकरी से निकाल दिया, और मजबूरी है ना, कंपनी ने धंधा ही बंद कर दिया, हो सकता है कंपनी लॉस में चल रही होगी। तो इसमें भी पता है एम्प्लॉय लोग को कॉम्पेंसेशन मिलता है, क्योंकि कंपनी वाले क्या सोचते, हमारा धंधा बंद करने से बेचारे कितने एम्प्लॉयज
अनएम्प्लॉयड हो गए तो सबको पैसा दे दे के निकालते, ये ले तो 5 लाख रख, तू 2 लाख, तू 4 लाख, तेरे को 8 लाख दे दे चल, सबको पैसा देते और जो पैसा मिला उसको बोलते रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। वो भी पहले इनर कॉलम में लिखो, फिर उसका फॉर्मूला है 1, 2, 3 विचर इज लेस। इधर भी देखो वॉलेंट्री में जैसे 5 लाख था ना, वो 5 लाख इधर भी है और इधर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड था, इधर भी है वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर देखो फर्स्ट अमाउंट क्या है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। क्वेश्चन में बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला तो इतना तो देना चाहिए था, वो सब में देंगे। एक्चुअली बॉस ने ज्यादा दिया होगा, लेकिन एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्या बोलता है, कंपनियों जब आप बंद हो जाते हो तो जब एम्प्लॉय को निकाल देते हो तो कुछ अमाउंट तो दो, और वो कितना अमाउंट दो वो सब वर्किंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में लिखा है, वो अपने को पढ़ना नहीं होता ना, इसलिए लोग क्वेश्चन में बोल देते हैं एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट उसको इतना देना आया था, लेकिन दिया कुछ और था, वो एक्चुअल अमाउंट है। फिर इस तरह से 3 अमाउंट को लिखो लाइन बाय लाइन, फिर तीनों में से विचर इज लोअर माइनस हो जाएगा, तो ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। सेक्शन क्या था, 10-10B और वॉलेंट्री में था 10-10C, याद करते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, कभी कभी सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो गवर्नमेंट बोलती है ले तेरे को सैलरी एडवांस में मिल गई तो टैक्स भी एडवांस से बढ़ दे, शुभ काम में देरी की इस बात की, माना कि सैलरी फ्यूचर की है लेकिन तुझे ही जब हाथ में पैसा मिल गया तो टैक्स भर दे, अभी भर दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना कि मुझे सर गवर्नमेंट सैलरी अभी तक मिली नहीं है तो गवर्नमेंट खड़ूस है, नहीं मिली तो हम क्या करें, टैक्स तो भर दे, तेरा बॉस तेरे को बाद में देगा लेकिन तू हमको तो टैक्स दे दे, मतलब गवर्नमेंट का क्या, जल्दी मिल गया तो भर दे टैक्स, लेकिन नहीं मिला तो गवर्नमेंट अपना बहाना ही सुनते, गवर्नमेंट बोलते नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, तेरा बॉस पागल है, तेरे को सैलरी के लिए रखड़ा रहा है, तू रखड़, हमको टैक्स तुरंत चाहिए। अरे मतलब एक रूल है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विचर इज अर्लियर, मतलब ड्यू होगी तो ड्यू होते ही बढ़ दो, और कभी कभी ड्यू होने के पहले ही मिल गई एडवांस में तो पहले बढ़ दे, मतलब गवर्नमेंट का मुखड़ बना है जितना जल्दी होवे उतना दो, है ना, ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर। तो उस चक्कर में क्या, एडवांस सैलरी पे तो टैक्स लग ही जाएगा ना, एडवांस सैलरी ड्यू तो फ्यूचर में होगी लेकिन रिसीव पहले हो गई ना, और रूल ही क्या, विच इज अर्लियर तो टैक्सेबल। इन शॉर्ट क्वेश्चन में एडवांस सैलरी दिया तो क्या करोगे, टैक्सेबल, लेकिन इधर मालूम है तुम लोगों को लल्लू बनाएंगे, क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे लिखते हैं एडवांस, बाजू में सैलरी वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ एडवांस दिया है ना, मतलब लोन होता है और लोन मेरी लाइबिलिटी है, और अपने लाइबिलिटी को अपने स्टेटमेंट में मत लिखना, उसका नो एंट्री। हम लोग है ना ये जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, ये देखो ये स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये हमारी इनकमों की लिस्ट है, ये लाइबिलिटी साइड नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दियो ना एडवांस, तो हमने उधार लिए तो उसको इधर शामिल करोगे कि नहीं करोगे, मत करना, बिकॉज इट इज अ लोन। सी एडवांस सैलरी है ना, सैलरी तो उधार है कि पगार है, पगार है और पगार अपना धन है, तो उसको लेके टैक्स मारने का। तो सी अपना धन होता है सैलरी, लेकिन सिर्फ एडवांस लिखा है ना तो पगार नहीं है, उधार है, और उधारी ली है तो अपने सिर पे तो लाइबिलिटी चढ़ी, उसकी एंट्री मत पास करना। लेकिन क्या गलती से मिस्टेक हो सकता है, एडवांस लिखा है अपने घाई घा में लिख देंगे, लेकिन सिर्फ एडवांस लिखा हो ना लाइब्रेरी इग्नोर कर देना, एडवांस के बाजू में सैलरी वर्ड चिपका हुआ रहना चाहिए तो ही उसको इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। जो सैलरी बोला है मतलब पूरी उधार, थोड़ी अपने पैसे, थोड़ी जल्दी मिल गई सैलरी, तो ये मिस्टेक हो सकता है। फिर ये देखो किधर थे हम लोग, हाँ, फिर बाद में एरियर्स और सैलरी थे। एरियर्स क्या होता है मैं, जैसे ये देखो एक एम्प्लॉय का बॉस के साथ डिस्प्यूट चल रहा था 3 साल से ना, पगार बढ़ाओ, एम्प्लॉय लोग मालूम है झगड़ा करते, हमारी मांगे पूरी करो, मतलब 3 साल से एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी पगार बढ़ाओ, लेकिन बॉस लोग खड़ूस थे, वो लोग पगार बढ़ा ही नहीं रहे। फिर 4th साल में मालूम है क्या हुआ, बॉस ने उसकी पगार बढ़ाई,
कि एम्प्लॉय लोग ने स्ट्राइक कर दिया कि अभी तो पगार बढ़ाना ही पड़े, नहीं तो काम ही नहीं करने का, जाओ। तो फिर बॉस लोग डर गए यार, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो उसने उसका पगार बढ़ाया, और बढ़ाया तो पता है कैसे बढ़ाया, रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाया। और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बॉस ने बोला चल तुम लोग की पगार अभी तक 3 लाख थी ना, अभी से तो 3,40,000 हो गई, और पहले भी तुमको 3 साल हमने तड़पाया, उस तड़प में तुमको 40,40,000 जो कम दिया था वो भी अभी ले लो, चलो। वो होता है अरियर्स। तो अरियर्स का बातालम है जब अपनी सैलरी को लेकर डिस्प्यूट चल रही थी, और डिस्प्यूट के कारण अपने को कम कम मिल रहा था, लेकिन अभी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गई तो जो भी कम कम मिला था अभी मिल जाएगा। मेरे एग्जाम्पल में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे क्या थी 3,40,000, लेकिन अपने को तो 3,3,3,00,000 मिल रहा था, तो कितना कम मिल रहा था, 40,40,40,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000 आया ना। तो ये सब मुझे मिलेगा, मतलब चौथे साल में तो बोनस लग गया अपना, कि पगार तो बढ़ा ही, और अभी तो बड़ी भी पगार मिलेगी, और पहले 3 साल से हम लोग को जो रुला रहे थे कंपनी वाले वो भी मिल गया। तो ये होता है अरियर्स। और पता है इस पे भी टैक्स आता है, क्यों, क्योंकि पहले ये अमाउंट डिस्प्यूट में था ना, तो हमने टैक्स नहीं भरा था, पिछले 3 साल में तो डिस्प्यूट चल रही थी, और डिस्प्यूटेड अमाउंट पे थोड़ी टैक्स भरा होगा, लेकिन अब तो सुलह हो गया ना, तो अभी टैक्स भरना पड़ेगा। किस पे, ये पूरे 1,20,000 पे। सी 3,40,000 पे तो टैक्स आएगा ही, उस पे थोड़ी कोई सवाल उठेगा, लेकिन ये पहले की अमाउंट होते हुए भी टैक्स अभी लगेगा। माना कि सैलरी पुराने सालों की है, लेकिन पहले डिस्प्यूट के कारण टैक्स नहीं लगा, तो अभी तो भरो, तो ये भी टैक्सेबल है। इन शॉर्ट ये देखो, एरियर्स ऑफ सैलरी भी क्वेश्चन में कभी दिया हो ना, तो समझ जाओ पहले कोई झगड़ा वगैरह चल रहा था, अभी सेटल होके मिला है, तो टैक्सेबल। बोनस रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, जैसे कंपनी वालों ने बोनस का वादा कर दिया, इस दिवाली में सबको 5-5 लाख का बोनस पक्का है, मड़की दबाने, लेकिन दिया ही नहीं, तो टैक्स नहीं भरने का। क्योंकि बॉस लोग तो क्या ऐसे बोल बच्चन देते हैं, बोल बच्चन मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बोनस देंगे देंगे, लेकिन बाद में फिर जाते, पलट जाते, नहीं देना, सॉरी सॉरी। इससे गवर्नमेंट भी क्या सोचती है यार, बोनस का कोई भरोसा नहीं है, जब तक एम्प्लॉय को हाथ में नहीं आएगा ना, उसको उसकी इनकम मानेंगे नहीं। ओनली इफ यू रिसीव इट विल बी टैक्सेबल, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में ऐसा बोला है बोनस वो डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो डिक्लेयर भले कितना भी अच्छा बॉस हो, लेकिन डिक्लेयर करने से उसको इनकम नहीं मानना है, उसको इग्नोर कर देना। सिर्फ बोनस दिया ना, थिंक पॉजिटिव, रिसीव हो गया होगा। कभी भी प्रॉब्लम साइलेंट होता है, मेक पॉजिटिव अजम्पशन कि रिसीव हो गया होगा। लेकिन अगर बोनस के आगे बोला है डिक्लेयर्ड है, नॉट रिसीव्ड, तो नॉट टैक्सेबल। ओके, तो बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अब देखो सैलरी के चैप्टर में अपना 2 चीज बचा, ध्यान देने वाले बच्चों को मालूम है, लीव सैलरी और परक्यूजिट बचा। ये देखो किधर गया अपना, देखो कितना कुछ हो गया अपना, ये देखो अपने इसमें से चेक करो अपना क्या बाकी है, परक्यूजिट्स की थियोरी बाकी है और लीव सैलरी की, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका, 2 चीज बची है, परक्यूजिट्स एंड लीव सैलरी। अब सुनो, लुक हियर, एक फास्ट रैपिड रिकैप बताना, बेसिक सैलरी टैक्सेबल, अलाउंसेस में टीसी हट, टीसी उधर एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ऊपर भी लिख, नीचे भी लिख, ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से लिख, नीचे फॉर्मूला के हिसाब से लिख, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिर्फ ऊपर लिखो, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। फिर प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जब पैसा जमा होता है तभी भी एग्जाम, जब मिलता है तभी भी एग्जाम 10-11। आरपीएफ में जब पैसे जमा होते हैं तब पार्टली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में 12% और बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन, इंटरेस्ट में 9.5% क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जब जमा होता है तब थोड़ा एग्जाम थोड़ा टैक्सेबल, लेकिन अंत में जब मिलता है पूरा एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12। यूपीएफ में तो जब पैसा जमा होता है तब एग्जाम दे, लेकिन लास्ट में मिलता है टैक्सेबल, लेकिन वो लमसम अमाउंट को 4 पार्ट में डिवाइड करने का, लमसम अमाउंट में जो एम्प्लॉय का इकट्ठा किया हुआ इग्नोर, और उस पर जो इंटरेस्ट जमा हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स,
एम्प्लॉयर का जमा किया हुआ उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। फिर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में क्या था, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, ओगा एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय 1, 2, 3 विचर इज लेस, उस पर सेकेंड और थर्ड अमाउंट तो सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, फर्स्ट अमाउंट में फर्क है, पोगा में 15/26 उसमें हाफ था, और पोगा में सैलरी मतलब लेटेस्ट बेसिक लेटेस्ट डीए बोथ, और अदर एम्प्लॉय में एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ, एवरेज डीए इन टर्म्स पर मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ, और एवरेज का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, और उसमें 10 महीने लिखो, उसमें रिटायरमेंट का महीना छोड़ के 10 महीना, फिर बेसिक डीए टर्नओवर कमीशन सबको ऐसे ऐड करके डिवाइड बाय 10, और नंबर ऑफ इयर्स में पोगा राउंड ऑफ होगा, बट इफ इज नॉट पोगा राउंड ऑफ नहीं होगा, लेकिन पोगा में भी कब होगा, 6 महीने के ऊपर हुआ तो। फिर पेंशन अनकम्यूटेड टैक्सेबल, कम्यूटेड हुआ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जाम 10-10A था, ग्रेचुटी 10-10A 10-10A है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्वेश्चन में बोलेंगे 60% कम्यूट करवा, 70% तो करवा, लेकिन 50% तक एग्जाम है, अगर तुझे ग्रेचुटी नहीं मिली है तो, ग्रेचुटी मिली तो 33.33%, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। फिर लीव सैलरी भागे वॉलेंट्री में 1, 2, 3, 4 विचर एज था, है ना, उसमें पहले दो अमाउंट मेन थे, ऊपर भी सैलरी नीचे भी सैलरी, पर मंथ, ऊपर 3 मंथ नीचे 1 मंथ, ऊपर कंप्लीटेड ईयर्स नीचे रिमेनिंग मंथ्स, फिर एक्चुअल अमाउंट 5 लाख विचर इज लेस, फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में एक तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वाला अमाउंट था, फिर एक्चुअल और 5 लाख विचर इज लेस, वो 10-10B था, वॉलेंट्री 10-10C था, फिर अरियर्स टैक्सेबल, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल इफ रिसीव्ड, कुछ नहीं बोला है बोनस दिया तो टैक्सेबल अज्यूमिंग रिसीव्ड, खाली एडवांस लिखा है बाजू में सैलरी नहीं दिया तो इट्स अ लोन, और लोन का एंट्री नहीं पास कर इट्स अ लायबिलिटी, बस अपना परक्यूजिट बचा है और लीव सैलरी, फिर टॉपिक खत्म हो जाए। ओके लेट्स सी, कल खत्म करने का ट्राई करेंगे, बाय। अभी सुनो मेरी एडवाइस सुनो, यूट्यूब वालों, फेस टू फेस वालों, सब लोग सुनो, अगर तुम लोग रिवीजन बैठ रहे हो ना इसके साथ, है ना, इसके सब सम खत्म कर डालने चाहिए, क्यों लगते, क्योंकि सी इतना सारा सुन के क्या मतलब, ये चीज़ तो मैंने अभी जो बोली ना 1000 बार भी बोल दूँ कुछ मतलब नहीं है ना, जब तक बच्चा खुद घिसाएगा नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तो क्या, तुम लोग के सामने मेरे को बिठा देवे ना कोई, मैं 50 बार पढ़ा दूंगा, लेकिन कितना भी करूँ जब तक तुम लोग खुद नहीं मरोगे ना रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसलिए। और बेस्ट चीज़ क्या, अभी जब हो रहा है तो बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी हो रहा है तो उसको ख़त्म ही कर डालो, हाँ दूसरे दूसरा जो सब्जेक्ट कर रहे हो करो, लेकिन इसको भी ख़त्म कर डालो, ताकि क्या साथ साथ ख़त्म हो जाए, नहीं तो खाली ऐसे सेशन अटेंड करके मतलब नहीं है ना, साथ साथ अपना ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके बाय, रिवाइज एंड कम, प्लीज़ रिवाइज एंड कम, प्लीज़ इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ओके कल मिलते हैं।